The events, characters, and entities depicted in this film are fictional. Any resemblance or similarity to any actual events, entities, or persons, whether living or dead, is entirely coincidental. वो दिन तुमको इतना ज्ञान दिया कि मैं किसी से डरता नहीं। मैं इधर किसी के फट्टे में टांग अड़ाने को नहीं आया, राज करने के लिए आया मैं। मैं यहाँ आया था गाड़ी में बैठ के, अब जाऊंगा भी गाड़ी में, वरना मैं यहाँ से हिलने नहीं वाला। इज्जत का सवाल है, झुकूंगा नहीं। शुभा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं। अब पुष्पराज भैया टीजर से सोशल मीडिया पर तूफान लेकर आए और उसके बाद हर कोई पुष्पा जाप कर रहा है। पर ये जाप क्या कम था जो अब मेकर्स ने 20 सेकंड के एक प्रोमो क्लिप में सिर्फ पुष्पा 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 ही सुनाई दिया। भाई पुष्पा हमारे दिलो दिमाग पर चिंगम की तरह चिपक चुका था, और कितना चिपकाओगे। दरअसल 20 सेकंड का एक प्रोमो क्लिप शेयर किया गया है और ये है इस फिल्म के पहले गाने का प्रोमो क्लिप। इस वीडियो में हमें पुष्पा पुष्पा पुष्पराज सुनाई देता है, जिसमें हर एक बीट पर इस फिल्म के प्रोड्यूसर मैत्री मूवीज, डायरेक्टर सुकुमार, म्यूजिक कंपोजर देवीश्री प्रसाद और अल्लू अर्जुन के नाम मेंशन किए गए हैं। और नोटिस करने वाली बात यह है कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर सुकुमार देवीश्री प्रसाद यानी DSP इनके नाम बिल्कुल छोटे छोटे फॉन्ट्स में नजर आएंगे, पर ए यानी अल्लू अर्जुन का नाम बड़े फॉन्ट में नजर आएगा और ये भी गोल्डन कलर में बिल्कुल चमकता हुआ। और जब अल्लू अर्जुन का नाम दिखाई देता है तब उसी के पीछे हमें लाल कलर पैलेट भी नजर आएगा, जिसमें हम ये भी कह सकते हैं कि रेड सैंडलवुड का इंडिकेशन हो, जिसका मतलब अब लाल चंदन के साथ साथ गोल्ड स्मगलिंग का भी इरादा लगता है। फिर एक फ्रेम में अल्लू अर्जुन का झुकेगा नहीं साला आइकॉनिक स्टाइल भी हल्का सा दिखता है और फिर कैमरा पुष्पा की अंगूठियों से भरा हुए हाथ पर घुमाया जाता है, जिसकी एक उंगली पर नेल पेंट लगा है। अब पुष्पा गंगम्मा देवी का रूप है तो उसी का निशानी दिखाई देता है। और फिर क्लिप के एंड में हमें बताया जाता है कि 1 मई को सुबह 11:07 पर हमें फर्स्ट सिंगल दिखाया जाएगा। वैसे ये शायद पुष्पा एंथम सॉन्ग होगा जिसे पीछे देवीश्री प्रसाद ने ही गाया है। वैसे अल्लू अर्जुन फिल्म की प्रमोशनल स्ट्रेटजीज में भी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। अब पुष्पा पार्ट 1 के गाने फिल्म रिलीज के 4-5 महीने पहले रिलीज किए गए थे और पुष्पा पार्ट 1 के गाने धूम मचा चुके थे, जिसका फिल्म को फायदा भी हुआ। तो सेम स्ट्रेटजी अभी अल्लू अर्जुन ने प्रोड्यूसर को अपनाने के लिए कहा है, क्योंकि पुष्पा को अब सबको झुका झुका कर उनकी पीठ का भरता बना दे रहे हैं। वैसे मेकर्स ने यह भी बताया है कि लिरिकल वीडियो होगा, पर इसमें पुष्पा पुष्पा भले ही बैकग्राउंड में बज रहा हो, पर वीडियो में फिल्म से जुड़े इम्पोर्टेंट लोगों को भी मेंशन किया गया है, क्योंकि गाने के लिरिक्स में और कुछ था ही नहीं। खैर, पर आपको कैसा लगा ये पुष्पा 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 एंथम सॉन्ग, बताओ कमेंट बॉक्स में। एंड टिल देन कीप वॉचिंग पॉलीग्राफ स्टूडियोज। आइकॉन स्टार अल्लू अर्जुन की पुष्पा द रूल का टीजर क्या आया उसके बाद लिटरली सभी फैंस डिबेट करना स्टार्ट कर दिए, जो एक्चुअली करने की ज़रूरत भी नहीं थी। पर अल्लू अर्जुन हो या प्रभास, ये हमारे लिए एक इमोशन है और इमोशंस तो एक्सप्रेस करने ही पड़ते हैं। अब ये क्या है ये हम आपको बताते हैं, पर उससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि जिस टीज़र में आपने अल्लू अर्जुन को देवी के अवतार में देखा, झुमकी, बैंगल्स, घुंघरू पहने हुए, वो गंगम्मा थली यात्रा सीक्वेंस का हिस्सा था।
और इस 6 मिनट के सीक्वेंस पर 60 करोड़ खर्च हुए। सोचिए कितना इम्पोर्टेंट सीन होगा। वेल चलिए तो अब आते हैं फैन वॉर वाली बात पर। दरअसल पैन इंडिया फेनोमेनन प्रभास की बाहुबली के बाद शुरू हुआ और फिर रामचरण, NTR, अल्लू अर्जुन, इन्होंने पैन इंडिया फिल्मों का मेला लगाना स्टार्ट कर दिया। पर इसकी शुरुआत तो प्रभास ने की थी और ये करिश्मा उन्होंने राजा मौली के साथ किया। अब रामचरण और NTR ने भी राजा मौली के साथ RRR जैसी ऑस्कर विनिंग मूवी की, मतलब इन सबको राजा मौली का साथ मिला पैन इंडिया स्टारडम में। पर RRR के बाद रामचरण की मूवी आई आचार्य, जो कि फ्लॉप हुई, जिसे राजा मौली ने नहीं बनाया था, यानी विदाउट राजा मौली सपोर्ट उनकी अगली मूवी फ्लॉप हुई। अब NTR की दूसरी पैन इंडिया मूवी है देवराज, जो अभी तक आई नहीं है, तो उन्हें लेकर कुछ नहीं कह सकती वो राजा मौली के बिना सक्सेसफुल होंगे कि नहीं। और अल्लू अर्जुन की पहली पैन इंडिया मूवी पुष्पा द राइस थी, जिसमें वो झुके भी नहीं और आग लगाकर चले गए। और उनकी दूसरी पैन इंडिया मूवी पुष्पा 2 है, पर पुष्पा द राइस से वो नेशनल सेंसेशन बने, वो भी विदाउट राजा मौली के सपोर्ट के। और पार्ट 2 का टीजर देखकर लोग यही कह रहे हैं कि विदाउट राजा मौली सपोर्ट भी अल्लू अर्जुन का स्टारडम बढ़ता ही जाएगा। पर यहाँ सिर्फ अल्लू अर्जुन वर्सेस प्रभास इसलिए है क्योंकि प्रभास ने बाहुबली के बाद फ्लॉप फिल्में दी, पर सालार की वजह से फिर से उनका पैन इंडिया स्टारडम मजबूत हुआ विदाउट राजा मौली सपोर्ट। और अब पुष्पा 2 के जरिए अल्लू अर्जुन का स्टारडम भी मजबूत हो सकता है। अब आप बताओ आप कितने एक्साइटेड हो पुष्पा 2 को लेकर। हम फिर मिलेंगे, बाय बाय। बिकम एन एक्टर इन बॉलीवुड। पुष्पा 2 इस साल की मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवीज की लिस्ट में पहले नंबर पर है और ये एक ऐसी फिल्म है जिसे साउथ ऑडियंस और नॉर्थ ऑडियंस दोनों को ही काफी उम्मीदें हैं। और साथ ही ये एक सक्सेसफुल मूवी पुष्पा पार्ट 1 द राइज का दूसरा पार्ट है और हर बार दूसरे पार्ट की हाइप और उसकी कमाई दोनों ही पहले पार्ट से कई ज्यादा होती है, फिर वो बाहुबली 2 हो या KGF 2 और या अब पुष्पा 2। और इसीलिए कई सारे ट्रेड एनालिस्ट का ये कहना है कि पुष्पा 2 को मिल सकते 100 करोड़ की ओपनिंग और अगर फिल्म की स्टोरी और फिल्म का म्यूजिकल एल्बम पुष्पा पार्ट 1 की तरह हुआ फिर तो ये फिल्म आसानी से 1000 करोड़ क्लब का हिस्सा बन जाएगी। इसके साथ ही अगर हम आज तक के बेस्ट ओपनर्स की बात करें तो हमारी इंडियन सिनेमा की हाईएस्ट ओपनिंग डे ग्रोसर में सबसे पहले है RRR विद 223 करोड़, उसके बाद है बाहुबली 2 द कंक्लूजन विद 214 करोड़, उसके बाद है सलार विद 163 करोड़, उसके बाद है KGF चैप्टर 2 विद 162 करोड़, एंड फिफ्थ रैंक पर है लियो विद 149 करोड़। और अगर RRR को यानी फर्स्ट रैंकर को साइड में रख के बाकी की मूवीज को देखा जाए तो ये चारों ही फिल्में मास एक्शन मूवीज हैं, जिनमें से बाहुबली 2 और KGF 2 सीक्वल है जस्ट लाइक पुष्पा 2। और अब अगर पुष्पा 2 को इस टॉप 5 का हिस्सा बनना है तो उसे अपने ओपनिंग डे पर 150 करोड़ से ज्यादा की कमाई करनी होगी और अल्लू अर्जुन का क्रेज देखकर ये इम्पॉसिबल भी नहीं लग रहा है। इसके साथ ही इस टीजर से जैसी उम्मीद थी ये टीजर बिल्कुल ऐसा ही बनकर सामने आया है और इसके साथ ही अल्लू अर्जुन के सारे लुक सारे ही इंटरनेट सिग्मास की बोलती ऐसी बन की है कि उसके तो क्या ही कहने। और इसके साथ साथ इस टीजर में जो कैमरा वर्क नजर आ रहा है जिसने पुष्पा राज की एक एक मूवमेंट को ऐसे कैप्चर किया है कि देखने वाले मेस्मराइज्ड ही हो जाएंगे। और जब भी अल्लू अर्जुन प्लस सुकुमार सर प्लस DSP का कॉम्बिनेशन सामने आया है तब तब रिकॉर्ड्स बने ही हैं और अब भी बनने वाले हैं। तो आपका इस पर क्या कहना है ये हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। हैप्पी बर्थडे आइकन स्टार अल्लू अर्जुन, और उनके बर्थडे पर आज एक गिफ्ट मिल गया है हमें टीजर ऑफ द ईयर, क्योंकि पुष्पा राज इज बैक एंड विथ स्वैग। और इसे 1 मिनट और 8 सेकंड की टीजर ने हमें पुष्पा 2 की जो एक छोटी सी ग्लिम्स दी है वही काफी है फिल्म की हाई बढ़ाने के लिए। और जिस लुक को लास्ट ईयर रिलीज किया गया और कुछ दिन पहले एज अ स्पेशल लुक और डिफरेंट वे में रिलीज किया गया, उस लुक में हमने फाइनली पुष्पा को देख ही लिया है। इस टीजर में काफी सारे आइकॉनिक पॉइंट्स हैं और उनमें से सबसे आइकॉनिक अगर कोई है तो वो है पुष्पा का स्टाइल से अपनी साड़ी का पल्लू लेना और फिर आगे चलकर दुश्मनों को मारना, और उससे पहले जिस तरह से वो किसी की बॉडी पर चल गई वो भी काफी अमेजिंग था। उसके साथ ही पुष्पा का त्रिशूल से अपनी फोरहेड पर निशान करना या अपनी पिंकी फिंगर के पिंकी फिंगर से काजल लगाते हुए किलर वाला लुक देना, उसका तो क्या ही कहना। और उसमें भी जो वो झुमका जिस तरह स्विंग करता है वो तो चेरी ऑन द टॉप था। इसके साथ ही बैकग्राउंड देखकर हमें ये समझ आ जाता है कि ये पूरा सीन गंगम्मा जात्रा, जो पुष्पा 2 के लिए काफी इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसी की एक ग्लिम्स है, क्योंकि पीछे पूरा जात्रे वाले लोग माहौल बनाकर खड़े हैं। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पुष्पा के कॉस्ट्यूम की तरह ही काफी सारे और मर्दों ने भी इसी तरह के कॉस्ट्यूम्स पहने हुए हैं जो इस गंगम्मा जात्रा में पहने जाते हैं, और कई सारे लोग एज डिफरेंट देवी देवता के कॉस्ट्यूम्स में भी नजर आ रहे हैं। और इस पूरे शॉट में जो लाल रंग उड़ रहा है
हर जगह पर वो सबसे बेस्ट है। साथ ही इस पूरे सीन के विजुअल्स भी काफी सही हैं और जिस तरह के कलर्स को इस्तेमाल किया गया है वो इसे और भी सिनेमैटिक बना रहे हैं। इसके साथ ही लास्ट में जब कुछ लोग पुष्पराज पर अटैक करने आते हैं और वो एक लुक से ही उन्हें डरा देते हैं और वो ऐसे पीछे हो जाते हैं, ये भी एक काफी आइकॉनिक सीन है। और साथ ही आखिर में जब लिखता आता है रूल्स बिगिन एट 15, वो भी काफी सही था, जो इंडिकेट करता है कि इस बार रूल तो पुष्पा ही करेगा, फिर वो सैंडलवुड मार्केट हो या बॉक्स ऑफिस। और इसके साथ ही पुष्पराज का जो स्लो वाला वॉक था जिसमें वो अपने गले में पहनी हुई मालाओं को ठीक करते हुए आगे बढ़ता है और जब वो चलता है तो पीछे जिस तरह से शेषनाग उसे प्रोटेक्ट कर रहा है ऐसा आ रहा है, वो भी काफी आइकॉनिक है। हर बार अल्लू अर्जुन की पुष्पराज वाली वॉक वायरल होती है। लास्ट टाइम पार्ट 1 में उनकी श्रीवल्ली गाने वाली वॉक पॉपुलर हुई थी और इस बार उनकी स्लो मोशन वाली वॉक पॉपुलर होने वाली है। साथ ही ये वाला सीन है जिसमें हमें आज टीजर दिखाया गया वो पुष्पा 2 का एक कोर पार्ट होने वाला है, जो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये वाला पार्ट फिल्म में या तो इंटरवल से पहले आएगा या फिर उसके बाद, लेकिन आएगा जब भी तब सबके होश उड़ाने वाला है। तब पुष्पा राज आकर बोलेगा कि पुष्पा पुष्पा राज झुकेगा नहीं साला, और ये वाला पार्ट जब थिएटर में प्ले होगा तब ऑडियंस का जो रिएक्शन होने वाला है वो भी इंटरनेट ब्रेकिंग होगा। तो आपको ये टीजर कैसा लगा और आपको इस टीजर में से फेवरेट पार्ट कौन सा है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड चिल्ड्रन की और सज्जनों, बस कुछ ही घंटे और फिर आएगा पुष्पा द रूल का टीजर। जिस तरह 8 अप्रैल को आपने लॉक कर लिया है उसी तरह आप टीजर के टाइम को भी लॉक कर लीजिए, क्योंकि अब पता चल चुका है कि पुष्पा 2 का टीजर कितने बजे आने वाला है। 8 अप्रैल को अल्लू अर्जुन के जन्मदिन पर पुष्पा 2 का टीजर आएगा, जो आएगा सुबह 11:07, तो दिल थाम के बैठिएगा। वैसे अल्लू अर्जुन ने सोशल मीडिया पर एक पिक्चर भी शेयर की है जो है एडिटिंग स्टूडियो से, जहां पर टीवी स्क्रीन पर हमें पुष्पा 2 दिखाई देगा और वहां पर मौजूद कंप्यूटर सिस्टम भी नजर आएंगी। और ये पिक्चर शेयर करते हुए अल्लू अर्जुन ने कैप्शन में लिखा है ऑल सेट, यानी मूवी का टीजर अपसेट है। अरे नहीं नहीं, बल्कि अब सेट है, मतलब पुष्पा 2 के पोस्ट प्रोडक्शन का काम भी खत्म हो चुका है। यानी सोशल मीडिया पर दिखाई दे रहे बज के चलते अल्लू अर्जुन ने तो फैंस की खुशी डबल कर दी। एक पुष्पा फैन को और क्या ही चाहिए। वैसे मैत्री मूवी मेकर्स ने तो मूवी का बज बढ़ाने का ही सोचा। अब अल्लू अर्जुन का फर्स्ट पोस्टर हमने देखा था जिसमें वो साड़ी पहने गले में नींबू की माला पहनकर नजर आए थे, तो उस लुक ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी थी। और अगर आप मैत्री मूवीज के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाकर देखोगे तो एक इफेक्ट वाला बटन आपको दिखाई देगा, जिस पर अगर क्लिक करोगे तो पुष्पा 2 फिल्टर दिखाई देगा, जिसमें एक बंदा उस फिल्टर के चलते अल्लू अर्जुन जैसी उसी हटके लुक में नजर आएगा। और मैत्री मूवीज ने एक पोस्ट भी किया था कि फैंस उस फिल्टर को इस्तेमाल करें। खैर, अब ये देखना है कि पुष्पा द रूल का टीजर पुष्पा का रिकॉर्ड ब्रेक कर पाता है और साथ ही साथ कितनी पान इंडिया फिल्मों को पीछे छोड़ पाता है, क्योंकि पुष्पा द राइज को 24 घंटे में 22.52 मिलियन व्यूज मिले थे और ये टॉलीवुड का मोस्ट व्यूड टीजर कहलाया गया था। और स्पेसिफिकली टॉलीवुड की बात करें यानी तेलुगु फिल्मों की, तो उसमें बाहुबली 2 के ट्रेलर को 21.81 व्यूज मिले थे और पुष्पा द राइज के टीजर को 28 मिनट में 1 लाख से ज़्यादा लाइक्स मिले थे। पर पुष्पा द रूल को KGF चैप्टर 2 के टीजर का रिकॉर्ड तोड़ना है, जिसने 24 घंटे में 272 मिलियन व्यूज अपने नाम किए थे, और इसका रिकॉर्ड तो शाहरुख खान के जवान भी नहीं तोड़ पाई। देखते हैं अब पुष्पा 2 का टीजर क्या रिकॉर्ड तोड़ पाता है। यानी आप कितने एक्साइटेड हो बताओ हमें कमेंट सेक्शन में। फिर मिलेंगे, बाय बाय। जहां हम सभी को 8 अप्रैल पर आने वाले मैसिव टीजर ऑफ द ईयर का इंतजार था, वहीं आज पुष्पा 2 के फिल्ममेकर्स ने हमें दे दिया है एक बड़ा सरप्राइज, और वो भी पुष्पा राज के न्यू लुक पोस्टर के रूप में। और इस नए लुक को तो क्या ही कहना, क्या लुक आया है बॉस। हाथ में त्रिशूल, मुंह में शंख, आंखों में अग्नि और चारों तरफ उड़ता हुआ लाल रंग। इस नए पुष्पा को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि मानो साक्षात देवी माँ उन पर आ गई और वो अपने दुश्मनों का संहार करने के लिए निकल पड़ा है। इस नए लुक में हमें सभी पुष्पा फैंस को ना ही सिर्फ सरप्राइज दिया है, बल्कि ये उम्मीद भी दी है कि हमारा जो अल्लू अर्जुन और उनकी पुष्पा टीम पर जो भरोसा है पहले पार्ट से भी एक बड़ी मूवी देने का, वो टूटने वाला नहीं है। पुष्पा के इस नए पोस्टर के साथ कैप्शन लिखा गया है आर यू रेडी टू एक्सपीरियंस गूज बम्स लाइक नेवर बिफोर, और नीचे ये पुष्पा राज का डबल फेस वाला लुक पोस्ट किया गया है, जिसे देखकर हम फैंस को डेफिनेटली गूज बम्स वाला एक्सपीरियंस हुआ है। और साथ ही इस गर्मी वाले माहौल में इस नए पोस्टर के आने के बाद पारा और भी आए हो गया है। लास्ट ईयर जो अल्लू अर्जुन के पुष्पा 2 का लुक था, जो आते ही आग की तरह फैल गया, उसमें वो साड़ी में ड्रेस थी और साथ ही उनके फेस पर ब्लू और रेड शेड वाला पेंट भी था,
और उतना ही नहीं, वो मेकअप और हैवी ट्रेडिशनल गोल्ड और फ्लावर ज्वेलरी पहने हुए भी दिखती थी। इसके साथ ही उन्होंने झुमकाज, नोज रिंग और बैंगल्स भी पहनी थी, जिसके बाद हम सब ने ये थ्योरी बनाई थी कि अगर वो इस तरह ड्रेस्ड अप हुई है, वैसे तो यही लग रहा है कि जैसे तिरुपति में सेलिब्रेट होने वाली गंगा मां यात्रा में खुद के छुपाने के लिए शेल्टर लेंगी, और आज जो लुक सामने आए हैं जिसमें उनकी सिर्फ एक आंख ही नजर आ रही है और आसपास गुलाल या जिसे हम लाल रंग भी कह सकते हैं वो उड़ता हुआ नजर आ रहा है, और वो शंख बजाकर और त्रिशूल लिए कहीं जाते हुए नजर आ रहे हैं, जो 90% तो ऐसा कह सकते हैं कि इसमें भी उनका कॉस्ट्यूम तो वही होगा या ये सेम शॉट का हिस्सा भी हो सकता है। जो भी हो, ये नया पुष्पराज वाला पोस्टर देखकर हमारा तो आज का दिन ही बन गया। लेकिन ये हैशटैग पुष्पा मास जथारा यही नहीं रुकता, क्योंकि पुष्पा ने फिल्मेकर्स ने अपनी फिल्म की मार्केटिंग के लिए अभी से प्लान्स करने शुरू कर दिए हैं, और इस न्यू अपडेट के हिसाब से मैत्री मूवी मेकर्स के इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाएंगे और इफेक्ट्स वाले ऑप्शन तो क्लिक करेंगे तो आपको उसमें एक फिल्टर नजर आने वाला है जिसे आप पुष्पा राज का ट्रेडमार्क जेस्चर रिक्रिएट कर सकते हैं और स्टाइल के साथ पुष्पा राज का ग्रैंड वेलकम कर सकते हैं, और इस फिल्टर में पुष्पा 2 से अल्लू अर्जुन के फर्स्ट लुक वाली इफेक्ट को भी ऐड किया गया है, और ये प्रमोशनल एक्टिविटीज काफी यूनिक एंड इंटरेस्टिंग है जिसे हजारों फैंस ट्राई करने वाले हैं और पुष्पा 2 की मार्केटिंग अपने आप हो जाएगी। मानना पड़ेगा पुष्पा 2 की मार्केटिंग टीम को जहां कुछ मूवीज अभी तक अपनी रिलीज डेट के चक्करों में पड़ी हुई है, वहीं पुष्पा 2 अपनी रिलीज डेट के 4 महीने पहले से ही फिल्म की प्रमोशन में लगी हुई है। तो आपको इस नए लुक पर क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंटिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज। तरह पुष्पा 2 में बदल गया श्रीवल्ली का अंदाज। तो दोस्तों आज है 5th of April और हमने 2 दिन पहले ही कहा था कि रश्मिका फैंस दिल थाम के बैठिए, समथिंग इज ऑन द वे। तो लीजिए, फिल्म पुष्पा 2 से एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना का एक पोस्टर अब रिलीज हो चुका है। अब फिल्म एनिमल देखने के बाद भले ही भाभी 2 यानी तृप्ति दिमरी को सबने नेशनल क्रश कहना शुरू कर दिया हो, पर नहीं यार, ओनली रश्मिका इज नेशन्स हार्ट थ्रॉब, और उनके पोस्टर को देखकर आपका दिल और भी गार्डन गार्डन हो जाएगा। पर इस पोस्टर में श्रीवल्ली के जो एक्सप्रेशन है ना, उससे ये तो समझ आ रहा है कि अब मिसेज पुष्पा भी बदलने वाली है अपने तेवर। खैर, तो इस पोस्टर में रश्मिका ग्रीन कलर की साड़ी में नजर आ रही है, हैवी ज्वेलरी और मांग में सिंदूर भर के ऐसे कमाल लुक के साथ वो नजर आ रही हैं, और इतना ही नहीं बल्कि रश्मिका के जो एक्सप्रेशंस हैं वो बड़े कातिलाना हैं, और वो इसमें स्माइल भी नहीं कर रही हैं, बस एक इंटेंस लुक दे रही हैं, और जिस तरह से वो सजी धजी हैं और उनके पीछे कुछ फीमेल आर्टिस्ट भी नजर आ रही हैं जो क्लियरली दिखाई नहीं दे रही हैं, पर उसे ये समझ आ रहा है कि शायद ही कोई गाना हो सकता है, क्योंकि रश्मिका के साथ जितनी भी बाकी लोग मौजूद हैं उन्होंने भी हरे रंग की साड़ी पहनी है, इसीलिए इस पोस्टर में ग्रीन कलर आपको ध्यान जरूर खींचेगा। वैसे करंटली रश्मिका यूएई में अपना बर्थडे मना रही हैं और उन्होंने वहां से एक पोस्ट शेयर किया है जिसका कैप्शन है, ए द बिग बॉय इज क्रिएटिंग समथिंग आइकॉनिक। अब ये उन्होंने किसके बारे में लिखा होगा, तो उस पोस्ट में नेशनल अवार्ड विनर अल्लू अर्जुन, डायरेक्टर सुकुमार और म्यूजिक कंपोजर देवी श्री प्रसाद नजर आ रहे हैं, और ये देवी श्री प्रसाद के म्यूजिक स्टूडियोज में मौजूद है, तो वहां रिकॉर्डिंग सेशन के लिए भी ये तीनों साथ में है। इसका मतलब देवी श्री प्रसाद कुछ बढ़िया लाने वाले हैं, क्योंकि सुकुमार ने कहा है कि पुष्पा 2 के गाने सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने ही चाहिए। वाओ, दिस इज इंटरेस्टिंग। और आपको तो पता ही है कि 8 अप्रैल को अल्लू अर्जुन के जन्मदिन पर टीजर आने वाला है, तो ऐसे में अब सब्र नहीं हो रहा है, पर सब्र करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। चलिए जल्दी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं इस फिल्म के लिए। एंटर देन की वॉचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज। तो रश्मिका फैंस बी रेडी, समथिंग इज ऑन द वे, और अपने हार्ट को भी थोड़ा संभाल कर रखिए। अब हमें फिल्म पुष्पा 2 का क्रेज पूरी दुनिया में दिखाई दे रहा है, अगर सिर्फ एक टीजर के लिए इतना बज होगा तो सोचिए फिर फिल्म आने पर क्या होगा। खैर, उस वक्त जो होगा सो होगा। पहले हम पुष्पा 2 के कुछ अपडेट्स पर बात करते हैं, और अपडेट्स देकर ये लग रहा है कि अब सिर्फ पुष्पा भाई को लेकर ही नहीं सरप्राइज दिया जाएगा, बल्कि श्रीवल्ली को लेकर भी मेकर्स के पास कुछ सरप्राइज है। तो ये श्रीवल्ली जैसे लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट्स छोड़ने वाले कैरेक्टर निभाने वाली एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना से जुड़ी खबर है, जो देने के लिए एक पोस्टर शेयर किया है जिसका लुक हमने इससे पहले भी देखा होगा, जिसमें रश्मिका लाल कलर की साड़ी में नजर आएंगी गोल्डन ज्वेलरी पहनकर। तो पुष्पा 2 के मेकर्स अब रश्मिका को जन्मदिन यानी 5th of April को उनका एक पोस्टर रिलीज करने वाले हैं जो श्रीवल्ली का सेकेंड लुक है, और ये खबर सुनकर आप सामी सामी डांस करना मत लगेगा पोस्टर देखने के बाद करिए, पर एक्चुअली वो सामी सामी ही था जो रश्मिका के करियर का टर्निंग पॉइंट बन गया। ऐसे हम कह सकते हैं कि क्योंकि 20 साल की उम्र में किरिक पाटी जैसी कन्नड़ फिल्म से डेब्यू करने वाली रश्मिका को फिल्म गीता गोविंदम में विजय देवरकोंडा के साथ केमिस्ट्री बनाने के बाद भी पॉपुलैरिटी मिली थी,
पर पुष्पा अदरवाइज एक ऐसी फिल्म थी जिसने उन्हें पैन इंडिया सुपरस्टार बना दिया। और पुष्पा थ्री राइज के बाद जिस तरह से उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ती गई, उसी तरह से उन्होंने अपने दाम भी बढ़ा दिए। पुष्पा द राइज के लिए जिस तरह से रश्मिका ने 2 करोड़ लिए थे, उसी तरह पुष्पा 2 के लिए रश्मिका ने 3 करोड़ की डिमांड की और डायरेक्टर सुकुमार को वो देने भी पड़े। मतलब सुकुमार ने अपनी जेब से नहीं दिए, पर प्रोड्यूसर ने तो दिए ही हूँ। पर रश्मिका की बढ़ती फैन फॉलोइंग की वजह से ही तो डायरेक्टर सुकुमार ने पुष्पा 2 के उनके कैरेक्टर को फिर से लिया, बहुत सारे चेंजेस किए क्योंकि ऑडियंस अब श्रीवल्ली को ज्यादा देखना चाहती है। तो पुष्पा बहुत ही खास है रश्मिका के करियर के लिए, उन्हें नेशनल क्रश और सेंसेशन बनाने के लिए। तो बस देखते हैं कि 5 अप्रैल को पुष्पा 2 से रश्मिका को रिवील होने वाला लुक कैसा होगा। आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज। पुष्पा 2 को लेकर पिछले कुछ दिनों से जो शांति का माहौल था, उसमें आ चुका है एक बड़ा स्पीड ब्रेकर। इसलिए अपनी खुशी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि होने वाला है कुछ बड़ा। हाल ही में पुष्पा 2 के मेकर्स ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट की है जिसमें पुष्पा के हाथ नजर आ रहा है और ऊपर लिखा है पुष्पा मास जुथारा बिगिंस टुमारो और कैप्शन में लिखा है इट्स दैट टाइम ऑफ द ईयर। और इस पर से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आज कुछ बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है, या तो कोई टीजर आने वाला होगा या फिर शुरू होने जा रहा होगा एक बड़ा प्रमोशनल इवेंट जिसमें एक एक करके फिल्म से रिलेटेड कोई कॉन्टेंट रिलीज किया जाएगा। जो भी हो, हम तो बस हमारे पुष्पा से एक बार फिर से मिलने के लिए काफी एक्साइटेड है। तो वही जुथारा की बात की जाए तो ये वाला कॉन्सेप्ट पुष्पा 2 के साथ लास्ट ईयर से जुड़ा हुआ है, जब पुष्पा 2 से अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक सामने आया था और उसमें वो तिरुपति के मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल गंगा माँ जात्रा में जैसे रेडी हुए थे वैसे नजर आए थे। साथ ही इस पर से भी काफी सारी थ्योरीज भी सामने आई, जिसमें से एक में ऐसा भी कहा जा रहा था कि पुष्पा 2 में गंगा माँ जात्रा को दिखाया जा सकता है और पुष्पा छुपने के लिए इस गेटअप का सहारा लेगा। तो वही दूसरी एक थ्योरी के हिसाब से ऐसा भी कहा जा रहा है कि गंगा माँ जात्रा का पुष्पा 2 में दिखने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है, क्योंकि गंगा माँ जात्रा सेलिब्रेट करने के पीछे की स्टोरी गॉडेस गंगा माँ से जुड़ी हुई है। क्योंकि जब पेल गुंडुलू, जो एंशियंट टाइम्स में तिरुपति पर शासन करता था, उसने गॉडेस गंगा माँ को बुरे इंटेंशंस के साथ हासिल करना चाहा, तब गॉडेस गंगा माँ ने अपने पावर के साथ उसे मारना चाहा और जब पेलगोंडुलू को इस बारे में पता चला तब वह अलग अलग जगहों पर छुपने लगा, लेकिन 7th डे पर देवी गंगा माँ ने उसे मार ही डाला। और इसीलिए ये फेस्टिवल भी 7 दिन तक मनाया जाता है और इसमें अलग अलग कॉस्ट्यूम पहने जाते हैं, क्योंकि जब पेलगोंडुलू अलग अलग जगहों पर छुपा था तब देवी गंगा माँ उसे ढूंढने के लिए अलग अलग अवतारों में जाती थी। साथ ही ये भी कहा जाता है कि देवी गंगा माँ भगवान वेंकटेश्वर की बहन है और वो हर साल इस जत्रा फेस्टिवल में अपने भक्तों को आशीर्वाद देने आती है। इस फेस्टिवल को हर साल मई मंथ के पहले 15 दिनों में सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन अगर इस पुष्पा 2 की रीसेंट अनाउंसमेंट के साथ कनेक्ट किया जाए तो अभी तो अप्रैल चल रहा है, लेकिन हो सकता है कि जो अनाउंसमेंट होने वाली है उसमें ये फेस्टिवल अहम हो, क्योंकि लास्ट ईयर की एंडिंग में जब इस पोर्शन की शूटिंग चल रही थी तब कहा जा रहा था कि ये फिल्म का काफी इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो आपको क्या लगता है, क्या होगी अनाउंसमेंट, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंटिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज। पुष्पा 2 दी रूल इस साल की मच अवेटेड फिल्मों में से एक है। अल्लू अर्जुन स्टारर इस मूवी को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है जिसमें बताया जा रहा है कि मूवी से श्रीवल्ली का पोस्टर 5 अप्रैल को आउट होगा, वही टीजर और पोस्टर 8 अप्रैल को रिवील होगा। इसके साथ मेकर्स ने फाहद फाजिल का लुक पोस्टर और धनंजय का लुक पोस्टर रिवील किया है जिसमें दोनों अपने कैरेक्टर्स में हैं। धनंजय न्यू एंट्री हैं, इससे पहले खबरें थी कि पुष्पा 2 में संजय दत्त की एंट्री हो सकती है, हालांकि उनका रोल यश की KGF चैप्टर 2 जैसे विलन का नहीं होगा बल्कि एक कैमियो होगा। पुष्पा 2 में संजय दत्त कैमियो कर सकते हैं। संजय दत्त का किरदार एक इन्फ्लुएंशियल फिगर यानी प्रभावशाली व्यक्ति का होगा, इससे मूवी की स्टोरी लाइन में एक और लेयर जुड़ जाएगा। हालांकि अब तक इसका ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं आया है, पिछले काफी समय से ऐसी खबरें चल रही थी कि पुष्पा 2 के मेकर्स हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से किसी एक्टर को कास्ट करना चाहते हैं। इस कड़ी में अर्जुन कपूर और रणवीर सिंह का नाम भी सामने आ चुका है। फिर ऐसा दावा किया गया कि पुष्पा 2 में मनोज बाजपेयी को लिया जा सकता है, मगर ये फेक न्यूज साबित हुई। अब इस लिस्ट में संजय दत्त का भी नाम जुड़ गया है, अब देखना है कि असलियत में ऐसा होता है या नहीं। हालांकि संजय पुष्पा 2 में काम कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने पिछले दिनों शाहरुख खान की जवान में भी कैमियो किया था, हालांकि उसकी कुछ खास चर्चा नहीं हुई क्योंकि मूवी का सारा क्रेडिट शाहरुख और एटली के खाते में चला गया। पुष्पा 2 को लेकर बहुत सारी खबरें चल रही हैं, बताया जा रहा है कि मूवी काफी
बचा हुआ है और ऐसे में मूवी की टीम एक साथ दो अलग अलग लोकेशंस पर शूट कर रही है, डबल शिफ्ट में काम कर रही है ताकि मूवी का काम जल्दी निपटाया जा सके और इसे तय तारीख पर रिलीज किया जा सके। पुष्पा 15 अगस्त को रिलीज के लिए शेड्यूल है। इस मूवी में अल्लू अर्जुन के साथ रश्मिका मंदाना, फाहद फाजिल, जगपति बापू, प्रकाश राज, सुनील और अनुसुईया भारद्वाज जैसे एक्टर्स दिखेंगे। आपको पुष्पा 2 का कितना इंतजार है बताएं कमेंट सेक्शन में। बाय। पुष्पा द रूल का नाम पहले नंबर पर होगा 2024 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों की लिस्ट में और ये पुष्पा फैंस के लिए कुछ भी कर सकता है भाई, इसीलिए इस साल 8 अप्रैल को कुछ धमाकेदार लाने का प्लान है। अब 8 अप्रैल को अल्लू अर्जुन अपना 42nd बर्थडे मनाने वाले हैं और इस मौके पर वो देने वाले हैं एक खास सरप्राइज। 8 अप्रैल को आने वाला है पुष्पा 2 का टीजर, सो बी एक्टिव एंड लॉक 8 अप्रैल। वैसे पिछले साल 8 अप्रैल को ही हमें पुष्पा 2 का ग्लिम्स वीडियो दिखाया गया था वेयर इज पुष्पा कहकर और इसने सोशल मीडिया पर तबाही मचा दी थी और पोस्टर भी रिलीज किया गया था जिसमें अल्लू अर्जुन एक गॉडेस के गेटअप में नजर आए थे। तो इस बार अब टीजर में हमें सरप्राइज दिया जाएगा। वैसे ग्लिम्स को एक साल कंप्लीट होने को आया है और अभी तक फिल्म की शूटिंग शुरू है, ये तो हैरानी की बात है। हाँ, अब ये 500 करोड़ वाली फिल्म जरूर है तो जल्दबाजी करके नहीं चलेगी, पर पुष्पा 2 का बेसब्री से इंतजार हो रहा है और पुष्पा 2 के साथ साथ जो बाकी बिग बजट फिल्में आ रही हैं जैसे कि सूर्या की कंगुआ, इस एक्शन ड्रामा VFX से भरपूर फिल्म की शूटिंग भी पूरी हो चुकी है। तो फटाफट से पुष्पा 2 की भी शूटिंग पूरी करनी पड़ेगी क्योंकि डायरेक्टर सुकुमार को 15 अगस्त को आना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर 15 अगस्त को नहीं आए तो हम पहुंच जाएंगे अल्लू अर्जुन के घर और बोलेंगे हमें पुष्पा दिखाओ। पर 15 अगस्त को आने वाली इस बात को फिर से एक बार हाईलाइट किया गया है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक पिक्चर है जो फिल्म की टीम ने शेयर की है और वो पिक्चर पुष्पा द राइज से जुड़ी है। इस पिक्चर में फिल्म के कुछ टीम मेंबर्स हैं और रश्मिका मंदाना और अल्लू अर्जुन कुर्सी पर बैठे हैं और रश्मिका की गेटअप और लुक से पता चल रहा है कि वो सामी सामी वाला गाना शूट कर रही थी जिसमें वो लाल कलर की साड़ी में नजर आई थी। वहीं उनके साथ बैठे अल्लू अर्जुन चाय या कॉफी पीते हुए नजर आ रहे हैं, हो सकता है विस्की भी हो, और वो कुछ डिस्कस कर रहे हैं अपनी टीम से। अब यहाँ पर सिर्फ ये बताने की कोशिश हो रही है कि पुष्पा साला झुकेगा नहीं, और इससे भी बढ़िया हमें देखने को मिलेगा 15 अगस्त 2024 को कि वो झुकता ही नहीं है। पर हम तो कब के तैयार बैठे हैं दोस्त, बस टिकट निकालने की देरी है। क्यों, आपको कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। इस साल की मोस्ट अवेटेड मूवी पुष्पा 2 को लेकर आए दिन कोई ना खबर आती ही रहती है और सोशल मीडिया चर्चा से फुल हो जाता है। अब डायरेक्टर सुकुमार और अल्लू अर्जुन फटाफट से अपनी शूटिंग पूरी करने में तो लगे हैं, पर अभी तक फैंस को इस बात का जवाब किसी ने दिया कि इस बार अगर आइटम सॉन्ग होगा तो उसमें कौन होगा। वैसे तो सबको समांथा रुद्र प्रभु ही चाहिए जो पुष्पा में ऊ अंटावा गाने में नजर आई थी, पर इस बार वो आइटम सॉन्ग में नजर नहीं आएंगी बल्कि वो कैमियो करते नजर आने वाली हैं, क्योंकि समांथा तो आइटम सॉन्ग करने के लिए राजी नहीं है। ऐसे में उनके न लौटने से उनके और पुष्पा के फैंस नाराज तो होंगे ही, और अभी पुष्पा 2 के मेकर्स कोई रिस्क नहीं लेना चाहते तो किसी ना किसी बहाने समांथा को मूवी से जोड़ा जाएगा। कुछ लोगों का कहना है कि या तो एंड में एक छोटा सा सॉन्ग होगा या पहले पार्ट में जो उनकी भूमिका थी वही दूसरे पार्ट में भी रहेगी। ये भी कहा जाता है कि प्रोड्यूसर्स पहले पार्ट में समांथा के किरदार को दूसरे पार्ट में जारी रखना चाहते हैं और मूवी के तीसरे पार्ट में उनके कैरेक्टर को बढ़ा दिया जाएगा। वैसे भी अल्लू अर्जुन ने बर्लिन इंटरनेशनल मूवी फेस्टिवल में अनाउंस किया था कि पुष्पा पार्ट 3 भी आएगा, इसका मतलब समांथा का रोल उसमें जारी रखा जाएगा। अब समांथा मूवी इंडस्ट्री की एक प्रोमिनेंट फिगर तो है ही और उसके साथ साथ उन्होंने पहली बार आइटम सॉन्ग किया था अपने करियर में, जिसमें भी एक्सेप्शनल डांस मूव्स दिखाकर उन्होंने सबको हैरान कर दिया। अभी भी हर पार्टी और क्लब में पुष्पा का ये गाना ज़रूर बजता है जो कि बहुत बड़ा सक्सेस है, और तब समांथा को आइटम सॉन्ग करने के लिए कई लोगों ने मना किया था पर फिर भी उन्होंने वो किया जो उनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहा था। पर इस बार समांथा को आइटम सॉन्ग नहीं करना है, अब वो नहीं होंगी, इसका मतलब जानवी कपूर या दिशा पाटनी का नाम आइटम सॉन्ग के लिए सोचा जा सकता है, जिस पर कोई भी खुश नहीं है, स्पेशली जानवी कपूर के लिए। लोग तो ये सोच रहे हैं कि जानवी को अभी भी फिल्में कैसे मिल रही हैं। खैर, अभी देखना है कि इस बार मूवी में आइटम सॉन्ग कौन करता है। आप कितने एक्साइटेड हो, हम फिर मिलेंगे। बाय बाय। हमारी फिल्म इंडस्ट्री 50 सालों से भी ज्यादा पुरानी है, समय के साथ साथ इसमें काफी सारे बदलाव तो आए,
लेकिन अभी भी जेंडर इनइक्वालिटी का इशू सॉल्व नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि फीमेल लीड एक्ट्रेसेस को मेल एक्टर्स इतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिलती है और ये बात तो उन्हें दी जाती 30% से ही ना साबित हो जाती है। जहां मेल एक्टर्स को 100 करोड़ जितना अमाउंट पे होता है तो वही फीमेल एक्ट्रेसेस को उनका आधा तो क्या 10 से 20% भी नहीं मिलता है। इसका साफ एग्जाम्पल है पुष्पा द राइज, जहां अल्लू अर्जुन को 85 करोड़ रुपए मिले थे तो वही फिल्म की लीड एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना को सिर्फ 4 से 5 करोड़ रुपए फीस में मिली थी। और ऐसा लगभग सभी फिल्मों में होता है, फिर वो बॉलीवुड की हो या फिर टॉलीवुड की हो। जेंडर इनइक्वालिटी का इशू हर जगह पर है। आज की हमारे देश की टॉप एक्ट्रेसेस दीपिका पादुकोण से ही आप एग्जाम्पल ले लीजिए ना, वो ऐसी एक्ट्रेस है जिन्हें अपनी फिल्म के लिए फिल्म के मेल लीड एक्टर से ज्यादा फीस मिली थी। और हम बात कर रहे हैं उनकी पद्मावत और बाजीराव मस्ताना जैसी फिल्मों की। और हमारा तो ऐसा मानना है कि सभी फीमेल एक्ट्रेसेस को फिल्म में सिर्फ ट्रॉफी या फिर ग्लैमर के लिए ना रखा जाए बल्कि उनके किरदारों को भी अहमियत दी जाए, तभी तो वुमेन एम्पावरमेंट सचमुच दिखाई देगा। अब रश्मिका का श्रीवल्ली वाला किरदार आप देख लीजिए, अगर वो नहीं होता तो भी फिल्म चल जाती। इसकी जगह अगर उनके किरदार के लिए थोड़ा सा और स्क्रीन प्रेजेंस, थोड़ी सी और मेच्योरिटी और थोड़ा सा एक्शन भी लिखा गया होता ना उनके लिए, तो उस किरदार की भी अपनी एक अलग अहमियत होती। तो अब ये कहा जा रहा है कि पुष्पा 2 में श्रीवल्ली के किरदार को मार दिया जाएगा, यानी कि केजीएफ 2 की कॉपी की जाएगी और फिर पुष्पा गुस्से से पागल हो जाएगा और कुछ गलत काम कर बैठेगा और फैंस को मौका मिल जाएगा श्रीवल्ली के किरदार को भूलने का, उसे हेट करने का कि इसकी वजह से उनके हीरो ने गलती कर दी और सब उसे पुष्पा के डाउनफॉल की वजह मानेंगे। होपफुली ऐसा ना हो और इस बार श्रीवल्ली वाले किरदार को ना अच्छे से लिखा गया हो, उसे एक्सप्लोर किया गया हो, जो फिल्म में सिर्फ ग्लैमर नहीं बल्कि इम्पोर्टेंस भी ऐड करे। साथ ही पुष्पा 2 जो 15 अगस्त 2024 को रिलीज होने जा रही है, इस फिल्म ने काफी अच्छा रिलीज टाइम चूज किया है, जो पहले सिंघम अगेन के लिए रोहित शेट्टी ने चुना था, लेकिन अब सिंघम अगेन 15 अगस्त पर आ रही है या नहीं ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन पुष्पा 2 को 6 दिनों का वीकेंड मिलने वाला है क्योंकि 15 अगस्त के हॉलीडे के बाद वीकेंड है और फिर मंडे को रक्षाबंधन का हॉलीडे है और फिर से नॉर्मल वीकेंड भी है, इसलिए पुष्पा 2 जिसकी हाई ऑलरेडी काफी ज्यादा है वो इस लॉन्ग वीकेंड का जरूर फायदा उठाने वाली है। तो इस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट्स पर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। पुष्पा 2 में जाह्नवी कपूर को आइटम सॉन्ग देना सही है, क्यों तेलुगु फिल्म मेकर्स जाह्नवी को भर भर के काम दे रहे हैं। मूवी पुष्पा 2 में बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर आइटम सॉन्ग करते नजर आ सकती हैं, ऐसा कहा जाता है, पर कुछ अजीब नहीं लग रहा? मतलब जाह्नवी का करियर ठीक से स्टार्ट ही कहाँ हुआ है कि वो धड़ाधड़ साउथ की फिल्में साइन कर रही हैं और उन्हें ऑफर्स भी मिल रहे हैं, ये अजीब है ना। खैर, धर्मा प्रोडक्शन की मूवी धड़क से उन्होंने बॉलीवुड डेब्यू किया जो 100 करोड़ क्लब में 2 हफ्तों के अंदर पहुंच गई। उसके बाद गुंजन सक्सेना में भी उनका काम इम्प्रेसिव था, मिली में भी परफॉर्मेंस ठीक था, पर क्या वो खुद को प्रूव कर पाई? बिल्कुल भी नहीं। बॉलीवुड में तो वो प्रूव नहीं कर पाई और उन्हें तेलुगु इंडस्ट्री से ऑफर्स आ रहे हैं। पहले देवरा में वो जूनियर एनटीआर के साथ नजर आएंगी, फिर रामचरण की मूवी RC16 में नजर आएंगी और अब पुष्पा 2 में आ सकती हैं। एक ब्यूटी डॉल को विदाउट टैलेंट इतने ऑफर्स क्यों मिल रहे हैं? अब अभी तक बॉलीवुड में अगर वो है तो उनके प्रोड्यूसर डारी बोनी कपूर और उनकी माँ श्रीदेवी के नाम के कारण, और हॉलीवुड में भी श्रीदेवी जी का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहा है। श्रीदेवी जी ने अपने करियर में 270 फिल्में की, उसमें 93 तेलुगु फिल्में की और 74 हिंदी फिल्में। तेलुगु में उन्होंने अच्छा खासा नाम कमाया। कोई भी जाह्नवी का नाम लेगा तो जाह्नवी किसकी बेटी है, उनका इंडस्ट्री से क्या नाता है, ये तो सबको पता ही होगा। अब देवरा में उन्हें काम मिला क्योंकि ये पैन इंडिया मूवी तो है ही, पर एनटीआर के ग्रैंड फादर एनटी रामाराव और श्रीदेवी जी ने एक साथ बहुत काम किया है तो ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शन काफ़ी है। सेकेंडली, शायद टॉलीवुड प्रोड्यूसर्स जाह्नवी के इस कनेक्शन के साथ साथ उनके युद्ध में मौजूद फैन फॉलोइंग से भी इम्प्रेस्ड होंगे। मतलब जाह्नवी अपनी फिल्मों के जरिए इम्पैक्ट नहीं डालती पर सोशल मीडिया के जरिए डालती हैं, हर दिन पिक्चर पोस्ट करके ऑडियंस की नज़रों में बनी रहती हैं। हाँ, साउथ इंडस्ट्री पहले टैलेंट को देखती है ना कि ब्यूटी को, पर ये एक रीज़न हो सकता है उन्हें लेने का। रही बात आइटम सॉन्ग्स की, तो जाह्नवी एक्टिंग अच्छी नहीं करती पर डांस अच्छा करती हैं। अब रूही मूवी में उन्होंने नदियों पार आइटम सॉन्ग पर जो बेली डांस किया वो काफ़ी मशहूर हुआ, तो आइटम सॉन्ग में वो ठीक ठाक हैं। और साउथ से समान था और श्री लीला ने इनकार किया तो इसलिए जाह्नवी का ऑप्शन सामने आ रहा होगा। खैर, अब आप बताओ कितने एक्साइटेड उस मूवी को लेकर, हम फिर मिलेंगे, बाय। अल्लू अर्जुन की पुष्पा द रोल
साल 2024 की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक। फिल्म 15 अगस्त 2024 को सिनेमाघरों में उतरने वाली है। वो बात अलग है कि अभी फिल्म की शूटिंग पूरी नहीं हुई। बर्लिन फिल्म फेस्टिवल 2024 में इंडिया की ओर से गए, वहां उन्होंने पुष्पा के सिक्वल को लेकर बात लगभग कंफर्म भी कर दिया कि फिल्म का तीसरा पार्ट आ सकता है। उन्होंने कहा कि हम इसे एक फ्रेंचाइज बनाना चाहते और आगे के लाइनअप के लिए हमारे पास कुछ तगड़े आइडियाज भी। पुष्पा वन में आपने जिस रंग में पुष्पा को देखा, पुष्पा टू में वो बिल्कुल उससे अलग रंग में नजर आएगा, क्योंकि अब तक आपने उसके चरित्र चित्रण का निचला स्तर देखा, अब आप उसके कैरेक्टराइजेशन का हाई स्पेक्ट्रम देखें। पुष्पा टू में आप उसे हाई नोट पर देखें, आप उसे चरित्र चित्रण के संदर्भ में बड़े स्केल में देखें। पुष्पा वन के मुकाबले उसकी समस्याओं का स्तर भी बढ़ने वाला है, उसके चरित्र को आप बिल्कुल नए आयाम में देखें। कुछ दिन पहले पुष्पा टू के सेट से अल्लू अर्जुन की एक फोटो लीक हुई थी, वहां वो साड़ी में नजर आए थे। 7 अप्रैल 2023 की तारीख को मेकर्स ने पुष्पा 2 से उनका फर्स्ट लुक ड्रॉप किया। उस पोस्टर में अल्लू अर्जुन नीली साड़ी में नजर आए। बताया गया कि इस लुक का कनेक्शन गंगम्मा यात्रा से है। क्या है गंगम्मा यात्रा, अब उसके बारे में थोड़ा बताते हैं। ये एक फोक फेस्टिवल है जिसे कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। 7 दिनों तक चलने वाली गंगम्मा यात्रा हर साल मई के महीने में मनाई जाती है। इस दौरान भव्य पूजा की जाती है। कुछ जगह देवी को प्रसाद के रूप में मांसाहारी भोजन चढ़ाया जाता है। साथ में बीच के 2 दिनों में यात्रा निकलती, जहां पुरुष अपना भेष बदल कर आते हैं, महिलाओं की तरह सज कर उनकी तरह श्रृंगार कर इस यात्रा में हिस्सा लेते हैं। संभव है कि पुष्पा 2 में अल्लू अर्जुन का किरदार भी ऐसी यात्रा में हिस्सा ले रहा होगा, तभी उसने ऐसा भेष धरा हो। पुष्पा 2 को लेकर अलग अलग थ्योरीज आती रहती है। कुछ समय पहले बताया गया कि फिल्म में अल्लू अर्जुन का किरदार पुष्पा राज कुछ जापानी स्मगलर से लड़ेगा। उस सीन के लिए वो जापानी भाषा भी सीख रहे थे। बाकी फिल्म की शूटिंग अभी चल रही है, ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा था कि मेकर्स रिलीज डेट आगे खिसका देंगे, मगर वो ऐसा करने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। बाकी प्लान है कि जून या जुलाई तक फिल्म पूरी कर ली जाएगी और फिर सीधा अगस्त में फिल्म रिलीज कर दे। प्रमोशन का पूरा काम रिलीज के बाद किया जाएगा और ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि पुष्पा 3 की कहानी इंडिया से बाहर निकल करके इंटरनेशनल होने जा रही। पुष्पा 2 दी रूल इस साल की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। अल्लू अर्जुन स्टार इन इस मूवी को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है। खबरें हैं कि पुष्पा 2 में संजय दत्त की एंट्री हो सकती है। हालांकि उनका रोल यश की केजीएफ चैप्टर 2 जैसे विलेन का नहीं होगा, बल्कि एक कैमियो होगा। सियासत की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुष्पा 2 में संजय दत्त कैमियो कर सकते हैं। संजय दत्त का किरदार एक इन्फ्लुएंशियल फिगर यानी प्रभावशाली व्यक्ति का होगा। इससे मूवी की स्टोरी लाइन में एक और लेयर जुड़ जाएगी। हालांकि अब तक इसका ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं आया है। पिछले काफी समय से ऐसी खबरें चल रही थी कि पुष्पा 2 के मेकर्स हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से किसी एक्टर को कास्ट करना चाहते हैं। इस कड़ी में अर्जुन कपूर और रणवीर सिंह का नाम भी सामने आ चुका है। फिर ऐसा दावा किया गया कि पुष्पा 2 में मनोज बाजपेयी को लिया जा सकता है, मगर ये फेक न्यूज साबित हो गई। न्यूज 18 से बात करते हुए मनोज ने खुद इस खबर का खंडन कर दिया था। उन्होंने कहा था कि इस खबर में कोई सच्चाई नहीं है। अब इस लिस्ट में संजय दत्त का भी नाम आ गया। अब देखना है कि असलियत में ऐसा होता है या नहीं। हालांकि संजय पुष्पा 2 में काम कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पिछले दिनों शाहरुख खान की जवान में भी कैमियो किया था। हालांकि उसकी कुछ खास चर्चा नहीं हुई है, क्योंकि मूवी का सारा क्रेडिट किसके पास था, शाहरुख और रेतली के खाते में चला गया। कुछ वक्त पहले के इंटरव्यू में रश्मिका मंदाना ने पुष्पा 2 पर भी बात कही थी और कहा था, मैं आपसे ये वादा करती हूँ कि इस बार पुष्पा 2 बहुत बड़ी होने वाली है, उसमें बहुत मसाला मिलने वाला है। आपको पहली मूवी पुष्पा में जो पागलपन दिखा था, उससे ज्यादा पुष्पा 2 में दिखेगा। पुष्पा 2 में मेरे रोल पर बात करे तो अब शिवली पुष्पा की वाइफ हो गई है, जिसके बाद उसकी जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ गई है। पुष्पा 2 में इस बार बहुत ड्रामा होने वाला है। आप कितने एक्साइटेड हो इस ड्रामा को लेकर, बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। फिल्म लिंक बताएं। अल्लू अर्जुन की पुष्पा द रूल यानी पुष्पा 2 साल 2024 की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है। मूवी 15 अगस्त 2024 को सिनेमाघरों में उतरने वाली है। वो बात अलग है कि अभी मूवी की शूटिंग पूरी नहीं हुई है। हाल ही में अल्लू अर्जुन बर्लिन फिल्म फेस्टिवल 2024 में इंडिया की ओर से गए थे। वहां उन्होंने पुष्पा के सीक्वल को लेकर बातें की, लगभग कंफर्म भी कर दिया कि मूवी का थर्ड पार्ट भी आ सकता है। इसे लेकर उन्होंने कहा, आप पूरी तरह से तीसरे पार्ट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
हम इसे एक फ्रेंचाइज बनाना चाहते हैं और आगे के लाइनअप के लिए हमारे पास कुछ तगड़े आइडियाज भी हैं। बाकी पुष्पा 2 में उन्होंने अपने किरदार को लेकर बताया। पुष्पा 1 में आपने जिस रंग में पुष्पा को देखा, पुष्पा 2 में वो बिल्कुल उससे अलग रंग में नजर आएगा, क्योंकि अब तक आपने उसके चरित्र चित्रण का निचला स्तर देखा है, अब आप उसके कैरेक्टराइजेशन का हाई स्पेक्ट्रम देखेंगे। पुष्पा 2 में आप उसे हाई नोट पर देखेंगे, आप उसे चरित्र चित्रण के संदर्भ में बड़े स्केल पर देखेंगे। पुष्पा 1 के मुकाबले उसकी समस्याओं का स्तर भी बढ़ने वाला है, उसके चरित्र को आप बिल्कुल नए आयाम में देखेंगे। कुछ दिन पहले पुष्पा 2 के सेट से अल्लू अर्जुन की एक फोटो भी लीक हुई थी, वहां वो साड़ी में नजर आ रहे थे। 7 अप्रैल 2023 की तारीख को एमिकस ने पुष्पा 2 से उनका फर्स्ट लुक ड्रॉप किया था। उस पोस्टर में अल्लू अर्जुन नीली साड़ी में नजर आ रहे थे। बताया गया कि इस लुक का कनेक्शन गंगम्मा जात्रा से है। क्या है गंगम्मा जात्रा, अब उसके बारे में थोड़ा बताते हैं। ये एक फोक फेस्टिवल है जिसे कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। 7 दिनों तक चलने वाले गंगम्मा जात्रा हर साल मई के महीने में मनाई जाती है। इस दौरान भव्य पूजा की जाती है, कुछ जगह देवी को प्रसाद के रूप में मांसाहारी भोजन भी चढ़ाया जाता है। 7 में से बीच के 2 दिनों में यात्रा निकलती है, जहां पुरुष अपना वेश बदल कर आते हैं, महिलाओं की तरह सजकर उनकी तरह श्रृंगार कर इस यात्रा में हिस्सा लेते हैं। संभव है कि पुष्पा 2 में अल्लू अर्जुन का किरदार भी ऐसी यात्रा में हिस्सा ले रहा होगा, तभी उसने ऐसा वेश धरा है। पुष्पा 2 को लेकर अलग अलग थ्योरीज बाहर आती रहती हैं। कुछ समय पहले बताया गया कि मूवी में अल्लू अर्जुन का किरदार पुष्पा राज कुछ जापानी स्मगलर से लड़ेगा, उस सीन के लिए वो जापानी भाषा भी सीख रहे हैं। बाकी मूवी की शूटिंग अभी चल रही है, ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा था कि मेकर्स रिलीज डेट आगे खिसका देंगे, मगर वो ऐसा करने की मूड में तो नहीं दिख रहे। बल्कि प्लान है कि जून या जुलाई तक मूवी पूरी कर ली जाए और फिर सीधा अगस्त में मूवी रिलीज कर दे। प्रमोशन का पूरा काम रिलीज के बाद किया जा सकता है। अब आप बताओ, आप कितने एक्साइटेड हो इस मूवी को लेकर। हम फिर मिलेंगे, बाय बाय। माफिया सेंटोर फिल्म पुष्पा द राइज के सीक्वल पुष्पा द रूल के लिए अल्लू अर्जुन जापानीज भी बोलने वाले हैं, क्योंकि इसमें जापानीज कनेक्शन भी दिखाया जाएगा, क्योंकि अब ये इंटरनेशनल लेवल के स्मगलर बन जाएंगे। ऐसे में डॉक्टर सुकुमार का ये प्लान है कि एक इंटरनेशनल लेवल विलन इसमें ऐड किया जाए। मतलब फहद फासिल तो होंगे ही, पर वो तो इंडिया में होंगे ना, और इंटरनेशनल लेवल मतलब कि इंडिया के बाहर जाकर जब पुष्पा अपना बिजनेस एक्सप्लोर करने लगेगा, तब वहां पर भी उसके दुश्मन पनपेंगे, यानी कि बनेंगे, और अगर वहां का लीडर उसे बनना है तो किसी ना किसी का सामना तो उसे वहां पर भी करना ही पड़ेगा। तो ऐसे में एक इंटरनेशनल लेवल का एक्टर इसमें नजर आ सकता है। अब वो कौन होगा, कोई हॉलीवुड का एक्टर होगा या फिर कोई और होगा, ये नहीं पता है, पर पहले से ही इन्होंने ना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं। ऐसे में ये चीज करके ना स्टैंडर्ड को और अच्छे तरीके से ये इनहांस कर सकते हैं। वैसे जो भी हो, पुष्पा को किसी की नजर ना लगे। अब किसी भी फिल्म को नजर कैसे लगती है? अब नजर तो भाई बस कंट्रोवर्सी की वजह से ही लग सकती है, और कंट्रोवर्सी ना साउथ बॉलीवुड हॉलीवुड ऐसा कुछ भी नहीं देखती है। वो सब के लिए बिल्कुल सेम टू सेम होती है, मतलब टेंशन देने में ना कोई पार्शियलिटी नहीं करती है। अब पुष्पा 2 के बारे में हमने ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि एक तो इस फिल्म को इंटरनेशनल लेवल पर बनाया जा रहा है, सुकुमार और अल्लू अर्जुन फिल्म को लेकर इतने पजेसिव है ना कि वो कोई गड़बड़ करना ही नहीं चाहते हैं। पर बात यह है कि पुष्पा द राइज से पॉपुलैरिटी हासिल कर चुकी एक्टर जगदीश भंडारी, जिन्होंने केशव का कैरेक्टर निभाया था यानी कि पुष्पा की दोस्त का, तो वो जेल में थे। इन्होंने एक फीमेल आर्टिस्ट के कुछ फोटोज निकाले और उसे ब्लैकमेल किया, जिसकी वजह से उसने सुसाइड कर लिया। तो ये एक सीरियस मैटर था जिसकी वजह से वो जेल में थे। तो खबरें आना शुरू हुई कि वो फिल्म से कैसे जुड़ेंगे या फिर जेल से बाहर कैसे आएंगे वगैरह वगैरह, और मेकर्स भी ना कोशिश कर रहे थे कि वो जेल से बाहर आ जाए ताकि शूटिंग डिले ना हो, और फैंस डिले का कारण ढूंढ रहे थे। ऐसे में इस टॉपिक पर चर्चा भी होने लगी, जो पॉजिटिव तो नहीं थी बिल्कुल भी, पर इस बंदे को अब जमानत मिल चुकी है और वो शूटिंग करने के लिए आ सकते हैं, उन्हें कोई एक्टर रिप्लेस नहीं करेगा। पर इन्होंने जो किया है ना, जिसकी वजह से वो जेल में गए,
अगर ये बातें धीरे धीरे सामने आई ना, तो ऐसा भी हो सकता है कि लोगों के मन में ये सवाल आए कि इसे क्यों लिया गया। हाँ, ये बात भी है कि इसका इम्पैक्ट पुष्पा टू पर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि पुष्पा के लिए लोग क्रेजी है, पर केशव का रोल पुष्पा टू में बहुत मायने रखेगा क्योंकि ये पुष्पा को फंसाने वाला है, तो ऐसे में इस पर भी फोकस होगा, तो सवाल उठेंगे भी। पर हम तो यही चाहेंगे कि उन सवालों का आगे कुछ ना हो, क्योंकि हमें तो सिर्फ फिल्म में ही इंटरेस्ट है ना। क्यों, वैसे आपका इन सब पर क्या कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। गोलियों से घायल पुष्पा हुआ तिरुपति जेल से। भाभरापेट की पहाड़ियों पर पुलिस ने पुष्पा के कुछ कपड़े बरामद किए। जैसे शादी में भर भर के मेन्यूज होते हैं कि क्या खाए क्या नहीं समझ में नहीं आता है, वैसे ही 2024 में इतनी फिल्में आ रही कि कौन सी देखे और कौन सी छोड़ दे ये समझ में नहीं आ रहा है। इसमें क्लैशेस भी है, जैसे कि पुष्पा 2 वर्सेस सिंघम अगेन, बड़े मियां छोटे मियां वर्सेस मैदान, इमरजेंसी वर्सेस चंदू चैंपियन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब पुष्पा 2 वर्सेस सिंघम अगेन की बात करें तो इनका क्लैश बिल्कुल सही नहीं है, पर ये दोनों एंटिसिपेटेड फिल्में हैं, और जब दो एंटिसिपेटेड फिल्मों का क्लैश होने की चर्चा हो तो एक्स्ट्रा बज क्रिएट होती है। सिर्फ इसलिए फिल्म एक्सपर्ट कहते हैं कि क्लैश अच्छे हैं, पर इन फिल्मों के स्टार का सोशल मीडिया हाइप और ट्रेलर इनका परफॉर्मेंस डिसाइड करेगा। ऑर्गेनिक बज बहुत ज्यादा मायने रखता है, जो अभी थोड़ा सा क्रूशियल है, पर अगर पुष्पा 2 वर्सेस सिंघम अगेन में देखें तो पुष्पा का ऑर्गेनिक बज दिखाई देता है और सिंघम अगेन का धीरे धीरे बज दिखता है। पुष्पा के कंपैरिजन में स्टार्टिंग से उतना बज नहीं था, पर मामला टक्कर का हो रहा है, तो ऐसे में क्या मैटर करेगा फिल्म का कंटेंट और क्या करेगा। अब वर्ल्ड फेमस डंकी वर्सेस सालार का एग्जांपल तो अवेलेबल है। एक पॉइंट पर ऐसा भी हुआ था कि शाहरुख खान की जवान पठान की एक्सपेक्टेशंस लेकर जब कुछ लोग डंकी देखने गए और उस लेवल की एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई तो एक ड्रॉप नजर आया, लोग सालार की तरफ बढ़ने लगे और सालार के नंबर्स इंक्रीज होने लगे। तो पुष्पा वर्सेस सिंघम अगेन में कंटेंट भी मेजर रोल प्ले करेगा, पर उसमें भी साउथ फैंस सिंघम अगेन के लिए इंटरेस्ट दिखाए ये इम्पॉसिबल है। और सिंघम सिर्फ हिंदी रिलीज फिल्म है, पर पुष्पा के लिए यहाँ पर एक फायदा हो गया, क्योंकि सिंघम अगेन अगर नॉर्थ में किसी को पसंद नहीं आई तो वो पुष्पा 2 की ओर बढ़ जाएगा, क्योंकि पुष्पा 2 की तो भाई पैन इंडिया फॉलोइंग है और जितनी भी फिल्में साउथ में बन रही है ना, स्पेशली तेलुगु में, वो हिंदी मार्केट में धमाका कर ही रही है। इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल है फिल्म हनुमान, 25 करोड़ बनी इस तेलुगु फिल्म ने, पहले दिन तेलुगु में 5 करोड़ रुपए कमाए और हिंदी में 2 करोड़। इसका मतलब फिर एक बार प्रूफ हुआ कि किसी भी तेलुगु पैन इंडिया के लिए तेलुगु और हिंदी कलेक्शन सबसे ज्यादा मायने रखता है। और साउथ फिल्मों का हिंदी वर्जन में सक्सेसफुल रहना ये कोई पहली बार थोड़ी ना हुआ, तो पुष्पा 2 के लिए भी ये नया नहीं होगा। तो ये कुछ फैक्टर्स है जिसकी वजह से पुष्पा 2 फायदे में है। वैसे यहाँ सिंघम अगेन के लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है, वैसे सिंघम अगेन के पोस्टर से चर्चा और बढ़ चुकी है, पर उसके आगे पुष्पा वाले कुछ और खतरनाक लाएंगे ही जिससे कि उनका बज बरकरार रहे, ये तो होता ही रहेगा। वैसे आपकी नजर में किसका पुलिस के हाथों पुष्पा की हत्या की अफवाहों की वजह से आप देख सकते हैं चित्तूर और तिरुपति के कई इलाकों में दंगे शुरू हो गए। यहाँ सड़क पर मौजूद है और आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह पुष्पा के समर्थक हजारों की तादाद सड़क पर उतर आए। पहाड़ियों पर पुलिस ने पुष्पा के कुछ कपड़े बरामद किए। शर्ट पर मिले 8 गोलियों के निशान। ये क्या कर रहा है तू? गोलियों से घायल पुष्पा हुआ तिरुपति जेल से फरार। इसी कोशिश में पुलिस ने पुष्पा पर बरसाई गोलियां। पता चला है कि पुष्पा गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। शेषाचलम के जंगलों में पुष्पा को ढूंढने के लिए पुलिस ने एक स्पेशल यूनिट डिप्लॉय की है। बस यही देख रहे हैं कि पुष्पा पैसे किस तरह कमाता था, पर तुम्हारा माहिती है का पुष्पा ने उन पैसों का क्या किया? बेटी की शादी पुष्पा ने ही करवाई। पुष्पा ने ही हमारे लिए घर बनवाया। अरे वो हम गरीबों को खाना खिलाता था। जंगलों में लगाए गए वाइल्ड लाइफ सर्वेलेंस कैमरा का वीडियो हमारे चैनल ने अभी प्राप्त किया है। ये कैमरा जो शेरों को मॉनिटर करते हैं उनकी फुटेज अब आप हमारे सिटी केबल स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर जंगल में कोई जानवर 2 कदम पीछे ले तो समझो शेर आया है, लेकिन जब शेर ही 2 कदम पीछे ले तो समझो पुष्पा आया है। अब रूल पुष्पा का।
एंट्री मारी कि सोया हुआ परेशान बॉलीवुड ना फिर से जिंदा हो गया। अब फिल्म कामयाब होने में आइटम सॉन्ग का कमाल का रोल था और उस पर अल्लू अर्जुन का माइंड ब्लोइंग डांस, मतलब की फिल्म का यूएसपी। पर पुष्पा टू के लिए अभी तक कोई आइटम सॉन्ग शूट नहीं किया गया है। इसका रीजन ये है कि डायरेक्टर सुकुमार का ध्यान सिर्फ फिल्म की शूटिंग पूरी करने पर है, क्योंकि वो 15 अगस्त को ही फिल्म रिलीज करेंगे, मतलब करेंगे। ऐसे में म्यूजिक कंपोजर देवी श्री प्रसाद ने कुछ ट्यून्स बनाई थी पर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। सुकुमार अभी गाने पर फोकस करने के मूड में नहीं है और जब तक कोई अच्छी ट्यून नहीं होगी तब तक तो वो बिल्कुल हाँ नहीं करेंगे। तो इसके चलते अभी आइटम सॉन्ग शूट नहीं होगा। वैसे पुष्पा 2 के साथ साथ अभी पुष्पा 3 की चर्चा हो रही है, जिसे लेकर फैंस एक्साइटेड है, क्योंकि ऐसे ही धीरे धीरे करके ना एक पुष्पा यूनिवर्स बन जाएगा। पर एक्चुअल में सोचने वाली बात तो ये है कि क्या पुष्पा 2 के बाद पुष्पा 3 बननी चाहिए? और पुष्पा एक ऐसा कैरेक्टर जो अपनी डायलॉग डिलीवरी, स्वैग और रिमार्केबल परफॉर्मेंस के जरिए करोड़ों दिलों पर छाप छोड़ चुका है और उसे दोबारा देखने के लिए सब लोग काफी एक्साइटेड है। पर अल्लू अर्जुन अगर बार बार उसी कैरेक्टर को दोहराते रहेंगे तो क्या उस कैरेक्टर का वो जो ओरिजिनल एसेंस था वो रहेगा? अब जैसे SS राजामौली बाहुबली 2 के बाद बाहुबली 3 लाएंगे ऐसा कहा गया, पर अभी तक वो प्रोजेक्ट नहीं लेकर आए हैं। हाँ, वो बाकी प्रोजेक्ट्स में बिजी है पर बाहुबली 3 पर बड़ा क्वेश्चन मार्क तो है ही। क्या पता वो बाहुबली जैसे कैरेक्टर को च्युइंगम की तरह चबाना नहीं चाहते हो, क्योंकि च्युइंगम चबाने के बाद ना उसका टेस्ट गायब हो जाता है, तो बाहुबली का भी ऐसा ही हाल ना हो जाए इसलिए वो नहीं बना रहे हो इसे। अगर हम बॉलीवुड में दबंग फ्रेंचाइजी को देखें तो दबंग के अगले पार्ट के लिए हम लोग उतने एक्साइटेड नहीं रहते हैं, क्योंकि चुब्बू का कैरेक्टर तो एक ही जैसा रहता है। जब दबंग 3 आने वाली थी तब कुछ लोग ये कह रहे थे कि अब इसकी क्या जरूरत थी, पर फिर भी उन्होंने फिल्म का इंतजार किया क्योंकि वो सलमान खान की फिल्म थी, ताकि उन्हें कुछ नया देखने को मिल जाए। पर फिल्म तो बहुत ही बोरिंग थी। चुलबुल के कैरेक्टर को स्ट्रेच किया गया, वो तो चुलबुल था ही नहीं जिससे हम पहले इमोशनली कनेक्ट हुए थे, और ऊपर से कैरेक्टर को इमोशंस डिलीवर करने के लिए उतनी खास स्टोरी भी नहीं मिली थी, तो रिपीटेटेड स्टफ से तो मजा खराब होगा ही। अगर राइटर न्यू एंगेजिंग प्लॉट लिखे, हीरो को ऐसे प्रेजेंट करे जहां उसे एक्सप्लोर करने का स्कोप मिले, तो थ्रीक्वल में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऐसा जब तक नहीं होता है ना तब तक मजा नहीं आता है। या फिर आपने अभी देखा होगा ना कि टाइगर 3 का क्या हाल हुआ है, वैसा ही हो जाता है। टाइगर के कैरेक्टर को जस्टिस नहीं दिया गया, कैरेक्टर को लिखने और प्रेजेंट करने में भी गलतियां थी, वीक लग रहा था वो, तो ऐसा ना हो जाए। अगर सुकुमार पुष्पा 3 में कुछ अनप्रेडिक्टेबल परोसेंगे तो चलेगा, पर पुष्पा का लेवल बरकरार रहना भी ना बहुत कंपलसरी है, वरना उसे स्ट्रेच करके कोई फायदा थोड़ी ना है। देखते हैं कि क्या होता है। वैसे आपके क्या ख्याल है, क्या पुष्पा 3 बननी चाहिए या फिर नहीं, हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। जिन पर भरोसा करते हैं उनसे धोखा खाना क्या होता है मुझे पता है। उसे छोड़ के गलती कर दिया, काट देने का था उसे। उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो जब इधर था तब तेरी फट गई थी क्या? से घायल पुष्पा हुआ तिरुपति जेल से फरार। हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। पुष्पा 2 में दोस्तों पुष्पा की कहानी खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि पहले पार्ट में पुष्पा का राइज हुआ, दूसरे में पुष्पा रूल करेगा और तीसरे में पुष्पा को डिस्ट्रॉय किया जाएगा। वैसे पहले तो दूसरा पार्ट भी नहीं आने वाला था, ये तो शूटिंग के दौरान सुकुमार सर को ऐसा लगा कि फिल्म 2 पार्ट्स में बननी चाहिए, और अब जिस तरह इस फिल्म की हाइप है उसे देखकर तो ऐसा लगता है कि ये फिल्म दूसरे पार्ट में भी खत्म नहीं होगी, इसका तीसरा पार्ट भी आएगा।
जस्ट लाइक KGF। साथ दोस्तों हमारे पास ऐसे रीजंस भी हैं जो ये प्रूफ भी करते हैं कि पुष्पा 3 आने वाली है। तो उसमें सबसे पहले है इस फिल्म की टाइमलाइन जो हमें 2004 की दिखाई गई है इंट्रोडक्टरी वीडियो में। लेकिन दोस्तों अगर आपको याद होगा पुष्पा 1 में तो उसमें हमें 90s के आसपास की टाइमलाइन दिखाई गई थी जिसमें लास्ट सीन में हम पुष्पा और शिवल्ली की शादी देख रहे थे। तो फिर ये जो 3-4 सालों का गैप है उसे कवर किया जाएगा पुष्पा 3 में। उसके बाद हम ये देख सकते हैं कि पुष्पा को किया गया है अरेस्ट, यानी कि पुष्पा और भंवर सिंह के बीच की जो लड़ाई थी वो भी शायद इस पार्ट में नहीं दिखाई जाएगी और तीसरे पार्ट में दिखाई जाएगी, क्योंकि पुष्पा को अरेस्ट करने की पावर या ताकत एक ही इंसान में है, भंवर सिंह शेखावत। लेकिन दोस्तों पार्ट 2 में तो हमें सीधा पुष्पा जेल तोड़कर भाग गया है यही दिखाया गया है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी बनती है कि पुष्पा 2 में सिर्फ एक छोटा सा फ्लैशबैक होगा जिसमें हम भंवर सिंह और पुष्पा की लड़ाई देखेंगे, लेकिन उसे डिटेल में पार्ट 3 में दिखाया जाएगा। उसके बाद हमारा फाइनल रीजन है इंट्रोडक्टरी वीडियो में दिखाई गई 3 एशियन कंट्रीज जो हमें पार्ट 2 में नहीं पार्ट 3 में नजर आएंगे, क्योंकि इस वीडियो में ऐसा दिखाया जाता है कि पुष्पा इन तीनों कंट्रीज में हो सकता है। लेकिन पुष्पा तो जेल में था, शेर को डरा रहा था, फिर अगर इन तीनों कंट्रीज का नाम दिखाया गया तो कुछ तो कनेक्शन होगा जिसका पता हमें पार्ट 3 में लगेगा। भले ही इस थ्योरी या कंसेप्ट सुनकर हमें ऐसा लग रहा हो कि पुष्पा सीरीज KGF सीरीज की कॉपी कर रही है, क्योंकि उसके दूसरे पार्ट में भी रॉकी का रूल देखने को मिला था, तो दोस्तों वहीं उसका तीसरा पार्ट हमें फ्लैशबैक में ले जाएगा और उसके डाउनफॉल की वजह दिखाने वाला है। लेकिन पुष्पा और रॉकी भाई दोनों ही अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, उनमें सिर्फ एक या दो ही सिमिलैरिटीज हैं, जैसे कि उनकी माँ। वो दोनों ही अपनी माँ से काफी प्यार करते हैं और उनका इस दुनिया में नाम हासिल करने का जज्बा, फिर भले ही वो गलत तरीके से ही क्यों ना हो। इसके अलावा दोनों की स्टोरी और कैरेक्टर काफी अलग है। तो आपका इसके ऊपर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारी आज की राइटर है मनीषा विधानी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बॉलीक्राफ्ट स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। फ्लावर नहीं फायर है और पुष्पा का यही फायर इंटरनेट पर छाया हुआ है दोस्तों, और इसका पूरा श्रेय जाता है पुष्पा की मार्केटिंग टीम को, क्योंकि पुष्पा आई थी 2021 में, चल रहा है साल 2024 और हम सभी तब से कर रहे हैं पुष्पा आने वाला है, पुष्पा आने वाला है। पहले कहा गया था कि 2022 के दिसंबर में आएगा, लेकिन तब भी नहीं आया। फिर सामने आया कि शूटिंग चल रही है और फिर कुछ वक्त पहले एकदम धमाकेदार सबसे अलग पोस्टर आया जिसमें पुष्पा का नेवर द सीन अवतार, मतलब उस पोस्टर ने ना दोस्तों इंटरनेट पर सिर्फ फायर नहीं बल्कि लगाई थी एटम बॉम्ब से एक आग। और उसके बाद अनाउंसमेंट हुई कि कुछ आने वाला है, और जिस दिन की अनाउंसमेंट थी उस दिन ये अनाउंसमेंट की गई कि दो दिन बाद एक वीडियो आएगा। दोस्तों अब यहाँ पर चालाकी वाली बात यह है कि उन्होंने इतनी हाइप क्रिएट कर दी कि पुष्पा के हैशटैग को ट्रेंडिंग कर दिया गया ताकि कोई पुष्पा को भूल ना पाए। और फिर जब वीडियो आई तब वो थी 3 मिनट की और हम सभी ने सोचा कि क्या बात है 3 मिनट का वीडियो रिलीज किया गया है, लेकिन उसमें जैसा टाइटल था वेयर इज पुष्पा वैसा ही वो वीडियो था। पुष्पा वीडियो के एंड में आता है वो भी सिर्फ 10 सेकंड के लिए, पर दोस्तों वो भी क्या आया, मतलब जिससे शेर तक डर गया, शेर ने 2 कदम पीछे ले लिए और फिर उसने ऐसे मतलब कुर्सी पर बैठकर बोला रूल। दोस्तों तब आ रहे थे लिटरल गूज बम्स, आखिर के 10 सेकंड से सभी लोग थ्रिल हो गए थे कि हाँ इसमें दम तो है। पर यहाँ पर खास बात है मार्केटिंग की, मतलब अगर आप गौर से इस वीडियो को देखेंगे तो इसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया है कि ये टीजर है ये ट्रेलर है, मतलब ये देखकर बंदा ये सोचेगा कि ये अभी टीजर ट्रेलर नहीं है, वो तो आने वाला है। तो जब तक टीजर या ट्रेलर आएगा तब तक ये जो 3 मिनट का पुष्पा 2 का इंट्रोडक्टरी वीडियो था वो पूरे इंटरनेट पर कहीं ना कहीं तो छाया ही रहेगा। तो इससे हो जाएगी इनडायरेक्ट मार्केटिंग और पुष्पा को कोई भूलेगा भी नहीं कि पुष्पा 2 नाम की भी एक फिल्म आने वाली है जो सबको झुकाने वाली है, क्योंकि पुष्पा इज द ग्रेटेस्ट मास एक्शन मूवी ऑफ ऑल द टाइम्स और अल्लू अर्जुन ने जो परफॉर्मेंस दी है दोस्तों वो भी काबिले तारीफ थी और इसलिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। साथ ही हम ये भी कह सकते हैं कि 3 मिनट के इंट्रोडक्टरी वीडियो या ग्लिम्स में आप जो भी कहना चाहें उस पर जो पुष्पा का फर्स्ट लुक का पोस्टर आया था वो बाहर ही पड़ गया था, क्योंकि वो पोस्टर देखने के बाद हम ये सोचने पर मजबूर हो गए थे कि आखिर क्या, आखिर कैसे पुष्पा ने ऐसा लुक लिया और क्यों लिया जब वीडियो में सभी जगह पुष्पा नहीं दिख रहा था और सब ये सोच रहे थे कि पुष्पा का क्या हो गया है या फिर पुष्पा कहाँ पर है। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं हम सब ये जानते थे कि पुष्पा जिंदा है और आएगा जरूर, और वो जो 10 सेकंड का सीन था वो काफी अच्छा था, पर जो पोस्टर था वो उससे भी अच्छा था। तो आपको क्या ज्यादा पसंद आया, पोस्टर या फिर वीडियो? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। हमारी आज की राइटर है मनीषा विधानी। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? मैं इधर टांग अड़ाने को नहीं आया, राज करने के लिए आया मैं।
पहाड़ियों पर पुलिस ने पुष्पा के कुछ कपड़े बरामद किए। फिल्म पुष्पा 2 के साथ अल्लू अर्जुन कुछ ऐसा कर सकते हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया। ऐसा कहा जाता है कि वो प्रभास की मूवी सालार जो 2023 में तहलका मचा चुकी है उसकी स्ट्रैटेजी या उससे पुष्पा 2 वाले फॉलो कर सकते हैं। अब किस मामले में, तो प्रमोशन के मामले में, मतलब सालार को उतना प्रमोशन नहीं किया गया और जितना भी थोड़ा बहुत प्रमोशन था वो रिलीज डेट के बाद किया गया। तो पुष्पा वाले इस बारे में सोच सकते हैं, ऐसा कहा जा सकता है। तो क्या जिस तरह से सालार के दो गाने रिलीज डेट से पहले रिलीज किए गए और दो गाने बाद में, वैसा ही किया जाएगा? अगर पुष्पा 2 के मेकर्स ने सालार की स्ट्रैटेजी अपनाई तो ऐसा हो सकता है। पर ये सब कुछ इसलिए कहा जाता है क्योंकि सालार वालों को तब किसी भी तरह शूटिंग और सारा काम निपटाना था तो उनके पास टाइम नहीं था, वरना मूवी पोस्टपोन होती। और पुष्पा के केस में ऐसा बिल्कुल हो रहा है कि शूटिंग पूरी नहीं हो रही है और मेकर्स नहीं चाहते कि फिल्म पोस्टपोन हो, इसलिए प्रमोशंस में टाइम इन्वेस्ट ना करने के लिए ऐसी स्ट्रैटेजी इस्तेमाल होती है। अब सालार वालों ने ना ढंग से प्रमोशन किया, ना प्री रिलीज इवेंट पर मूवी में दम था, बस था, इसलिए मेकर्स कॉन्फिडेंट थे। और ठीक वैसे ही पुष्पा 2 के मेकर्स भी फैंस कॉन्फिडेंट है, पर सालार वालों ने गलती कर दी कि प्रमोशन अवॉइड करें। अब ठीक है, प्रभास तेलुगु एक्टर है तो तेलुगु में उनका बज है तो तेलुगु में प्रमोशन करने की जरूरत नहीं है, पर बाकी मार्केट स्पेशली हिंदी मार्केट में प्रमोशन करना कंपलसरी है। प्रभास ने ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से भी सालार के कलेक्शन पर असर पड़ा है। पुष्पा 2 वाले इस स्टेप को फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि पुष्पा 2 मैसिव लेवल पर बनाई जा रही है और उन्हें सबसे ज्यादा उम्मीद तेलुगु और हिंदी मार्केट से ही है, और पुष्पा को भी सबसे ज़्यादा फायदा हिंदी मार्केट से ही हुआ था। ऐसे में वो विदाउट प्रमोशन वाला रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकते, वरना ये फंस जाएंगे। देखते हैं अब क्या होता है, बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहिए एंड सेफ रहें। साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा का सीक्वल इस साल 2024 में रिलीज होने वाला है। पुष्पा 2 द रूल साल 2024 की मोस्ट अवेटेड फिल्म में से एक है। अल्लू अर्जुन की फिल्म 15 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। पुष्पा 2 के मेकर्स ने फिल्म की एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए काउंटडाउन शुरू कर दिया है। पुष्पा 2 का काउंटडाउन मेकर्स ने एक पोस्ट शेयर करते हुए शुरू किया। पुष्पा 2 द रूल के प्रोडक्शन हाउस माइथी ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पर पुष्पा 2 के लिए नया पोस्टर लॉन्च किया है। ये एक काउंटडाउन पोस्टर है। इस पोस्ट में बताया गया है कि फिल्म के रिलीज में अब केवल 200 दिन बचे हैं। साल 2021 में पुष्पा द राइज की रिकॉर्ड तोड़ सफलता के बाद अब पुष्पा 2 द रूल सिनेमाघरों में आने जा रही है। फिल्म मेकर्स ने काउंटडाउन शुरू करते हुए शानदार कैप्शन भी लिखा। अल्लू अर्जुन की फिल्म के सीक्वल को लेकर हाइप भी जोरों पर है। नेशनल अवार्ड विनर अल्लू अर्जुन मास्टर फिल्म मेकर सुकुमार द्वारा निर्देशित इस सीक्वल में रूल करने के लिए लौट आए हैं। फिल्म में अल्लू अर्जुन के साथ रश्मिका मंदाना भी नजर आने वाली है। वहीं एक्टर फहद फासल भी फिल्म का हिस्सा है। साल 2024 में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर फिल्म रिलीज होने जा रही है। मैथिली मूवी मेकर्स दर्शकों के लिए कंप्लीट एंटरटेनमेंट देने के लिए तैयार है। अल्लू अर्जुन की फिल्म का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पुष्पा 2 का फर्स्ट पोस्टर मेकर्स ने साउथ सुपरस्टार के जन्मदिन पर शेयर किया था। इस पोस्टर को ही 7 मिलियन से ज्यादा लोगों ने लाइक किया था। दोस्तों पुष्पा 2 के मेकर्स ने दावा किया था कि भारतीय सिनेमा की किसी भी फिल्म के पोस्टर पर सबसे ज्यादा लाइक आने का रिकॉर्ड बन चुका है। अब 200 दिन बाद फिल्म बड़े पर्दे पर आने वाली है। पुष्पा 2 के सेट से अल्लू अर्जुन की एक फोटो इंटरनेट पर छा गई है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही लीक फोटो में ना अल्लू अर्जुन साड़ी पहने हुए नजर आ रहे हैं। साड़ी पहने अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक पोस्टर आपको याद है? लीक हुई फोटो हमें आइकॉनिक पोस्टर की याद दिलाती है। जया फिल्म के फर्स्ट लुक पोस्टर में अल्लू अर्जुन ने एक महिला के रूप में कपड़े पहने हुए थे। जैसा कि कहा जाता है कि वो गंगम्मा तल्ली सितारा में हिस्सा ले रहे हैं जो कि तिरुपति में प्रचलित एक अनुष्ठान है। हर साल गंगम्मा तल्ली सितारा एक वीक तक मनाया जाता है। लास्ट डे के दौरान मेल फीमेल्स के रूप में तैयार होते हैं और गंगम्मा के रूप में दिखाई देते हैं। ये देवता बुराई का नाश करने वाले हैं। निर्देशक सुकुमार की पुष्पा द राइज दिसंबर 2021 सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई थी। फिल्म में अल्लू अर्जुन, फहद फासल और रश्मिका मंदाना मुख्य भूमिका में है। फिल्म में म्यूजिक नेशनल अवार्ड विनर देवी श्री प्रसाद ने दिया था। इसी टीम के साथ फिल्म का सेकेंड पार्ट भी तैयार किया जा रहा है। दोस्तों
आपको पुष्पा टू का कितना इंतजार है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। पुष्पा 2 के पोस्टर और इंट्रोडक्टरी वीडियो आने के बाद पुष्पा का किरदार तो मिस्टीरियस लगा ही, लेकिन जिस किरदार को सबने ढूंढा वो श्रीवल्ली नहीं बल्कि केशवा का था, जो पुष्पा के साथ उसकी जर्नी में पहले से ही रहा। और अब इस किरदार के बारे में मार्केट में कई सारी बातें फैल चुकी हैं, तो चलिए देखते हैं क्या कहा जा रहा है केशवा के बारे में। तो सबसे पहले तो ये कहा जा रहा है कि केशवा पुलिस का आदमी है जो पुष्पा जैसे लाल चंदन के स्मगलर्स पर जासूसी करने आया था, और पुष्पा के डाउनफॉल की वजह वही बनने वाला है। और जैसा कि हमने वीडियो में देखा कि पुष्पा जेल से भाग गया है, तो उसे जेल भिजवाने के पीछे केशवा का ही हाथ होगा, यानी दोस्त बना दुश्मन वाला प्लॉट होगा। और साथ ही अगर केशवा ने पुष्पा को पकड़वाया है और उसे धोखा दिया है तो उसे वो उसे छोड़ेगा नहीं। इसके बाद एक थ्योरी ये भी है कि केशवा पुष्पा के एटीट्यूड और उसकी कामयाबी से जलने लगता है, और जो केशवा पुष्पा के आगे पीछे घूमता रहता था वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है, और अब उसे सिंडिकेट का मालिक बनना होता है। इसलिए वो पुष्पा से बगावत कर लेता है और दुश्मनों से हाथ मिलाता है, जैसे कि केजीएफ चैप्टर 1 में गरुड़ा ने भाई ने अपने ही बाप और भाई से बगावत की और दुश्मनों से हाथ मिला लिया था। थ्योरीज का सिलसिला यहीं पर खत्म नहीं होता, बल्कि एक और थ्योरी है और उसके हिसाब से पुष्पा की स्टोरी को नारेट किया जा रहा है, और उसे नारेट कर रहा है केशव, और पुष्पा के तीसरे पार्ट पुष्पा द फॉल होगा, क्योंकि राइज के बाद रूल होता है और रूल के बाद फॉल, क्योंकि जो जितना ऊंचा चढ़ता है वो उतना ही नीचे भी गिरता है। इसलिए इसके एंड में हमें ये दिखाया जाएगा कि पुष्पा का अंत होता है। अब देखते हैं कि ये बात कितना सच है और कितना झूठ। खैर, पुष्पा 2 की शूटिंग जोरों शोरों से चल रही, और अभी से पुष्पा 2 ने मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवीज की लिस्ट में अपनी जगह बना ली, और अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले साल में 15 अगस्त पर जो बॉलीवुड वर्सेस साउथ मूवी का जो क्लैश होगा, यानी सिंघम अगेन वर्सेस पुष्पा 2, उसमें भी सालार आगे रह सकती है। खैर, अब आप बताओ आप कितने एक्साइटेड उस मूवी को लेकर। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। बाय। पुष्पा एक्ट्रेस के साथ साथ साउथ इंडियन सिनेमा के लिए भी काफी लकी साबित हुई, जिसने बाकी की साउथ इंडियन फिल्म्स के लिए रास्ता बनाया और उन्हें सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड फेमस कराया, और 400 CR की मासिव कमाई। साथ ही साथ अल्लू अर्जुन के स्वाग और रश्मिका मंदाना की ब्यूटी की दीवानी बन गए। खबर ये है कि साउथ इंडियन डीवा जो आते ही नेशनल क्रश भी बनी, वो साई पल्लवी पुष्पा 2 का हिस्सा बनने जा रही है। जी हाँ, फिल्मी दुनिया में इस खबर ने जोर पकड़ ली है कि साई पल्लवी ने पुष्पा 2 की कास्ट को ज्वाइन कर लिया है और उनकी फहद फासिल के साथ पेयरिंग होगी। बताया जा रहा है कि उनका पुष्पा 2 में एक एक्सटेंडेड कैमियो होने वाला है। पुष्पा द रूल की शूटिंग शुरू है और खबर है कि साई पल्लवी जल्द ही मूवी की कास्ट को ज्वाइन करने वाली है। हालांकि इस बात को लेकर अभी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दी गई है, ना तो मूवी मेकर्स और ना ही एक्ट्रेस ने इस पर कुछ कहा है ना ही ट्वीट किया है, लेकिन ट्विटर पर फैंस ने इस बात को लेकर अपनी एक्साइटमेंट शो की है, क्योंकि आइकॉनिक साई पल्लवी को अल्लू अर्जुन के साथ देखना कौन पसंद नहीं करेगा। साथ ही अल्लू अर्जुन ने पुष्पा 2 के लिए हैदराबाद में जिथारा एपिसोड की शूटिंग पूरी कर ली है, जिसके बारे में उन्होंने मंगलवारम के प्री रिलीज इवेंट में बताया है, पर वो एज अ चीफ गेस्ट इनवाइटेड थे और ये उनका नेशनल अवार्ड जीतने के बाद पहला पब्लिक इवेंट भी था। उन्होंने कहा कि पुष्पा 2 में जिथारा एपिसोड एक मेन हाईलाइट होने वाला है, जिसका फर्स्ट लुक पोस्टर तो हम देख ही चुके हैं, और इसके बारे में उन्होंने ज्यादा बात नहीं की और कहा कि 15 अगस्त को मूवी देखने के लिए तैयार रहिएगा और वो तभी इस बार ज्यादा बात करेंगे। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने अपने फैंस का आभार व्यक्त किया और कहा कि आने वाले वक्त में वो अपने फैंस को प्राउड फील कराने वाले और उनके प्यारे और ब्लेसिंग्स के लिए भी बहुत सारा आभारी है। जहां बात हो रही है जथारा एपिसोड की, वहां पर फैंस के बीच एक कंसर्निंग बात ये भी चल रही है कि
कहीं सीन या पूरे शॉट की वजह से किसी भी तरह का कोई हंगामा ना खड़ा हो रहा है, क्योंकि जब पुष्पा का फर्स्ट लुक पोस्टर आया जिसमें वो साड़ी पहने नजर आए बिल्कुल वैसे ही जैसे गंगम्मा जाथरा के दौरान मर्द तैयार होते, तब काफी सारे लोग ऑफेंड हुए थे और उनका ये कहना था कि ये सही नहीं है। खैर अब आप बताओ कितने एक्साइटेड उस मूवी को लेकर, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, बाय। शेषाचलम के जंगलों में पुष्पा को ढूंढने के लिए पुलिस ने एक स्पेशल यूनिट डिप्लॉय की है। भाभरापेट की पहाड़ियों पर पुलिस ने पुष्पा की कुछ कपड़े। दोस्तों फिल्म पुष्पा 2 के मेकर्स की एक बात ना बड़ी अच्छी लगी कि भाई कुछ भी हो जाए हम रिलीज डेट तो पोस्टपोन नहीं करेंगे, क्योंकि रिलीज डेट पोस्टपोन करना मतलब फैंस के पेशेंस को ना टेस्ट करना, और जिसने फैंस के पेशेंस को टेस्ट किया ना वो टेस्ट में फेल होने के बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं, ऐसे कुछ लोग बच भी जाते हैं सालार की तरह। पर इस बार पुष्पा 2 वाले ना कोई रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि 1,000 करोड़ कमाने हैं भाई, उसे वो रिस्क नहीं ले सकता। तो पुष्पा 2 वाले रिलीज डेट पोस्टपोन नहीं करने वाले हैं, बल्कि ये फिल्म तो 15 अगस्त 2024 को रिलीज होने ही वाली है, और इसके लिए डायरेक्टर सुकुमार ने फिल्म की शूटिंग मई 2024 तक पूरी करने का फैसला किया है। तब तक वो रिलीज हुई फिल्में एनटीआर की देवरा और प्रभास की कल की 2898 AD का फीडबैक भी देखेंगे और फिर फिल्म में कोई ना कोई बदलाव जरूर करेंगे। पर इसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन का काम शुरू होगा और फिर प्रमोशनल एक्टिविटीज शुरू हो जाएगी। वैसे बहुत लोग ना सोच रहे हैं कि क्या फिल्म KGF चैप्टर 2 जितना पुष्पा 2 का हिंदी मार्केट में हाइप है, इसमें तो बाहुबली 2 KGF 2 सबका नाम आएगा ना। पर अगर KGF 2 की बात करें तो हाँ पुष्पा को उतना हाइप है, इसका रीजन ही अल्लू अर्जुन है। अल्लू अर्जुन का फैन बेस ना काफी ज्यादा है, अल्लू अर्जुन का हाइप नॉर्थ मार्केट में ना बाहुबली के प्रभास और KGF के यश से बहुत पहले से है और वो अभी तक मेंटेन है। हाँ ये बात सही है कि सुकुमार डायरेक्टर SS राजामौली की तरह नॉर्थ मार्केट में उतने पॉपुलर नहीं है, उनका उतना हाइप नहीं है, पर अल्लू अर्जुन के स्टारडम से और हाइप से ना सब बैलेंस हो जाता है। अब इसका टीजर हमने देख लिया है जो कि सोशल मीडिया पर तबाही मचा चुका है, पर इसके साथ साथ दोस्तों अब प्रमोशन भी जबरदस्त रहे तो उसे ना मैजिक क्रिएट करने से कोई नहीं रोक सकता है। जैसे चैप्टर 2 ने मैजिक क्रिएट किया था सेम टू सेम वैसा ही। वैसे भी जब एक्टर्स और फिल्म की टीम को ये समझ में आता है ना कि किस मार्केट में कौन सी प्रमोशनल स्ट्रेटेजी वर्क करेगी तो फिल्म का हाइप बढ़ने में ना ज्यादा टाइम नहीं लगता है। वैसे पुष्पा 2 को लेकर डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रमोटर्स पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हैं, उससे तो सबको यकीन है कि पुष्पा 2 भाई तबाही मचा ही देगी। पर अल्लू अर्जुन जब नॉर्थ मार्केट में प्रमोशन करते ना तब उनका हिंदी लैंग्वेज में बात करना जिससे वो लोगों के साथ इमोशनली अटैच हो सके वो भी बड़ा फैक्टर है जो पुष्पा की प्रमोशन के वक्त नजर आया था। अल्लू अर्जुन हो, रामचरण हो, NTR हो, राजामौली हो, इन्हें पता है दोस्तों की अब स्पेसिफिक मार्केट में लैंग्वेज को लेकर ना लोग बहुत वजह से बोलते हैं। अगर यही बात कोई बॉलीवुड एक्टर्स साउथ इंडस्ट्री में करे ना, तेलुगु बोले, तमिल बोले, तो वहां की ऑडियंस भी ना खुश हो जाती है, यानी कि इम्प्रेस हो जाती है। तो यही पढ़ना इस बार भी आजमाया जाएगा पूरे दिल से। और एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना तो पहले से ही बॉलीवुड में छाई हुई है, तो वो भी ना एक प्लस पॉइंट है इस प्रमोशन के लिए। देखते हैं कि इस बार प्रमोशन से पुष्पा को कितना बढ़िया फायदा मिलता है। तो फिलहाल आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। शॉट पर मिले 8 गोलियों के निशान। पुष्पा 2 में साड़ी, कंगन, नेल पॉलिश में अल्लू अर्जुन के लुक की असली कहानी क्या है? पुष्पा 2 से अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज हुआ। टेढ़ी गर्दन किए पुष्पराज, नीले रंग में पुता, शरीर पर साड़ी, एक हाथ में पिस्तौल, लेकिन उसी हाथ के नाखूनों पर नेल पॉलिश लगी है। हाथों में छन चमकते गोल्डन कंगन है, गले में कच्चे नींबुओं की माला इस लुक की शोभा बढ़ाने का काम कर रही है। अल्लू अर्जुन का ये लुक चौंकाने वाला था। लोगों ने उम्मीद की थी कि वो अपने सिग्नेचर पोज में दिखेगा, हाथ में बंदूक, बदन पर लुंगी बांधे या फिर दुश्मनों से लड़ रहा होगा। लेकिन दोस्तों ये लुक चित्तौर की गंगम्मा जात्रा से प्रेरित है। क्या है गंगम्मा जात्रा, अब उसके बारे में आपको थोड़ा बताते हैं। ये एक फोक फेस्टिवल है जिसे कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। 7 दिनों तक चलने वाली गंगम्मा जात्रा हर साल मई के महीने में मनाई जाती है। इस दौरान भव्य पूजा की जाती है, कुछ जगह देवी का प्रसाद के रूप में मांसाहारी भोजन चढ़ाया जाता है।
सात में से बीच के दो दिनों में यात्रा निकलती है, जहां पुरुष अपना वेश बदल कर आते हैं, महिलाओं की तरह सज कर उनकी तरह श्रृंगार कर इस यात्रा में हिस्सा लेते हैं। संभव है कि पुष्पा 2 में अल्लू अर्जुन का किरदार भी ऐसी यात्रा में हिस्सा ले रहा होगा, तभी उसने ऐसा वेश धरा हो। लेकिन तिरुपति में मनाई जाने वाली गंगम्मा यात्रा की कहानी बिल्कुल विपरीत है। लोग मानते हैं कि किसी जमाने में तिरुपति और आसपास के इलाकों पर पले गुंडेलू नाम का एक आदमी राज करता था, एकदम दुष्ट दुराचारी किस्म का आदमी, महिलाओं पर अत्याचार करता, उनके साथ दुर्व्यवहार करता। ऐसे समय में अविलल नाम के एक गांव में देवी का जन्म हुआ। वो देवी बड़ी होने पर एक सुंदर महिला बनी। पले गुंडेलू की नजर उन पर पड़ी, उसने उनके साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश की। देवी ने बदले में उस पर हमला कर दिया, लेकिन वो बच निकला, जाकर किसी अज्ञात स्थान में छुप गया। उसे बाहर निकालने के लिए देवी ने एक यात्रा का आयोजन किया। तिरुपति के लोग विचित्र वेश धर कर बाहर निकलते, गंगम्मा को कोसते। इस यात्रा में सातवें दिन पले गुंडेलू बाहर आ गया। जिसे ही वो बाहर आया, तभी गंगम्मा देवी ने उसे मार डाला। अगर पुष्पा 2 में पुष्पा राज यात्रा में हिस्सा लेता है, तो मुमकिन है कि अपने किसी दुश्मन को मारने के लिए ही ऐसा करेगा। दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं पुष्पा 2 के लिए, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं, और देखते रहिए हमारा चैनल पॉलीग्राज स्टूडियोज। भाई, रिलीज डेट अनाउंस करते ही पुष्पा के मेकर्स ने बहुत बड़ा क्लैश कैसे मोल लिया। अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 की रिलीज डेट आ गई है। इस फिल्म के मेकर्स ने वही वीकेंड चूज किया है जिस पर गदर 2 रिलीज हुई थी। ये फिल्म 15 अगस्त को सिनेमा घरों में लगेगी। इस रिलीज डेट की अनाउंसमेंट के साथ ही पुष्पा 2 के मेकर्स ने बड़ी क्लैश मोल ली है, क्योंकि इसी दिन अजय देवगन रोहित शेट्टी की सिंगम 3 रिलीज होने वाली है। पुष्पा 2 के मेकर्स ने रिलीज डेट अनाउंस करने के लिए फिल्म का एक पोस्टर रिलीज किया। इसमें अल्लू अर्जुन ने पर्पल कलर की कमीज पहनी हुई है, उनका चेहरा नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ उनका हाथ दिख रहा है, जिसमें उन्होंने 3 सोने की अंगूठियां पहनी हुई है और कानी उंगली पर नेल पेंट लगा हुआ है और खून के कुछ छींटे नजर आ रहे हैं। दूसरे हाथ से संभवतः वो सिगरेट पी रहे हैं, उसी के धुएं से उनका चेहरा छुपा हुआ है। पोस्टर पर सबसे ऊपर बोल्ड लेटर्स में फिल्म की रिलीज डेट लिखी हुई है। पुष्पा 2 के इस पोस्टर को देखकर लग रहा है कि मेकर्स ने पुष्पराज के किरदार के साथ कुछ अलग करने की कोशिश की है। शायद उस कैरेक्टर को थोड़ा फेमिनिन टच दिया गया है, या कुछ और एंगल भी हो सकता है। पहले तैयारी थी कि पुष्पा 2 को 2022 में रिलीज किया जाएगा, क्योंकि फिल्म के कुछ हिस्सों की शूटिंग पहले ही हो चुकी थी, तभी KGF 2 रिलीज हुई। उसके बाद मेकर्स ने पुष्पा 2 को दोबारा से शूट किया। शायद पुष्पा 2 के कुछ हिस्से KGF 2 से मिलते जुलते थे। हालांकि बाद में फिल्म के डायरेक्टर ने कहा कि KGF 2 की वजह से उन्होंने अपनी पिक्चर रीशूट नहीं की है। वो चाहते थे कि दर्शकों को पूरी तरह से संतुष्ट किया जाए, इसलिए उन्होंने फिल्म के सभी सीक्वेंस को फ्रेश तरीके से फिल्माया। बताया जा रहा है कि पुष्पा 2 के अधिकतर हिस्सों की शूटिंग हो चुकी है, मगर काम अभी पूरा नहीं हुआ है। मेकर्स किसी किस्म की जल्दबाजी नहीं करना चाहते, इसलिए उन्होंने फिल्म को पूरा करने के लिए बकायदा 1 साल का समय लिया है। वो अपनी पिक्चर 15 अगस्त 2024 को रिलीज करेंगे। 15 अगस्त को गुरुवार पड़ रहा है, ऐसे में फिल्म को 4 दिन का लंबा एक्सटेंडेड वीकेंड मिल जाएगा। दिक्कत यह है कि इसी तारीख के लिए रोहित शेट्टी की सिंगम 3 भी स्केड्यूल्ड है। रोहित बता चुके हैं कि ये उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है। इस बड़े बजट और भयंकर स्केल पर बनाया जा रहा है, प्लस उन्होंने अपनी पिक्चर में तकरीबन आधी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को कास्ट कर लिया है। सिंगम 3 में अजय देवगन के साथ अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, करीना कपूर और टाइगर श्रॉफ जैसे एक्टर्स नजर आने वाले हैं। ये तो प्राइमरी दी कास्ट हो गई, बाकी रोहित शेट्टी की कॉमेडी गैंग भी इस फिल्म का हिस्सा होगी। वहीं पुष्पा 2 में अल्लू अर्जुन के साथ रश्मिका मंदाना, फहाद फासिल तो होंगे ही, उनके साथ साई पल्लवी, जगपति बाबू और प्रकाश राज भी जुड़ेंगे। पुष्पा द राइस के लिए अल्लू अर्जुन को बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला है। वो ये अवार्ड पाने वाले पहले तेलुगु एक्टर हैं। खैर, पुष्पा 2 को रंगस्थलम फेम सुकुमार डायरेक्ट कर रहे हैं। आप कौन सी मूवी देखने जाएंगे, पुष्पा 2 या सिंगम 3, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और देखते रहिए हमारा चैनल पॉलीग्राज स्टूडियोज।
घबराने की कोई जरूरत नहीं, मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट। उसको समझता क्या? मेरे पास बात करने का वक्त नहीं है। अब मैं जो भी बात करूंगा वो सिर्फ तुझे मारने के बाद करूंगा। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, पुष्पा द रूल से अल्लू अर्जुन का अलग और डबल रोमांचित करने वाला किरदार देखने को मिलेगा। पुष्पा द रूल में दर्शकों को काफी कुछ नया देखने को मिलेगा। पहले पार्ट में पुष्पा ने शेखावत को धमकी दी थी कि शरीर पर वर्दी तो होगी लेकिन उसकी कोई नहीं सुनेगा, ना उसकी इज्जत करेगा। वहीं दूसरे पार्ट में कहानी को आगे बढ़ाया जाएगा जिसमें देखने को मिलेगा कि गांव वालों का भला करने वाला पुष्पा को पुलिस के जरिए जेल में डालने जाने और फिर उस पर गोलियां बरसाए जाने पर खूब बवाल मचेगा। पूरा गांव पुलिस प्रशासन के खिलाफ खड़ा हो जाएगा, पुष्पा के लिए मोर्चा खोला जाएगा और चारों तरफ दंगे होंगे। पुष्पा द रूल में भी अल्लू अर्जुन की रश्मिका मंदाना संग जोड़ी जमेगी। दूसरे पार्ट में श्रीवल्ली एक बच्चे की मां बनेगी। इतना ही नहीं, पुष्पा अपने दम पर एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर लेगा जिसके बाद चारों ओर उसके नाम की तूती बोलेगी। वहीं जॉली रेड्डी जो पहले पार्ट में लगभग मौत के मुंह में पहुंच गया था पूरी फुर्ती के साथ वापसी करेगा। इस मूवी में शीनू की पत्नी दक्षायणी उर्फ अंशुया भारद्वाज भी अपना दमखम दिखाएंगी। एक्शन ड्रामा फिल्म पुष्पा द राइज साल 2021 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बनकर उभरी। इस फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की। याद हो कि इस फिल्म में श्रीवल्ली, सामी सामी और ऊ अंटवा जैसे ट्रैक बड़े पैमाने पर चार्ट बस्टर्स के रूप में उभरे। वहीं इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब इन सुपरहिट गानों की सीक्वल की भी बात आती है तो फैंस इससे काफी उम्मीद रखते हैं। डीएसपी पुष्पा द रूल के लिए ट्रैक तैयार करने के लिए लौटे हैं। इसी को लेकर संगीतकार ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में खुलासा किया कि उन्होंने फिल्म के कुछ गाने पहले ही तैयार कर लिए हैं। वहीं इसके लिए खुद के उत्साह को शब्दों में साझा करते हुए डीएसपी ने कहा, हर कोई पुष्पा 2 फिल्म और उसके संगीत का इंतजार कर रहा है। मैं वास्तव में उस प्यार के लिए शुक्रगुजार हूं जो सभी ने हम पर बरसाया है। जिस तरह से निर्देशक सुकुमार सर ने कहानी लिखी है वो अद्भुत है। हम हमेशा की तरह इस फिल्म के लिए बहुत मेहनत और लगन से काम कर रहे हैं। डीएसपी ने पुष्पा के सम्मान था रूथ प्रभु के विवादित लेकिन चर्चित गाने ऊ अंटवा के दूसरे पार्ट में रिप्राइज को लेकर कहा, हम पुष्पा 2 में उवंटवा के किसी भी रिप्राइज को नहीं देख रहे हैं लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। बहुत सरप्राइज पर काम चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि हर कोई फिल्म और उसके एम्बलम को पुष्पा क्या 500 करोड़ी फिल्म बन पाएगी। मैं आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड के फिल्मी गलियारे में। पुष्पा द राइज ने हिंदी बाजार में करीब 100 करोड़ का बिजनेस कर लिया। पुष्पा फिलहाल ओटीटी पर रिलीज हो चुकी लेकिन अभी भी बॉक्स ऑफिस पर कमाई का सिलसिला जारी। पुष्पा के गाने और संवाद सब कुछ काफी हिट रहा। पुष्पा को हिंदी वर्जन में रिलीज करने के पीछे गोल्ड माइंस टेलीफिल्म्स के डायरेक्टर मनीष शाह का हाथ, जिन्होंने इस फिल्म का राइट खरीदे और फिर हिंदी में रिलीज किया। साउथ की इस फिल्म को हिंदी बेल्ट में काफी पसंद किया गया और पूरा देश पुष्पा 2 के आने का इंतजार कर रहा है। हाल ही में मनीष शाह ने एक इंटरव्यू में पुष्पा 2 की रिलीज डेट से लेकर शूटिंग शेड्यूल को लेकर जवाब दिए गए इंटरव्यू में मनीष शाह ने कहा कि पुष्पा द राइज 17 दिसंबर 2021 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। पहले दिन अल्लू अर्जुन की इस फिल्म ने सिर्फ 3.33 करोड़ के साथ बॉक्स ऑफिस पर खाता खोला था लेकिन क्रिसमस के बाद इस फिल्म ने हिंदी बॉक्स ऑफिस पर तेज रफ्तार पकड़ी और आज ये फिल्म 100 करोड़ का आंकड़ा छूने में कामयाब हुई। मनीष शाह ने पुष्पा 2 की रिलीज को लेकर पूरा हिसाब किताब समझाया कि आखिर इस फिल्म को
रिलीज होने में कब और कितना समय लगेगा। उन्होंने साफ कर दिया कि पुष्पा 2 इस साल रिलीज नहीं हो पाएगी। इस लंबी फिल्म की शूटिंग में समय लगेगा। उन्होंने बताया कि पुष्पा 2 की शूटिंग करीब 250 दिन तक चलेगी। पुष्पा के पहले भाग की शूटिंग 210 दिन तक चली। साल 2023 तक पुष्पा 2 रिलीज हो। क्या प्रभास की बाहुबली द कंक्लूजन का रिकॉर्ड पुष्पा 2 तोड़ पाएगी? इस पर मनीष शाह ने कहा कि बाहुबली के पहले पार्ट ने 120 करोड़ की कमाई और पुष्पा ने 350 करोड़ कमाए। दोनों के बीच का जो अंतर है वो खत्म हो चुका है और पुष्पा बाहुबली से आगे जा चुकी है। अब ये देखना है क्या पुष्पा 2 बाहुबली 2 का रिकॉर्ड तोड़ देगी। लोगों का तो ये मानना है कि जो पुष्पा 2 रिलीज होगी तो वो फ्लोर पर 500 करोड़ नहीं बल्कि 1000 करोड़ तक का बिजनेस कर सकते। दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए क्या पुष्पा 2 1000 करोड़ की फिल्म बनेगी। फिर कब रिलीज होने जा रही है अल्लू अर्जुन की पुष्पा? आखिर रिलीज से पहले किसने इसे देख लिया है? क्या वाकई ये KGF को टक्कर देने को तैयार है? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जाल। दोस्तों, पुष्पा के लिए फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है और अब इसका जो काम है वो आगे भी बढ़ चुका है और एक साउथ की सुपरस्टार है जिन्होंने इस फिल्म का आधा भाग देख लिया है और वो दावा कर रहे हैं कि ये KGF को टक्कर देगी, वो भी करारी वाली। आपको बता दें ये एक्टर है मुच्ची बाबू। इन्होंने सुपरहिट साउथ इंडियन फिल्म उपेन से लाइमलाइट हासिल की थी और बॉक्स ऑफिस को हिलाकर भी दिया था। मीडिया से बात करते हुए बुच्ची बाबू ने कहा कि उन्होंने ये फिल्म देख ली है, इसका पहला भाग देख लिया है, अब इसके दूसरे भाग की एडिटिंग चल रही है। लेकिन बुच्ची के अनुसार पहले भाग को ही देखकर वो इतना दावा कर रहे हैं कि पुष्पा का पहला भाग 10 KGF के बराबर है। फिल्म में अल्लू अर्जुन का किरदार माइंड ब्लोइंग है, वहीं रश्मिका मंदाना भी अहम रोल में नजर आने वाली है। फिल्म के मेकर्स पुष्पा का बचा हुआ पार्ट अगले 2 हफ्तों में पूरा कर लेंगे। मेकर्स पुष्पा को इस साल के अंत में रिलीज करने का सोच रहे हैं। मुची बाबू की माने तो अल्लू अर्जुन साल 2021 के अंत में सबसे बड़ा धमाका करने को तैयार है। अगर बात KGF की करे तो इसका दूसरा भाग भी इसी साल रिलीज होना है। फिल्म के पहले पार्ट ने पूरे देश में तहलका मचा दिया था, ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा कि बुच्ची बाबू की जो पसंद को दर्शकों का सलाम मिलता है या नहीं, मतलब कि जैसा उन्होंने कहा वैसा होता है कि नहीं। क्योंकि KGF के पहले भाग को हर भाषा के दर्शकों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया है। अगर बुच्ची बाबू ने पुष्पा की सीधी तुलना KGF से की है तो दर्शकों की उम्मीदें जो है वो बढ़ना लाजमी है, क्योंकि KGF का भी अलग ही स्वैग है, उसका दूसरा पार्ट आने वाला है और लोग जो हैं वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अगर मोस्ट अवेटेड फिल्म बोला जाए तो KGF है। तो ऐसे में अगर पुष्पा रिलीज होती है तो ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये KGF को टक्कर दे पाएगी। साउथ के 2 बड़े स्टार भिड़ेंगे, एक तरफ अल्लू अर्जुन होंगे, दूसरी तरफ यश होंगे और यश ने तो ऑलरेडी एक ट्रेलर रिलीज कर दिया KGF का जो कि धांसू है। तो कांटे की टक्कर होने वाली है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, आपको कितना वेट है पुष्पा का और क्या लगता है अगर पुष्पा और के रश्मिका मंदाना से क्यों हुई ऑडियंस खफा? क्यों रश्मिका मंदाना की कही एक बात में उन्हें नेटिजन्स का निशाने पर खड़ा कर दिया गया है। मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ बॉलीग्रेड स्टूडियोज में। पुष्पा इंडिया की अपकमिंग पैन इंडिया बजट फिल्म एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसके लिए ऑडियंस बेहद ही एक्साइटेड है। एक तो बाहुबली और KGF के बाद फिर उन्हें साउथ इंडस्ट्री की तरफ से हाई ऑन एंटरटेनमेंट की सौगात मिलने वाली है। ऊपर से फिल्म के लीड रोल कोई और नहीं बल्कि साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन है। इसके अलावा इंडिया की प्रेजेंट क्रश द क्यूटी रश्मिका मंदाना भी इस फिल्म में उनके साथ नजर आने वाली है। जाहिर है एक्साइटमेंट का लेवल 7वें आसमान पर होने वाला है। लेकिन क्या आपको पता है कि मंदाना की इस गलती के बारे में जो शायद इस पूरी फिल्म के लिए खतरा बन सकती है, तो क्या है वो? दरअसल कुछ साल पहले जब रश्मिका के करियर उड़ान के लिए पंख फैला ही रहा था तब एक इंटरव्यू में उनसे इंडस्ट्री के सबसे बड़े शो ऑफ का नाम पूछा गया। काफी झिझकते हुए उन्होंने नाम लिया KGF एक्टर रॉकिंग स्टार यश का। फिर क्या था, यश की फैंडम ने भारी मात्रा में उन्हें कमेंट्स ट्रोल्स करना शुरू कर दिया। उनके इसके नाम से पूरे मीडिया को हिलाकर रख दिया। आखिर में हार कर खुद रश्मिका ने यश के फैंस को एड्रेस करते हुए लेटर लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि वो किसी के डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहती थी। उन्होंने अपने फैंस से ये सब तुरंत रोकने को कहा था। उन्होंने कहा कि वो रश्मिका एक दूसरे को पर्सनली नहीं जानते हैं और किसी को भी किसी के भी बारे में ओपिनियंस रखने की पूरी आजादी है, इसके उनके बिहेवियर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए वो नहीं चाहते कि कोई भी रश्मिका को उनके नाम पर हैरेस करे।
ये सब कहा KGF स्टारर यश ने। आप सोच रहे होंगे कि ये बात तो पुरानी हो गई है, लेकिन अब जब रश्मिका और यश दोनों ही स्टारडम की ऊंचाइयों पर है तो अक्सर उनसे जुड़ी खबरें यूं ही सरफेस पर आती रहती है। ऐसे में कई अतीत में रश्मिका के मुंह से निकली ये एक बात उनके आज पर असर ना डाल दे। वैसे भी आजकल पुराने ट्वीट्स और कमेंट्स का करियर पर असर पड़ने का ट्रेंड चल रहा है। खैर, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या पुष्पा की सक्सेस पर भी असर डाल सकता है ये फिर फिल्म बिना कर चुका है। और एक साउथ की सुपरस्टार है जिन्होंने इस फिल्म का आधा भाग देख लिया है और वो दावा कर रहे हैं कि ये KGF को टक्कर देगी, वो भी करारी वाली। आपको बता दें ये एक्टर है बुच्ची बाबू, इन्होंने सुपरहिट साउथ इंडियन फिल्म उपेन से लाइमलाइट हासिल की थी और बॉक्स ऑफिस को हिलाकर भी दिया था। वहीं मीडिया से बात करते हुए बुच्ची बाबू ने कहा कि उन्होंने ये फिल्म देख ली है, इसका पहला भाग देख लिया है, अब इसके दूसरे भाग की एडिटिंग चल रही है। लेकिन बुच्ची के अनुसार पहले भाग को ही देखकर वो इतना दावा कर रहे हैं कि पुष्पा का पहला भाग 10 KGF के बराबर है। फिल्म में अल्लू अर्जुन का किरदार माइंड ब्लोइंग है, वहीं रश्मिका मंदाना भी अहम रोल में नजर आने वाली है। फिल्म के मेकर्स पुष्पा का बचा हुआ पार्ट अगले 2 हफ्तों में पूरा कर लेंगे। मेकर्स पुष्पा को इस साल के अंत में रिलीज करने का सोच रहे हैं। बुच्ची बाबू की माने तो अल्लू अर्जुन साल 2021 के अंत में सबसे बड़ा धमाका करने को तैयार है। अगर बात KGF की करें तो इसका दूसरा भाग भी इसी साल रिलीज होना है। फिल्म के पहले पार्ट ने पूरे देश में तहलका मचा दिया था, ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा कि बुच्ची बाबू की जो पसंद को दर्शकों का सलाम मिलता है या नहीं, मतलब कि जैसा उन्होंने कहा वैसा होता है कि नहीं। क्योंकि KGF के पहले भाग को हर भाषा के दर्शकों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया है। अगर बुच्ची बाबू ने पुष्पा की सीधी तुलना KGF से की है तो दर्शकों की उम्मीदें जो हैं वो बढ़ना लाजमी है, क्योंकि KGF का भी अलग ही स्वैग है, उसका दूसरा पार्ट आने वाला है और लोग जो हैं वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अगर मोस्ट अवेटेड फिल्म बोला जाए तो KGF है। तो ऐसे में अगर पुष्पा रिलीज होती है तो ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये KGF को टक्कर दे पाएगी। साउथ के दो बड़े स्टार भिड़ेंगे, एक तरफ अल्लू अर्जुन होंगे, दूसरी तरफ यश होंगे। और यश ने तो ऑलरेडी एक ट्रेलर रिलीज कर दिया है KGF का, जो कि धासु है। तो कांटे की टक्कर होने वाली है दोस्तों। आपको क्या लगता है, आपको कितना वेट है पुष्पा का, और क्या लगता है अगर पुष्पा और KGF की भिड़ंत होगी तो कौन आगे निकलेगा? क्या एक झूठ पड़ जाएगा पुष्पा के पीछे हो रही लाख मेहनत पर भारी? तो हाय गाइस, मैं हूं श्रिया अरोरा, आपकी आज की होस्ट। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बॉलीक्रैट सीरियस में। तो चलिए बिना ज्यादा वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अब वो दिन चले गए जब फिल्मों की पॉपुलैरिटी को केवल उनकी इंडस्ट्रीज में नापा जाता था। अब उन्हीं फिल्मों को मोस्ट अवेटेड का टाइटल मिलता है, जिनका इंतजार कोई तेलुगु, कन्नड़ा या बॉलीवुड इंडस्ट्री नहीं बल्कि होल इंडिया के फैंस कर रहे होते हैं। और इन फिल्मों में पिछले कुछ समय से साउथ इंडस्ट्री ने लीडिंग पोजीशन हासिल कर रखी है। इन्हीं मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्मों में से एक है साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की अपकमिंग एक्शन थ्रिलर फिल्म पुष्पा, जिसके बारे में हर नई खबर फैंस के लिए फिल्म की एक्साइटमेंट को 4 गुना बढ़ा देती है। लेकिन कहीं अल्लू अर्जुन पर लग रहे इन इल्जामों से पूरी मेहनत पर पानी न फिर जाए, तो आखिर क्या है पूरा मामला? जानने के लिए हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो इस कंट्रोवर्शियल कहानी की शुरुआत होती है एक ट्वीट और एक अनाउंसमेंट से। वैसे तो अल्लू अर्जुन के फैंस के लिए ये एक बेहद सुखद घोषणा थी, लेकिन शायद खुद अल्लू के लिए ये इतनी लकी नहीं रही। दरअसल साउथ के फेमस प्रोड्यूसर बनीवास और अल्लू अर्जुन काफी अच्छे दोस्त हैं। हाल ही में बनीवास का बर्थडे मनाने अल्लू मुंबई गए थे, जहां वास किसी काम में बिजी थे। ये वाकई उनके लिए एक हार्ट वार्मिंग सरप्राइज था, जो कि कुछ ही समय में अल्लू के फैंस के लिए इतना बड़ा शौक बन गया। एक्चुअली वास ने अल्लू की कुछ अपकमिंग फिल्मों की अनाउंसमेंट की, जिसमें पुष्पा, वेणु श्रीराम की आइकन पुष्पा 2, बोयापति श्रीनु डायरेक्टेड फिल्म कोराटाला सिवा की फिल्म और AR मुरुगा डॉस के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स भी शामिल है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक्टर के पास इतनी फिल्में होना तो खुशी की बात है, लेकिन इस अनाउंसमेंट ने एक्टर को मुसीबत में डाल दिया। पहला कारण तो ये कि एक्टर्स अक्सर अपनी फिल्मों की अनाउंसमेंट यूं नहीं करते हैं, अनलेस उन पर काम जल्द ही शुरू होने वाला हो या हो चुका हो। प्लस इस लिस्ट में AR मुरुगा डॉस की फिल्म भी शामिल है, जिसे अल्लू ने पिछले साल ही रिजेक्ट कर दिया था।
जिसके बाद इसके लिए राम कोथिनेनी को अप्रोच किया गया था। अब पूरा सिने वर्ल्ड और मीडिया इस अनाउंसमेंट के पीछे के मकसद को जानना चाहता है कि क्या ये प्रोड्यूसर्स को एक्टर की अवेलेबिलिटी के बारे में बताने के लिए एक स्टंट था या फिर बाकी एक्टर्स को कंपटीशन देने के लिए जिनकी अपकमिंग फिल्मों की लाइन काफी लंबी है। अब डर तो यही है कि कहीं इस स्टंट का अलू के करियर पर बुरा असर ना पड़े और लोग उन्हें लाइमलाइट और दिखावे के लिए डेस्परेट ना समझे। तो चलिए आप हमें जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या ये अनाउंसमेंट सिर्फ एक एक्साइटेड और सपोर्टिंग फ्रेंड की मिस्टेक थी या एक प्रॉपरली स्ट्रेटेजाइज्ड एजेंडा। अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और फिल्मी दुनिया से जुड़ी ऐसी ही खबरों को वीडियो को आखिर तक देखना ना भूलें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, बाहुबली के ग्रैंडर और उसके बाद KGF की सुनामी के बाद अब ऑन स्क्रीन पुष्पा उतर रही है अपना कहर जमाने। पुष्पा डायरेक्टर सुकुमार द्वारा निर्देशित मूवी है जिसको एक पैन इंडिया रिलीज मिलने वाली है और खास बात ये है कि इस मूवी के लीड रोल में हमको अल्लू अर्जुन नजर आने वाले हैं। वैसे तो अल्लू अर्जुन का फैन बेस इंडिया में काफी समय से पूरे भारत भर में फैला हुआ है, लेकिन हाँ, इसका हाईएस्ट प्रोपोर्शन साउथ के दर्शकों को जाता है और शायद इसी प्रोपोर्शन और इसी रेशियो को चेंज करने के लिए अब फाइनली अल्लू अर्जुन अपनी पैन रिलीज लेकर तैयार है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि साउथ के एक्टर प्रभास को क्या अल्लू अर्जुन टक्कर दे पाएंगे? बात दरअसल ये है कि अल्लू अर्जुन को प्रभास के बराबर आने के लिए प्रभास के ऊपर चढ़ना पड़ेगा। अब मैं जानती हूँ आप काफी कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी आपकी कंफ्यूजन दूर होती जाएगी, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज में। मैं हूं आपकी दोस्त मीनाक्षी और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अल्लू अर्जुन की अपकमिंग पैन इंडिया रिलीज वाली मूवी पुष्पा के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि पुष्पा रेड सैंडलवुड के स्मगल की कहानी होने वाली है, जिसमें अल्लू अर्जुन काफी खास किरदारों में नजर आने वाले हैं। जहां एक तरफ वो एक लॉरी ड्राइवर बाय प्रोफेशन होंगे, वहीं पर वो एक स्मगलर बाय क्राइम होंगे और इसीलिए मूवी का ज्यादातर पार्ट उनको पकड़ने में और उनके छुपने और भागने के लाजवाब तरीकों को दिखाने में ही निकल जाएगा। अब खास बात ये है कि बॉक्स ऑफिस पर बाकी कंपटीशन और क्रिटिसिज्म के साथ साथ उनको एक बहुत बड़ी टक्कर मिलने वाली है प्रभास की मूवी सलार से। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पुष्पा का सबसे बड़ा कंपटीशन क्रिटिसिज्म या बॉक्स ऑफिस पर आई और कोई मूवी नहीं बल्कि प्रभास की सलार से होने वाला है। इन दोनों फिल्मों के बीच में काफी ऐसी चीजें हैं जो कॉमन है। पहली बात तो ये कि दोनों के दोनों साउथ के बहुत फेमस एक्टर्स हैं और बॉलीवुड में अपना नाम जमाने की कोशिश में है। वहीं दूसरी तरफ ये बात भी सामने आती है कि दोनों की मूवी साउथ इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, लेकिन सिमिलैरिटीज की लंबी लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। दरअसल दोनों मूवीज की शूटिंग तेलंगाना में हुई है और तेलंगाना के एक ऐसे जगह पर जहां पर उसको कोल माइन कहा जाता है। अब पहली बात तो ये है कि हम जानते हैं कि पुष्पा एक स्मगलर से जुड़ी कहानी है, लेकिन क्योंकि शूटिंग फिल्म की कोल सिटी जैसी जगह पर हो रही है तो हम लोग ये गैस लगा रहे हैं कि शायद सलार में भी हमको कुछ ना कुछ स्मगलिंग से रिलेटेड जरूर मिल जाए। अब अगर वही बात करें सिर्फ इन दोनों फिल्मों के बारे में तो अभी KGF भी ऐसी है जो कि गोल्ड पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रही है। तो दोस्तों, अब ऐसा नजर आता है कि फाइनली फिल्म के मेकर्स मुझे दुनिया पर राज करना है वाली थ्योरी और वाले ओपिनियन से निकलकर रियलिटी को हिट कर रहे हैं और अब जाकर ऐसी मूवीज बना रहे हैं जिनमें एक्चुअली मरना मारना जायज लगेगा। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि फिल्म की रिलीज कैसे रहेगी और बॉक्स ऑफिस पर वो कितनी टक्कर दे पाती है प्रभास की मूवी सलार को। और अगर ऐसा है तो हमको लगता है कि उनको प्रभास से ज्यादा हिट करना पड़ेगा अपनी मूवी को ताकि वो प्रभास वाले स्टैंडर्ड पे करंटली आ सके। अब सिर्फ इतना ही नहीं, खास बात ये भी है कि ऑडियंस अब हीरोज को सिर्फ हीरो के कैरेक्टर में नहीं देखना चाहती। उन लोगों को पसंद आता है कि अगर नेगेटिव कैरेक्टर को एक्सप्लोर करने का मौका मिले और सबसे खास बात यही है कि तीनों मूवीज में कहीं ना कहीं ये तीनों नेगेटिव कैरेक्टर होने वाले हैं जिनके एक्सप्लोरेशन के ऊपर ही मूवी घूमने वाली है। अब इतनी सारी सिमिलैरिटीज और आसपास की रिलीज डेट,
तो देखना होगा कि किस मूवी को कैसा ओपिनियन मिलता है लोगों से और दर्शक किसको देते हैं बेस्ट स्मगलर का ताज। तो दोस्तों, आपका इनके बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। कैसे एक बार फिर पुष्पा ने ली KGF से इंस्पिरेशन? क्या है फिल्म की नई अपडेट पर फैंस का रिएक्शन? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और स्वागत करती हूं आप सबका बॉलीग्राड स्टूडियोज में। पुष्पा अल्लू अर्जुन की अपकमिंग पैन इंडिया फिल्म है जिसमें लॉरी ड्राइवर बने अल्लू अर्जुन रेड सैंडलवुड की तस्करी करते हुए नजर आने वाले हैं। सुकुमार डायरेक्टर इस फिल्म में हमें पहली बार अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की जोड़ी को एक साथ देखने को मिलेगा। अल्लू की दूसरी फिल्मों से बिल्कुल अलग, जहां उनके डैशिंग हैंडसम अवतार में पेश होने की वजह से और उनके लुक्स की वजह से थिएटर्स में टिकट बिकती हैं, और ये एक बहुत बड़ा कारण होता है टिकट्स बिकने का। इस बार उन्हें रगेड अवतार में दिखाया जाएगा जो उनके चोर किरदार को बिल्कुल जस्टिफाई करता है। लेकिन शायद इतनी खबरों से उभरी एक्साइटमेंट मेकर्स के लिए काफी नहीं थी कि अब उन्होंने एक और हाई लेवल एक्साइटमेंट का तड़का फिल्म में डाल दिया है। क्या और कौन, जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। हम बात कर रहे हैं फिल्म से रिसेंटली जुड़े एक्टर फहाद फाजिल की। अगर आप अल्लू अर्जुन या फिर रश्मिका मंदाना के डाई हार्ड फैन हैं, तो आप उनकी पुष्पा से जुड़ी हर अपडेट तो फॉलो करते ही होंगे और आपको फिल्म में हुई इस न्यू इंक्लूजन का भी पता होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फहाद फाजिल का इस फिल्म से जुड़ना इतना स्पेशल क्यों है? वेल, इसका जवाब तो फिल्म के ऑफिशियल चैनल के रिलीज हुए वीडियो में ही मिल जाता है, जिसमें फहाद को नेशनल अवार्ड विनर और पावर हाउस ऑफ मॉलीवुड के नाम से इंट्रोड्यूस किया गया है। जैसा कि वीडियो में बताया गया है कि फहाद फाजिल को इस फिल्म में अल्लू अर्जुन के साथ एक फेस ऑफ के लिए लाया गया है, लेकिन सुकुमार इसमें प्रशांत नील वाली गलती नहीं करना चाहते, जिनकी ब्लॉकबस्टर KGF में गरुड़ा के वेरी इंटिमिडेटिंग अपीयरिंग किरदार को सिर्फ रॉकी के एक बार में ही मर जाने के लिए रखा गया था। इसीलिए वो किसी ऐसे एक्टर की खोज में थे जिनके साथ ऑडियंस को सिर्फ फेस ऑफ ही नहीं बल्कि बिगेस्ट एवर फेस ऑफ देख पाने का थ्रिल आए, और ये कोशिश काफी कामयाब होती भी नजर आ रही है। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि ये इस न्यूज से इम्प्रेस्ड फैंस का मानना है। उनका कहना है कि फाजिल और अल्लू अर्जुन का कोलैबोरेशन, वो भी सुकुमार के डायरेक्शन में, इससे बेहतर तो कोई कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता। वहीं एक और फैन ने कहा कि फहाद अपनी आंखों से भी एक्टिंग कर सकते हैं। अल्लू अर्जुन के फैंस वाकई लकी हैं कि उन्हें इन दो सितारों की टक्कर देखने को मिलने वाली है। आप हमें कमेंट में बताइए कि आप इन दोनों की टक्कर को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, और अगर आपको है पुष्पा और KGF के बीच कौन होगा इस रेस का अल्टीमेट विनर। पुष्पा अल्लू अर्जुन की अपकमिंग पैन इंडिया फिल्म है जिसका डायरेक्शन सुकुमार कर रहे हैं। इस फिल्म में नेशनल क्रश रश्मिका मंदाना को एज लीडिंग लेडी का कास्ट किया गया है। इस फिल्म को लेकर ऑडियंस में जितना क्रेज है उतना ही तनाव भी है। तनाव इसका कि KGF सीरीज के बीच जंग के विजेता का फैसला करने का। जी हाँ, दोनों फिल्मों के बीच कई कॉमन पॉइंट्स तो ऑलरेडी दर्शकों के सामने रखे जा चुके हैं, लेकिन एक बार फिर क्यों इन दोनों के तकरार को लोगों ने देखा, जानने के लिए हमारी वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। हमने अपने पिछले ही वीडियो में आपको पुष्पा से जुड़ी एक अहम खबर दी थी कि इस फिल्म के लिए म्यूजिक कंपोज करने की जिम्मेदारी वेरी पॉपुलर एंड सक्सेसफुल म्यूजिक कंपोजर देवी शंकर प्रसाद के कंधों पर डाली जा चुकी है, जिन्होंने इसका पहला गाना तैयार भी किया था, जो खबरों के अनुसार सुकुमार और अल्लू अर्जुन के बेहद पसंद आया था, और गाना जुलाई के फर्स्ट वीक में ही दर्शकों के लिए रिलीज किया जाएगा। लेकिन मुसीबत ये है कि गाने से फिर एक बार KGF फैंस और पुष्पा फैंस आमने सामने खड़े नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि KGF की सक्सेस के पीछे म्यूजिक कंपोजर रवि बसरूर का स्पेशल कॉन्ट्रीब्यूशन था, जिनकी कॉम्पोजिशन ऑडियंस को इतने पसंद आए कि हर 5 मिनट में एक आदमी का रिंगटोन में कोई ना कोई KGF का सॉन्ग हमें सुनने को मिल ही जाता था। अब इस अनाउंसमेंट में कारण लोग इसे DSP वर्सेस बसरूर की तकरार के तौर पर देख रहे हैं और जानता चाहते हैं कि दोनों में बेहतर है। जी हाँ,
आप सोच रहे होंगे कि गाने से सभी फिल्मों में होते हैं, इसमें केजीएफ कनेक्शन क्या है, लेकिन आपको बता दें कि गाना डीएसपी ने लिखा है, वो स्पेशली फिल्म में अल्लू अर्जुन के कैरेक्टर को एक्सप्लोर करेगा। जी हाँ, और वो भी एक पार पैक तरीके से। और अगर आपको याद हो तो केजीएफ में भी सलाम रॉकी भाई नाम से एक गाना रखा गया था जिसे ऑडियंस ने बेहद पसंद भी किया था, और आज भी कई बार किसी ना किसी स्वैग वाले वीडियोस में हमें वो गाना सुनने को मिल ही जाता है। इसी कारण से लोग जानने के लिए बेहद एक्साइटेड हैं कि पुष्पा का ये गाना केजीएफ के गाने को टक्कर दे पाएगा या नहीं। आपको इस बारे में क्या लगता है, और दोनों फिल्मों से आप किसको वेट देना चाहेंगे, बताइए हमें कमेंट्स में। डायरेक्टर अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना स्टारर पुष्पा ने अनाउंसमेंट के बाद से ही सबकी नजरें अपनी ओर कर रखी है। इसके बाद फिल्म के टीजर को भी फैंस का बेतहाशा प्यार मिला, जिसमें अल्लू अर्जुन के रग्ड लुक को तो खास तौर पर काफी एप्रिसिएशन मिली। फिल्म एक एक्शन थ्रिलर होने वाली है जिसमें रेड सैंडलवुड की स्मगलिंग की कहानी दिखाई जाएगी। फिल्म का क्रेज ऑलरेडी अपने एक्सट्रीम लेवल पर है, पर मेकर्स इसमें और तड़के लगाने की फिराक में है। अब क्या नया किया जा रहा है इस फिल्म में, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि किसी भी इंडियन फिल्म की सक्सेस में फिल्म के गानों का खास हाथ होता है, और खासकर अगर आपकी फिल्म में डांसिंग सुपरस्टार अल्लू अर्जुन हो जिसका एक स्टेप भी सेंसेशन बन जाता है, तब तो फिल्म के गानों पर ध्यान देना उतना ही जरूरी होता है जितना कि पूरी फिल्म पर। और इसी खास जिम्मेदारी को निभाने के लिए मेकर्स ने फेमस म्यूजिक कंपोजर देवी शंकर प्रसाद के दरवाजे खटखटाए हैं। खबरें आ रही हैं कि देवी शंकर प्रसाद ने हाल ही में फिल्म में अल्लू अर्जुन के कैरेक्टर को समझते हुए एक गाना बनाया है जिससे सुकुमार और अल्लू काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड नजर आ रहे हैं। ये सॉन्ग जुलाई के फर्स्ट वीक में दर्शकों के लिए रिलीज किया जाएगा। तो आपको बता दें कि देवी शंकर प्रसाद इससे पहले भी अनंदम, कालू सुको वालनी, मन मधुदू, वर्षम और आर्या जैसी सक्सेसफुल कॉम्पोजिशंस इंडस्ट्री को दे चुके हैं, जिसमें से आर्या तो अल्लू अर्जुन की ही फिल्म है। इस तरह इन दोनों की कोलैबोरेशन तो ऑलरेडी हिट रही है। देवी सर को इंडस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल म्यूजिक डायरेक्टर्स में गिना जाता है, और शायद यही कारण है कि सुकुमार ने अपनी पैन इंडिया फिल्म के लिए इन्हें चुना, क्योंकि इस काम के लिए ऐसे कंपोजर की जरूरत थी जिसकी धुन किसी भी इंडस्ट्री के बैरियर्स को हटाकर पूरी इंडिया की ऑडियंस पर एक जैसा ही इम्पैक्ट करे, जहां शायद शब्दों की जरूरत ही ना पड़े और सिर्फ म्यूजिक ही प्योर इमोशंस बयान कर डाले। और देवी शंकर प्रसाद ऐसी काबिलियत रखने वाले कुछ गिने चुने कंपोजर्स में से एक है। यूं तो देवी शंकर प्रसाद और सुकुमार को हमेशा ही एक किलो कॉम्बिनेशन समझा जाता है, लेकिन रीसेंट सोशल मीडिया ट्रेंड्स के कारण अल्लू के बटा बमा सॉन्ग की मैसिव पॉपुलैरिटी के बाद देवी शंकर प्रसाद के कंधों की जिम्मेदारी और भी ज्यादा बड़ी और इम्पोर्टेंट हो गई है। अब वो इसे कैसे निभाते हैं ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। तो खैर, अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और आप हमें जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आप इस धमाकेदार गाने को सुनने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, और साथ ही साथ फिल्मी दुनिया से जुड़ी ऐसी ही खबरों को जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब भी जरूर करें। आज की स्क्रिप्ट राइटर हैं उपासना पांडे। बहुत बहुत क्योंकि फिल्म पुष्पा ने मानो हर ओर तहलका मचा दिया है, खासकर फिल्म के टीजर और पोस्टर में दिखे अल्लू अर्जुन के इस नए अवतार के बाद। अल्लू अर्जुन के इस नए रफ लुक ने मानो लड़कियों को घायल कर दिया, और अगर वही बात करें लड़कों के बारे में तो उनके लिए तो स्टैंडर्ड ही रेस कर दिए हैं। वैसे भी अल्लू का नाम भारत के सबसे हैंडसम आदमियों में लिया जाता है, और उसके ऊपर से उनका ये रफ लुक तो ना जाने कितने लोगों का पत्ता काट देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस लुक के पीछे छुपा असली टैलेंट कौन है? नहीं, कोई नहीं, हम बता देंगे। तो दोस्तों, ये चीज तो आपने नोट ही की होगी कि हम कई बार एक्टर्स की तारीफ करते हैं, वाह यार
रणबीर कपूर तो पूरे संजय दत्त लग रहे हैं। यार रणबीर सिंह ने कपिल पाजी का क्या लुक लिया है, हमको तो पहचान में नहीं आया कि पा में वो अमिताभ बच्चन ही थे। लेकिन दोस्तों उसके पीछे हुई मेहनत को रिकॉग्नाइज करना हम अक्सर भूल जाते हैं, लेकिन टेंशन की बात नहीं है क्योंकि ये बॉलीग्राड स्टूडियोज की नगरी है, यहाँ किसी की भी मेहनत अनकही नहीं जाती। और इसीलिए आज हम इस रात से पर्दा उठाएंगे कि आखिर अल्लू अर्जुन के इस ट्रेंडिंग लुक के पीछे किसका हाथ है। दरअसल सोशल मीडिया पर हल्का मचा देने वाला ये लुक असल में मेकअप आर्टिस्ट और लुक डिजाइनर प्रीतिशील सिंह का देन है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने पद्मावत में खिलजी के लुक से खौफ महसूस किया था, या फिर हैदर में शाहिद के लुक पर तालियां बजाई थी, या फिर बाजीराव मस्तानी पद्मावत जैसी फिल्मों के किरदारों का लुक पाने के लिए मेकअप ट्यूटोरियल सर्च किए थे, या फिर सो नॉट आउट में ऋषि और अमिताभ सर का लुक देखकर आप भूल ही गए थे कि लोग असल में दिखते कैसे हैं, या फिर गंगूबाई काठियावाड़ी में आलिया के लुक को देखकर हैरान रह गए थे, तो आपको बता दें कि आप अनजाने में प्रीतिशील के ही टैलेंट को सहार रहे थे। जी हाँ दोस्तों, ये सारे के सारे आइकॉनिक पिक्चर्स और उनके ये आइकॉनिक लुक उन्हीं की देन है। इतना ही नहीं, मॉम, हाकरे, शिवाय, हवाई ज्यादा, हाउसफुल 3, बाला, पंगा, अंधाधुन, छिछोरे, मुल्क, पति पत्नी और वो जैसी कई ऐसी फिल्में हैं जिनकी एक लंबी लिस्ट स्टार्ट हो जाएगी अगर हम उनकी टैलेंट की बात करें तो। अब आप इन सभी लुक्स को याद कीजिए और हमें ध्यान से बताइएगा कि आपको कौन सा लुक बेस्ट लगा था। साथ ही साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर करेगा लाइक और शेयर और कर दीजिए। करने वाले हैं बॉलीवुड में डेब्यू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज के एक फ्रेश नए वीडियो में। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त श्रुति। बाहुबली के बाद मेगा ब्लॉकबस्टर हिट मूवी वैकुंठपुरम मुल्लो ने एक पैन इंडिया मूवी न होने के बावजूद 200 करोड़ का कलेक्शन किया था। अल्लू अर्जुन की पॉपुलैरिटी और उनकी लास्ट हिट मूवी और उनकी अपकमिंग फिल्म पुष्पा राज को लेकर वो काफी ज्यादा चर्चा में घिरे हुए हैं। अल्लू अर्जुन का न्यू रॉ लुक भी काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है। वहीं मूवी की स्टोरी लाइन को लेकर काफी सारे र्यूमर्स मार्केट में खड़े हो चुके हैं, जहां मूवी को सेकेंड पार्ट में रिलीज करने का सोचा गया है। और डायरेक्टर ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि इस मूवी में विलेन की एंट्री फर्स्ट मूवी पार्ट के आखिर में होगी, जिससे जाहिर होता है कि शायद मेन एक्शन फिल्म को सेकेंड पार्ट में दिखाया जाएगा। मगर बावजूद उसके फर्स्ट मूवी पार्ट के ट्रेलर में काफी ज्यादा एक्शन और तवा तोड़ फाइटिंग सीक्वेंस दिखाए गए हैं। इस मूवी में अल्लू अर्जुन का रोल एक लॉरी ड्राइवर का बताया गया है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि लॉरी ड्राइवर ज्यादा एक्शन सीन्स क्यों कर रहे हैं, ये बात भी काफी ज्यादा सुर्खियों में है। वहीं इस फिल्म की ग्लैमरस एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना एक फॉरेस्ट ऑफिसर के रोल में नजर आएंगी और साथ ही साथ अल्लू अर्जुन की लवर का रोल भी निभाएंगी। इस फिल्म की शूटिंग साउथ के अलग अलग लोकेशंस में की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अल्लू अर्जुन को पुष्पा राज मूवी में चिट्टू डायलेक्ट में फिल्म के सभी डायलॉग्स बोलने हैं, जिसके लिए अल्लू अर्जुन अलग से एक लैंग्वेज एक्सपर्ट से ट्रेनिंग ले रहे हैं ताकि वो सही तरीके से अपनी डायलॉग डिलीवरी कर पाए। पुष्पा राज एक साथ तमिल, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी लैंग्वेज में रिलीज होगी। रश्मिका मंदाना ने हाल ही में अपने एक इंस्टाग्राम लाइव सेशन में पुष्पा राज मूवी को लेकर अपने एक्सपीरियंस भी शेयर किया था। उन्होंने बताया कि पुष्पा राज में कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो कि फैंस को काफी ज्यादा खुश कर देगा और पहले कभी नहीं देखा गया होगा। रश्मिका मंदाना इस मूवी को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड भी है। उन्होंने मूवी की शूटिंग को लेकर बताया कि कोरोना पैंडेमिक के बीच में भी काफी सारी सावधानियां बरतते हुए टीम मूवी की शूटिंग कर रहे हैं। साथ ही साथ अल्लू अर्जुन के साथ काम करने में उन्हें काफी ज्यादा अच्छा भी लग रहा है। अल्लू अर्जुन की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि ही इज वेरी सिंपल एंड स्वीट एक्टर। पुष्पा राज की शूटिंग का कुछ हिस्सा तेलंगाना के मोटुगुडेम विलेज में शूट किया गया है। मूवी की शूटिंग के दौरान जब फैंस को अल्लू अर्जुन के वहां होने की खबर मिली तो उनसे मिलने के लिए उनकी सेट के बाहर काफी ज्यादा भारी मात्रा में भीड़ इकट्ठा हो गई। सभी ने अल्लू अर्जुन का बड़े प्यार से मिले और इंटरैक्ट भी किया। सेकेंड वेव के चलते पुष्पा राज की शूटिंग को काफी मुश्किल से पूरा किया जा रहा है। अभी भी उसका कुछ हिस्सा शूट करना बाकी है। बीच में 28 अप्रैल को अल्लू अर्जुन ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करके अपने कोविड पॉजिटिव होने की जानकारी भी दी थी, जिसके कारण कुछ दिन तक अल्लू अर्जुन होम क्वारंटीन थे, जिसे वहां
मूवी की शूटिंग कुछ टाइम के लिए रुक गई थी। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि फिल्म एज पर स्केड्यूल टाइम पर रिलीज कर पाना मुश्किल है। तो न्यूज रिपोर्ट के अनुसार रिलीज डेट पोस्टपोन भी हो सकती है और दूसरी रिलीज डेट दशहरा फेस्टिवल या फिर 17 दिसंबर के आसपास रखी जा सकती है। तो वहीं पुष्पा राज का पोस्टर और टीजर अल्लू अर्जुन के बर्थडे के दिन रिलीज किया गया था। लॉन्च पर अल्लू ने अपने सभी रीजन के फैंस से उन्हें ढेर सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए उनका शुक्रिया अदा भी किया। उन्होंने अपने नॉर्थ इंडियन, हिंदी और अदर रीजन के फैंस के लिए अपना ग्रेटिट्यूड इंग्लिश लैंग्वेज में बताया और साथ ही हिंदी में भी उनके कुछ शब्द बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया ने हिंदी ऑडियंस का दिल जीत लिया। उनकी स्पीच के बाद से ट्विटर पर उनके फैंस का उनके लिए प्यार बढ़ता ही जा रहा है और साथ ही नॉर्दर्न साइड में उनकी फैन फॉलोइंग भी बढ़ती जा रही है। हिंदी ऑडियंस के बीच इतना अच्छा रिस्पांस मिलने के बाद अल्लू अर्जुन की बॉलीवुड में डेब्यू को लेकर बात चल रही है। अल्लू अर्जुन ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि वो अपना बॉलीवुड डेब्यू जरूर करेंगे। उनका कहना था कि बॉलीवुड हिंदी इंडस्ट्री काफी मैसिव है और उससे काफी ज्यादा एडमायर भी किया जाता है। जिस तरह से हिंदी इंडस्ट्री के एक्टर्स साउथ फिल्म्स में डेब्यू करते हैं, फिल्म्स बनाते हैं, वैसे ही वो भी हिंदी इंडस्ट्री में ज्यादा ऑडियंस गेन करना चाहते हैं। और पुष्पा राज की इस मैसिव प्री रिलीज सक्सेस के बाद से ही उन्होंने हिंदी इंडस्ट्री में अपना फैन बेस भी बना लिया है। अल्लू अर्जुन हिंदी फिल्म्स को काफी ज्यादा पसंद भी करते हैं, जहां बाकी तेलुगु एक्टर्स अपने रीजनल इंडस्ट्री में ही रहना पसंद करते हैं। ऐसे में अल्लू अर्जुन हिंदी फिल्म्स में काम करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। उनका कहना है कि हर किसी की अपनी चॉइस है और हिंदी इंडस्ट्री का काम भी उन्हें काफी इंस्पायर करता है। फिलहाल उनका फोकस अपनी साउथ इंडस्ट्रीज की अपकमिंग मूवी पर है, सबसे ज्यादा पुष्पा राज पर है। अल्लू अर्जुन का बॉलीवुड में एज ए न्यू कमर आने के लिए फिलहाल कोई मूड तो नहीं है, मगर जल्द ही वो बॉलीवुड मूवीज में नजर आ सकते हैं। उन्होंने काफी स्क्रिप्ट्स पढ़ी हैं, मगर उन्हें अभी तक कोई खास पसंद नहीं आई। अल्लू अर्जुन को पहले अर्जुन रेड्डी में कास्ट करने के लिए अप्रोच किया गया, मगर अर्जुन रेड्डी का उस मूवी में काफी इंटेंस रोल था जिसके लिए उन्होंने मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि ये रोल उनके लिए नहीं है। आफ्टर दैट अल्लू अर्जुन की अपकमिंग मूवी पुष्प, खास बात बताएं तो दोस्तों श्रद्धा कपूर के फैंस और हिंदी सिनेमा के लिए ये बात काफी ज्यादा बेहतरीन और एक्साइटिंग हो सकती है और इसी वजह से फिल्म को काफी फेम और काफी बज मिल सकता है। तो आपका इस टेक्निक के बारे में, प्रभास की सारी फिल्मों का उनके फैंस को लंबा इंतजार रहता है, उनके फैंस पूरी कोशिश करते हैं कि उनकी हर फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हो। अब पुष्पा की ही बात कर ले तो उनके फैंस करीब 2 साल से इस पिक्चर का इंतजार कर रहे हैं, जब से इस फिल्म का पहला पोस्टर रिलीज किया गया था। आने वाले दिनों में पुष्पा का ट्रेलर भी रिलीज होने वाला है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस फिल्म में अल्लू अर्जुन के ऑपोजिट नेशनल क्रश रश्मिका मांडेना नजर आने वाली है। पुष्पा में विलेन के तौर पर फहाद फजल नजर आएंगे, साथ ही इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं सुकुमार। दोस्तों पुष्पा आज इतने ज्यादा लाइमलाइट में इसीलिए भी है क्योंकि इस फिल्म में लीड तौर पर अल्लू अर्जुन नजर आने वाले हैं और अल्लू अर्जुन का स्टारडम ही कुछ ऐसा है कि उनकी हर फिल्म में लगातार चर्चा में बनी रहती है। अगर पुष्पा सक्सेसफुल होती है तो उसका कुछ क्रेडिट अल्लू अर्जुन की मैसिव पॉपुलैरिटी को भी जाएगा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर कैसे अल्लू अर्जुन साउथ के सुपरस्टार बन गए और क्यों उन्हें साउथ का स्टाइलिश यंग आइकन कहा जाता है। अल्लू अर्जुन ने ज्यादातर काम साउथ इंडस्ट्री में ही किया है, अभी तक वो बॉलीवुड की किसी फिल्म में अपना डेब्यू करते हुए नहीं दिखे हैं। हम उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में वो जल्द ही बॉलीवुड की किसी फिल्म में भी काम करेंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं, उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था एज अ चाइल्ड एक्टर विजेता फिल्म के साथ। उन्हें बचपन से ही एक्टिंग और डांसिंग का शौक रहा था और इसी वजह से उन्हें कई एडवर्टाइजमेंट भी मिलने लगे। इसके बाद अल्लू अर्जुन को उनकी पहली फिल्म मिली जिसमें उन्होंने लीड किरदार निभाया था और वो थी गंगोत्री। गंगोत्री पिक्चर लोगों को काफी पसंद आई और इस फिल्म ने अच्छा खासा बिजनेस भी किया था। लेकिन अल्लू अर्जुन के करियर में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब उनकी फिल्म आर्या को रिलीज किया गया। आर्या को अल्लू अर्जुन के करियर का सबसे सक्सेसफुल फिल्म कहा जाता है
इस पिक्चर में उनके एक्टिंग स्किल्स की काफी सराहना हुई थी। इतना ही नहीं, आर्या पिक्चर के बाद अल्लू अर्जुन को कई अवार्ड से नवाजा गया था, जिसमें फिल्म फेयर अवार्ड भी शामिल है। अब बात करते हैं कि आखिर अल्लू अर्जुन को साउथ का स्टाइलिश सुपरस्टार क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, साउथ इंडस्ट्री में जितने भी चेहरे हैं उसमें से अगर किसी के लुक्स को सबसे ज्यादा अप्रिसिएशन मिलता है तो वो है अल्लू अर्जुन। खास तौर पर उनकी ड्रेसिंग स्टाइल को लोग काफी पसंद करते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं आने वाले दिनों में अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा रिलीज होने वाली है। इस फिल्म के लिए उनके तमाम फैंस काफी एक्साइटेड हैं। पुष्पा बेसिकली एक गैंग वॉर फिल्म होने वाली है। इस फिल्म में हमें ये देखने को मिलेगा कि कैसे सैंडलवुड की इलीगल तस्करी की जाती है और कैसे अल्लू अर्जुन फिल्म की शुरुआती दौर में एक खराब इंसान होते हैं, लेकिन बाद में उनकी जिंदगी में काफी बदलाव आ जाता है। आप पुष्पा के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अल्लू अर्जुन की मोस्ट अवेटेड अपकमिंग मूवी पुष्पा राज, जिसे सुकुमार ने डायरेक्ट किया है, जल्द ही थिएटर्स में अपना कमाल दिखाने वाली है। बावजूद इसके ऑडियंस अपनी एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रही है। इस मूवी से रिलेटेड बार बार कोई न कोई अफवाह हर बार मार्केट में नजर आती है, जिस वजह से फैंस की एक नई फैन थ्योरी बननी शुरू हो जाती है। इस मूवी के लिए जहां टॉलीवुड के हाईएस्ट पेड एक्टर्स में से एक अल्लू अर्जुन को कास्ट किया गया है, तो वहीं इस मूवी के बाकी के कास्ट एंड क्रू भी फिल्म इंडस्ट्री के टॉप मेंबर से जुड़ी हुई है। फिल्म प्रोड्यूसर ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में ये बात कंफर्म करी है कि फिल्म को दो हिस्सों में रिलीज करा जाएगा। ऐसा करने की एक बड़ी वजह ये है कि फिल्म की स्टोरी में बहुत बड़ा टाइम स्पैन दिखाया जाएगा और इस स्पैन को एक मूवी में पूरे तरीके से दिखा पाना मुमकिन नहीं है। इसलिए हीरो और डायरेक्टर ने साथ मिलकर ये डिसाइड किया है कि पुष्पा को दो पार्ट में रिलीज किया जाएगा। क्या आपको भी ये कुछ सुना सुना सा नहीं लग रहा है ना? ऐसा नहीं लगता कि पहले भी एक मूवी में ऐसा हो चुका है? जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने। मेगा ब्लॉकबस्टर बाहुबली मूवी में भी यही हुआ था। फर्स्ट पार्ट में भी बहुत बड़ा स्पैन होने की वजह से फिल्म को दो पार्ट में रिलीज किया गया। फिल्म के आखिर में फिल्म की बैक स्टोरी लाना और पूरी मूवी को रिवर्स में ले जाना, ऐसा कॉन्सेप्ट पहली बार ही किसी मूवी के जरिए दिखाया गया है। कहा जाता है कि गाना है तो मूवी सुपर हिट, और जहां इस गाने की पूरी प्रोडक्शन टॉप म्यूजिक डायरेक्टर प्रोड्यूसर और ऑस्कर विनिंग स्टार के पास हो, ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कितनी बड़ी सक्सेस इस मूवी को मिल पाती है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि ये मूवी एक पैन इंडिया मूवी होने वाली है, तो सोचने की बात है कि जहां साउथ सॉन्ग्स में इतने बड़े स्टार को हायर किया जा रहा है, ऐसे में क्या इस सॉन्ग का हिंदी में भी कोई डब वर्जन या न्यू हिंदी सॉन्ग भी लॉन्च किया जाएगा? अगर ऐसा होता है तो इसे मूवी का हिंदी ऑडियंस के साथ काफी गहरा कनेक्शन बन जाएगा। अब ऐसा करने की एक वजह ये हो सकती है कि अल्लू अर्जुन वैसे ही अपने हैंडसम और डैशिंग लुक के लिए काफी पॉपुलर हैं, और उनके हैंडसम हॉट लुक्स और पर्सनालिटी एक आम बात हो गई है। ऐसे में उनके पोस्टर में वही सेम लुक दिखा कर ऑडियंस के बीच इतना क्रेज पैदा नहीं होता जितना टॉलीवुड के मोस्ट डैशिंग स्टार अल्लू अर्जुन अपनी अपकमिंग मूवी के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है और पूरी टीम में बहुत ज्यादा जोश। फिल्म का ट्रेलर 70 मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुका है, जिससे फिल्म की पूरी टीम काफी ज्यादा खुश है। फिल्म के रिलीज से पहले ही इतनी बड़ी कामयाबी मिलना साउथ इंडस्ट्री के लिए एक आम बात होती जा रही है। मूवी के ट्रेलर में कोई डायलॉग नहीं है, सिर्फ अल्लू अर्जुन के एक्शन सीन, लुक और फाइटिंग सीक्वेंसेस ने काफी तहलका मचा दिया। इस मूवी को मिरर फॉरेस्ट में शूट किया गया है, जहां हाई पुलिस फोर्स और कंप्लीट सिक्योरिटी ने इस फिल्म पर काम किया गया था। क्या आप जानते हैं कि इंटरनेशनल फिल्म क्रू को साउथ के एक्शन सीन्स काफी ज्यादा पसंद आते हैं, और साथ ही साथ शायद से इंटरनेशनल ऑडियंस को भी लुभाने के लिए पुष्पा राज की कैमरा हैंडलिंग के लिए चूज किया गया है पॉलिश कैमरामैन मीरस्लाव कुबर प्रोजेक्ट को। जी हाँ दोस्तों, मीरस्लाव को इंडिया में पीसी श्रीराम ऑफ पोलैंड कहा जाता है। पीसी श्रीराम इंडिया के री ओन्ड सिनेमाटोग्राफर्स में से एक है, जो कि मोस्टली तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री इवेंट्स में काम करते हैं। मीरस्लाव इससे पहले क्या नीडम मूवी, जिसको विक्रम कुमार ने डायरेक्ट किया था, उसके लिए एज अ कैमरा पर्सन काम कर चुके हैं। उस फिल्म में मीरस्लाव के काम से इम्प्रेस होकर ही सुकुमार ने अपनी अपकमिंग फिल्म पुष्पा राज के लिए उन्हें हायर किया। मीरस्लाव भी फिल्म में हिस्सा बनने का ये मौका पाकर खुश नजर आ रहे हैं, और फैंस भी ये खबर सुनने के बाद काफी ज्यादा खुश थे। लेकिन ये खुशी ये पल ज्यादा समय तक नहीं रह पाई थी। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक खबरों के अनुसार कोरोना पैंडेमिक की वजह से वो वापस जा रहे हैं
और उन्हें रिप्लेस करने की बातें चल रही हैं। बता दे कि अल्लू अर्जुन नीरज लॉ के साथ काम करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है और ये एक्साइटमेंट नीरज लॉ के एफर्ट्स में भी दिख रही थी। ट्रेलर लॉन्च के दौरान नीरज लॉ ने फिल्म की काफी तारीफ भी की थी और फिल्म के हर इवेंट का, चाहे वो फिल्म शुरू करने से पहले हो या फिर कई पूजा सेरेमनी हो या फिर फिल्म का सेलिब्रेशन क्यों ना हो, उसका हिस्सा जरूर बनते थे। नीरज लॉ तेलुगु इंडस्ट्री से अटैच हो चुके हैं लेकिन अब उन्हें जाना पड़ रहा है इंटरनेशनल ट्रैवल में सेफ्टी बनी रहने के लिए, इसलिए सभी रेस्ट्रिक्शन और गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए उनको एक सेफ ट्रैवल जोन में रखा हुआ है। ये एग्जिट फिल्म पर गहरा असर डाल सकती है क्योंकि फिल्म के टीजर से ही फिल्म का गहराई और थ्रिल का काफी फर्क चलता है। अब क्या न्यू कैमरामैन इस लेवल को मैच कर पाएगा? तेलुगु सिनेमा में आजकल फॉरेन सिनेमाटोग्राफर्स को अप्रोच करने के ट्रेंड चल रहा है जिससे फिल्म की विजुअल क्वालिटी और ज्यादा रिच रूप सामने आती है। अभी तक यूरोपियन पॉलिश सिनेमाटोग्राफर अपना कमाल दिखा चुके हैं तेलुगु फिल्म्स में। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले ये कोशिश पुष्पा राज के लिए भी हुई थी लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाई। अब क्या नया काम है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में? अल्लू अर्जुन की अपकमिंग फिल्म पुष्पा ने अपने अनाउंसमेंट के बाद से ही मीडिया में सनसनी मचा रखी है। कभी फिल्म की हीरोइन तो कभी फिल्म का विलन, कभी फिल्म के दो पार्ट्स तो कभी फिल्म का गाना, फिल्म आए दिन किसी न किसी कारण से हेडलाइंस में रहती है। इन सारी अपडेट्स की इन्फॉर्मेशन तो हम आपको अपनी पिछली वीडियोस में दे ही चुके थे लेकिन आज हम वो बेसिक इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे जिसका जवाब तो सब जानना चाहते हैं लेकिन पता किसी को नहीं है। ऐसी कौन सी सीक्रेट खबर जानने के लिए हमारी वीडियो को एंड तक देखें और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जब से फिल्म की अनाउंसमेंट हुई है एक सवाल ने सबके मन में भर कर रखा है, आखिर फिल्म का नाम पुष्पा ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं? क्या इसके पीछे कोई सीक्रेट वजह है? इस बारे में कई थ्योरी भी थी। कुछ के अकॉर्डिंग पुष्पा फिल्म में अर्जुन की माँ का नाम पुष्पा हो सकता है जिससे वो बेहद प्यार करते होंगे और उनकी मौत के बाद ही इसीलिए उनकी यादों को हमेशा अपने साथ रखने के लिए उन्होंने अपना नाम पुष्पा ही रख लिया। तो कुछ का कहना है कि क्या पता कि लीडिंग लेडी रश्मिका का नाम, स्पेकुलेशन की हद तो तब तक हो गई जब उन्होंने ये कहा कि क्या पता डायरेक्टर सुकुमार राजेश खन्ना के बड़े फैन इसीलिए ये नाम रख दिया गया, यू नो पुष्पा आई हेट यस। पर हमने ये गुत्थी सुलझा ही ली। एक्चुअली इस नाम के पीछे बड़ा ही सिंपल सा कारण है, जितना डीप में जाकर फैंस ने सोचा उतनी मेहनत मेकर्स ने नहीं की। फिल्म में अल्लू अर्जुन के कैरेक्टर का नाम पुष्पक नारायण रखा गया जिन्हें सब प्यार से पुष्पा बुलाते हैं और इसी वजह से फिल्म के लिए इस टाइटल को चुना गया। आफ्टर ऑल पूरी कहानी इस किरदार के इर्द गिर्द घूमेगी। बता दें कि इससे पहले फिल्म का नाम शेषाचलम रखा जाने वाला था क्योंकि ये पूरी कहानी शेषाचलम में प्रोमिनेंट स्मगलिंग पर बेस्ड है। अगर ऐसा होता तो पुष्पा और केजीएफ में एक और सिमिलैरिटी हो जाती क्योंकि केजीएफ का भी ये नाम इसलिए रखा गया क्योंकि पूरी कहानी इस पर बेस्ड थी, केजीएफ पर किसका राज होगा। शायद इसी चीज को अवॉइड करने के लिए सुकुमार ने शेषाचलम को पुष्पा कर दिया। इससे फिल्म का टाइटल काफी कैची भी हो गया और इंक्लूसिव भी और क्यूरियोसिटी लगाने वाला हो गया। खैर ये तो हमारी अर्जुन फैंस के लिए बेहद खास। हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, स्वागत है आप सभी का बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। तो दोस्तों आज बात करेंगे आज के फैंस के बहुत ज्यादा फेवरेट और मोस्ट स्टाइलिश एंड डैशिंग एक्टर अल्लू अर्जुन की मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी पुष्पराज के बारे में। दोस्तों पुष्पराज का टीजर जब से रिलीज किया गया है और अपने बर्थडे पर टीजर के सक्सेसफुल लॉन्च पे जब से अल्लू अर्जुन ने अपने नॉर्थ इंडियन फैंस और अदर स्टेट फैंस के लिए इंग्लिश में स्पीच देते हुए और हिंदी में उनके लिए कुछ शब्द कहते हुए उन्हें धन्यवाद कहा है और इतने सपोर्ट के लिए उनके शुक्रगुजार हुए हैं, तभी से ही दोस्तों नॉर्थ साइड में भी अल्लू अर्जुन का क्रेज दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। दोस्तों अल्लू अर्जुन की अपकमिंग इस ड्रामा एक्शन फिल्म में सुकुमार और उनके म्यूजिक कंपोजर देवीश्री प्रसाद के साथ उनका काफी टाइम बाद कोलैबोरेशन हुआ है। इससे पहले सुकुमार और अल्लू ने साथ में दो ब्लॉकबस्टर मूवीज करी थी जो कि थी आर्य और आर्य का सेकंड सीक्वल आर्य 2। और ये बात सभी जानते हैं कि स्टाइलिश एक्टर अल्लू अर्जुन को आर्य मूवी ने रातों रात सुपर सेंसेशन बना दिया था। दोस्तों पुष्पराज को लेकर हर दिन एक मार्केट में नई अफवाह सुनने को मिलती है। मूवी की स्टोरी लाइन एक रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड है। रिसेंटली आ रही खबरों के अनुसार अल्लू अर्जुन इस मूवी में डबल रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सोर्सेज की माने तो जहाँ अल्लू अर्जुन का एक किरदार स्मगलर के रूप में नजर आएगा तो वहीं दूसरा किरदार बिजनेसमैन के तौर पर दिखाया जा सकता है। अब दोस्तों पुष्पराज के नए और पुराने पोस्टर्स को देखकर अल्लू अर्जुन के अलग अलग रूप्स पर उनके डबल रोल होने की अजम्पशंस लगाई जा रही है।
ट्विटर पर एक पोस्टर को लेकर एक फैन ने अल्लू अर्जुन के डबल रोल होने की बात कही थी। दोस्तों इस बात पर अभी तक डायरेक्टर सुकुमार ने कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है कि आखिर ये बात सच है या झूठ। अगर इस बात को सही माने तो हो सकता है कि फिल्म में विलन और एक्टर दोनों का रोल अल्लू अर्जुन साथ में निभाते हुए नजर आए। अब दोस्तों सोचिए जरा, जैसे बॉलीवुड मूवी डॉन में हुआ था जिसमें असली डॉन तक पहुंचने के लिए पुलिस वालों ने एक नकली उसी के जैसे दिखते हुए गरीब आदमी को उनकी गैंग में डॉन बनाकर भेज दिया। तो दोस्तों कुछ ऐसी ही कहानी इस बार पुष्पराज में रिपीट तो नहीं की जाएगी। स्ट्रॉन्ग यूमर्स की बात की है कि अल्लू अर्जुन का दूसरा रोल एज अ बिजनेसमैन होगा। अब दोस्तों हो सकता है कि उस बिजनेसमैन की सच्चाई पता लगने के लिए लॉरी ड्राइवर अल्लू अर्जुन को बिजनेसमैन बनाकर वहां भेज दिया जाए जहां से उनके धंधे को ऑपरेट किया जाता हो। और अब दोस्तों यूमर्स में कितनी सच्चाई है वो तो अब फिल्म मेकर्स क्लियर करेंगे, तभी पता चलेगा, वरना मूवी रिलीज होने का तब तक इंतजार करना पड़ेगा सभी को। और दोस्तों इन सभी खबरों से अल्लू अर्जुन के फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। अब दोस्तों बात करें कि अगर अल्लू अर्जुन अपने फैंस के लिए कितने खास क्यों हैं, तो उसका जवाब आप जल्द ही खुद समझ जाएंगे। दोस्तों एक इंटरव्यू के दौरान अल्लू अर्जुन ने बताया कि फैंस के साथ साउथ मूवी इंडस्ट्री के एक्टर्स का कनेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहता है। दे ऑल ट्रीट ईच अदर लाइक फैमिली, ये दोनों ही एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं और फिल्म स्टार फैंस के बिना कुछ नहीं है। इसलिए साउथ में देखा जा सकता है कि अल्लू अर्जुन की फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा बड़ी है। अपने क्लोज फ्रेंड और साथ ही साथ उनके फैन के फ्यूनरल में वो खुद उनके घर गए थे। बॉलीवुड स्टार्स या एक्टर्स के मुकाबले अपने फैंस के साथ ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं और यही वजह है कि नॉर्थ इंडिया में भी साउथ एक्टर्स इस नेचर की वजह से उनकी ब्लॉकबस्टर होने वाली थी, लेकिन कोविड-19 के चलते अभी अपनी तय तारीख में रिलीज नहीं हो पाएगी। फिल्म का इंतजार कर रहे फैंस को अभी 3-4 महीने और इंतजार करना है, क्योंकि 99% ये फिल्म 17 दिसंबर 2021 को जरूर रिलीज होगी। इस फिल्म की कहानी को लेकर भी काफी सारे रूमर्स फैल रहे थे, सब अपने अपने तरीके से कहानी अज्यूम करने लगे थे। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, शुरुआत में अल्लू अर्जुन एक बिजनेसमैन के रोल में नजर आएंगे। अल्लू अर्जुन अपनी अपकमिंग फिल्म पुष्पा को पैन इंडिया सुपरहिट बनाने के लिए क्या क्या तैयारियां कर चुके हैं, कौन होने वाला है इस फिल्म में विलन, क्या होने वाली है फिल्म की खास बातें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जयल। अल्लू अर्जुन की अपकमिंग फिल्म पुष्पा की भयंकर बस बन चुकी है और पहली बार अल्लू अर्जुन हमें सीधा बड़े पर्दे पर नजर आएंगे। अब तक जब हम उन्हें टीवी में देखते थे, उनकी फिल्मों को फोन पे देखते थे, लेकिन अब थिएटर वाला मजा लेना होगा, तो मजा तो आएगा ही। इसके अलावा आपको बता दें कि अल्लू अर्जुन ने भी कमर कस ली है और उन्होंने सोचा है कि वो जमकर प्रमोशन करेंगे, जो कि हमने कहा भी था कि अगर इसका प्रमोशन अच्छे से हो गया तो ये बहुत ज्यादा सुपरहिट रहेगी, क्योंकि जो हिंदी ऑडियंस है बार बार इन्हें खबरें देनी पड़ती है कब फिल्म रिलीज हो रही है, तो प्रमोशन अच्छा खासा होना चाहिए। इसीलिए हिंदी ऑडियंस के लिए स्पेशली अल्लू अर्जुन मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में वैसे फैन फॉलोइंग कम नहीं है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो अल्लू अर्जुन ने पूरी जान झोंक दी है। एक पीआर टीम उन्होंने रखी है जो कि अब सारे इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, प्रमोशनल इवेंट, साथ ही जितने भी ये बॉलीवुड के चैनल है उनमें इंटरव्यू देते हुए नजर आएंगे अल्लू अर्जुन। साथ ही आपको बता दें कि एक खबर ये भी है कि कपिल शर्मा शो में भी इस फिल्म का प्रमोशन हो सकता है। तो सोचिए अल्लू अर्जुन अगर कपिल शर्मा शो में पहुंच गए तो कितना भयंकर मजा आने वाला है दोस्तों। ये बात वाकई बहुत बड़ी एक्साइटमेंट भरी है। और इसके अलावा आपको बता दें कि फिल्म की स्टार कास्ट भी बहुत तगड़ी है। रश्मिका मंदाना इसमें नजर आने वाली है, विजय सेतुपति है, और अब विलन का नाम भी रिवील कर दिया गया है, सूर्या, जो कि अल्लू अर्जुन के साथ और भी फिल्मों में नजर आ चुके हैं, तो वो विलन का किरदार करने वाले हैं। साथ ही सुकुमार इसे डायरेक्ट करने वाले हैं, जो कि अल्लू के साथ पहले भी काम कर चुके हैं। तो बहुत सारी जोड़ियां रिपीट हो रही है एक हिसाब से लगाया जाए। और सैंडलवुड जो लकड़ी है उसकी स्मगलिंग करते हुए दिखाई देंगे अल्लू अर्जुन। उनकी जो तस्वीरें सामने आई है वो दिखाती हैं कि 80s से 90s का ये एरा है, जिसमें कि अल्लू अर्जुन की जो शर्ट है, चेक शर्ट दिख रही है, बेल बॉटम पैंट्स दिख रहे हैं, साथ ही उनके हाथ में स्टील की घड़ी है जो कि 80s के दौर में पहनी जाती थी, तो उसी टाइम का ये दिखाया जाएगा। आंध्र प्रदेश के जंगलों में फिलहाल इसकी शूटिंग चल रही है और बहुत कुछ खास है, जैसे कि अल्लू अर्जुन का लुक जो कि कर्ली हेयर उन्होंने कैरी किए हैं, और जितनी भी फोटो तब से उनकी सामने आ रही है उसमें अलग ही ऑरा उनका दिख रहा है, बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव अल्लू अर्जुन नजर आ रहे हैं, और फिल्म में भी इसी तरह का धमाल मचाते हुए नजर आएंगे। फिल्म में एक्शन बहुत भरपूर होने वाला है। तो दोस्तों आपको कितना इंतजार है अल्लू अर्जुन की अपकमिंग फिल्म पुष्पा का, ये जरूर बताइए। और ये नॉर्थ में कितना बड़ा धमाका मचाएगी, आपको क्या लगता है बॉक्स ऑफिस के लिहाज से, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिएगा। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए
इतनी सी बात के लिए इतना वायलेंस? मेरी यही प्रॉब्लम है सर, मारता ज्यादा हूँ गिनता कम, गिनकर मारने के लिए ये कोई डाइटिंग थोड़ी है, फाइटिंग है। ऐ सर मैं ऐसा ही हूँ, भूख लगती है तो पेट भर खाता, नींद आती है तो जी भर सोता और गुस्सा। अल्लू अर्जुन की अपकमिंग फिल्म पुष्पा कितने करोड़ का कलेक्शन कर सकती है, क्या ओपनिंग रह सकती है पुष्पा की, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन क्या रहेगा और कितने बजट में बनाया जा रहा है पुष्पा को? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जाल। बात करेंगे साउथ के स्टाइल स्टार अल्लू अर्जुन की, जिनकी अपकमिंग फिल्म है पुष्पा और बहुत ज्यादा बज इस फिल्म के लिए बन गया है जब से उनके लुक शेयर किए गए हैं और शूटिंग से भी एक वीडियो लीक हो गया था, कुछ तस्वीरें लीक हो गई थी। इस फिल्म को सुकुमार डायरेक्ट कर रहे हैं लेकिन सुकुमार बिल्कुल नहीं चाहते कि जो शूटिंग लोकेशन है उसके एक भी फोटो वायरल हो और लीक हो, इसीलिए उन्होंने कड़ी सिक्योरिटी रख दी है और जिसने भी ये लीक किया है तस्वीर उसके पीछे उन्होंने लोग लगा दिए हैं कि आखिर कौन ऐसा कर रहा है, क्योंकि वो इसे सीक्रेट रखना चाहते और एकदम से धमाका मचाना चाहते हैं। इसके अलावा आपको बता दें पुष्पा का बजट भी हाई रखा गया है, 150 करोड़ का इसका बजट होने वाला है। पैन इंडिया ये फिल्म है यानी कि 5 भाषाओं में रिलीज की जाएगी और पहली बार अल्लू अर्जुन हमें हिंदी में भी बड़े पर्दे पर नजर आएंगे। तो बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन की अगर हम बात करें तो अभी से अनुमान लगाया जा सकता है कि अच्छी खासी ओपनिंग देगा। हिंदी की अगर हम बात करें और 100% ऑक्यूपेंसी रही थिएटर्स में, अगर पेंडेमिक सही हो गया एकदम और लोग आने लगे थिएटर्स में, तो ये फिल्म हिंदी में 25 करोड़ का ओपनिंग आराम से देगी, ये 30 करोड़ भी हो सकता है, और 60 करोड़ का अगर हम बोले अलग भाषाओं से जो बाकी भाषाओं में रिलीज हो रही है उससे 60 करोड़ ये ऑक्यूपाई कर ही लेगी, इतना कलेक्शन ये कर ही लेगी। खाली हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में ये टोटल कलेक्शन, ओवरऑल कलेक्शन की बात करें तो 200 से 250 करोड़ ये फिल्म आसानी से कमा लेगी। वर्ल्ड वाइड की बात करें तो 20 करोड़ का ये ओवरसीज कलेक्शन करेगी पहले दिन, तो इस हिसाब से लाइफ टाइम कलेक्शन की हम बात करें तो वर्ल्ड वाइड ये 150 करोड़ की कमाई कर सकती है। हिंदी तमिल तेलुगु से ये 300 करोड़ कमा लेगी और 200 करोड़ हो गया हिंदी में। तो दोस्तों इस हिसाब से अगर हम टोटल लाइफ टाइम कलेक्शन की बात करें तो 500 करोड़ की कलेक्शन आराम से पुष्पा कर लेगी, इससे ज्यादा भी हो सकता है क्योंकि अल्लू अर्जुन के जो फिल्में हैं उनका हिंदी फैंस को भी इंतजार रहता है और वर्ल्ड वाइड भी उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा अच्छी है। तो इस तरह का कलेक्शन अगर आता है तो वो हैरानी की बात नहीं होगी, क्योंकि अल्लू की जितनी भी फिल्में आती हैं वो ऑलरेडी YouTube पे धमाल मचाती है, उनका हिंदी डब जो वर्जन आता है वो सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है व्यूज के मामले में भी और फैन फॉलोइंग काफी तगड़ी है। इसके अलावा उनके अपोजिट इसमें रश्मिका मंदाना नजर आने वाली है और इनकी केमिस्ट्री ऑलरेडी बहुत ज्यादा पसंद की जाती है फिल्मों में, तो दोस्तों इतना तो ये तय है कि ये फिल्म धमाल ही मचा पाएगी। और सैंडलवुड जो लकड़ी होती है उसकी स्मगलिंग करते हुए दिखाया जाएगा, विजय सेतुपति इसमें होने वाले हैं। एक और विलन का नाम सामने आ चुका है, वो है आर्या, और आर्या अल्लू अर्जुन के साथ और फिल्मों में भी नजर आ चुके हैं। तो आपको क्या लगता है कितना करोड़ का ये कलेक्शन कर लेगी और कितना इंतजार है इस फिल्म का? नीचे अपने किस नए अंदाज से चौंकाने वाली हैं रश्मिका दर्शकों को, क्या इस नए किरदार से बदल जाएगी अभिनेत्री की छवि और क्यों एक बार फिर रुकी अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा की शूटिंग, क्या थी बड़ी वजह इसके पीछे? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पलक गुप्ता है और मैं आपका स्वागत करती हूँ बॉलीग्राड स्टूडियोज में। आज इस वीडियो में हम फिल्म पुष्पा से जुड़े कुछ नए अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अपनी खूबसूरती और क्यूटनेस की वजह से हर जगह छा रही हैं कन्नड़ अभिनेत्री रश्मिका मंदाना, कभी अपने दिल पिघला देने वाली तस्वीरों की वजह से तो कभी अपने जिम वर्कआउट की वीडियो से, लेकिन जल्द ही अब ये ग्लैमर डॉल अपना काया पलट करने जा रही हैं अपनी एक खास फिल्म के लिए। तो क्या आप तैयार हैं उन्हें एक ऐसे रूप में देखने के लिए जिसे शायद ही पहले आपने देखा हो? रश्मिका जल्द ही अल्लू अर्जुन की हीरोइन बनने जा रही हैं और दोनों की ये साथ में पहली फिल्म होगी। फिल्म का शीर्षक है पुष्पा, जो फिल्म में अल्लू अर्जुन के किरदार का नाम भी रहेगा और ये फिल्म आंध्र प्रदेश के जंगलों से लाल चंदन की स्मगलिंग की कहानी पर आधारित है। अल्लू अर्जुन का बीहड़ लुक पहले ही सोशल मीडिया पर काफी चर्चे में रहा है। अल्लू अर्जुन जिन्होंने बचपन में ही अपना एक्टिंग करियर चिरंजीवी जैसे बड़े सितारों के साथ फिल्म डैडी से शुरू कर दिया था, वहीं रश्मिका चाहे इस फील्ड में नई हो लेकिन अपने काम से अव्वल है अभिनेत्री। 24 साल की इस अभिनेत्री ने अपनी पहली ही फिल्म किरक पाची से वाह वाह बटोरी थी, जिसके बाद उन्होंने महेश बाबू के साथ सरीलेरू निक्की वेरू और भीष्मा जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी।
फिल्म पुष्पा में रश्मिका के किरदार की बात करें तो ये पहली बार होगा जब रश्मिका ऐसे अवतार में दिखेंगी। हमेशा ग्लैमरस अंदाज में देखी गई अभिनेत्री अब करने जा रही है गांव की गोरी का किरदार। फिल्म में वे गांव की एक गरीब लड़की के अंदाज में दिखेंगी, जिसके लिए उन्हें नॉन ग्लैमरस रूप में दिखाया जाएगा। रश्मिका और अल्लू अर्जुन की दोनों ही फिल्म में आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले की चित्तौरी भाषा में बोलते हुए दिखेंगी, जिसके लिए वो प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। वहीं केजीएफ की शीना यानी श्रीनिधि शेट्टी के बाद अब कन्नड़ ब्यूटी भी चल पड़ी है तमिल सिनेमा की तरफ। जल्द ही रश्मिका तमिल फिल्म सुल्तान में कार्ती के साथ दिखाई दे सकती हैं। और क्या आप जानते हैं शाहिद कपूर की आगामी फिल्म जोसी में मृणाल ठाकुर से पहले रश्मिका को फिल्म में मृणाल वाला किरदार ऑफर हुआ था, लेकिन उन्होंने फिल्म को करने से मना कर दिया। मगर चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि कोई जिनकी निगाहें टिकी हैं सुंदर और टैलेंटेड एक्ट्रेस पर, जी हाँ, संजय लीला भंसाली, जिन्होंने ऐश्वर्या राय का फिल्मी करियर फिल्म हम दिल दे चुके सनम और देवदास से बदला। वहीं दीपिका पादुकोण की फिल्म गोलियों की रासलीला, रामलीला, बाजीराव मस्तानी और पद्मावत ने दीपिका के करियर को ऐसी किक दी जो शायद सलमान अपनी फिल्म किक में न ढूंढ रहे थे। वहीं अब संजय लीला भंसाली अपनी नई फिल्म के लिए हीरोइन ढूंढ रहे हैं और ये खोज शायद अब रश्मिका पर आकर रुक गई है। फिल्म का ऐलान कब किया जाएगा और फिल्म क्या क्या शीर्षक के साथ आएगी अभी तक बताया नहीं गया है। अल्लू अर्जुन फिल्म पुष्पा के डायरेक्टर सुकुमार के साथ अपनी सबसे पहली सुपरहिट फिल्म आर्या कर चुके हैं और पुष्पा को मैत्री मेकर्स बैनर्स बैरोल के कर रहे हैं। और जो अल्लू अर्जुन और डायरेक्टर कौरतला शिवा के साथ फिल्म #AA21 से भी जुड़ गए हैं। फिल्म पुष्पा डायरेक्टर सुकुमार, अल्लू अर्जुन और रश्मिका के बीच एक ऐसी कड़ी है जिसने चारों को जोड़ के रखा है। और ये फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर देवश्री प्रसाद हैं, जिन्होंने कई तेलुगु हिट गाने दिए हैं। वहीं आपको उर्वशी रौटेला का गाना डैडी मम्मी है नहीं घर पे याद है, उस गाने के म्यूजिक डायरेक्टर ही भी प्रसाद ही है। सुकुमार की रामचरण के साथ हिट फिल्म रंगस्थलम में भी देवश्री प्रसाद का साथ था और रश्मिका की कई फिल्मों में भी प्रसाद ने म्यूजिक डायरेक्ट किया है। एक इंटरव्यू के दौरान म्यूजिक डायरेक्टर देवी श्री प्रसाद रश्मिका की नकल करते हुए भी देखे गए। वहीं फिल्म से जुड़ी खास बात यह है कि फिल्म की शूटिंग एक बार फिर रोक दी गई है। फिर फिल्म की शूटिंग काफी जोरों शोरों से चल रही थी और पुष्पा को इस साल की शुरुआत में लॉन्च किया गया था। अल्लू अर्जुन स्टारर पुष्पा के निर्माताओं ने टीम के कुछ सदस्यों को कोरोना वायरस में पॉजिटिव पाया गया। इसके बाद फिल्म की शूटिंग तुरंत रोक दी गई और सेट पर सभी की सुरक्षा और सावधानियों को ध्यान में रखते हुए निर्माताओं ने जनवरी तक शूट स्थगित करने का फैसला किया है। तो क्या बनेंगी रश्मिका भंसाली की हीरोइन? कहीं फिल्म पुष्पा KGF 2 से क्लैश तो नहीं करेगी? आपको क्या लगता है हमें अपने जवाब कमेंट्स करके जरूर बताएं। वहीं अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को। इस वीडियो की स्क्रिप्ट सुनने घबराने की कोई जरूरत नहीं, मेरे बेटे की एंट्री मतलब। अल्लू अर्जुन स्टारर पुष्पा फिल्म की स्टोरी को लेकर कुछ क्रेजी फैन थ्योरीज क्या है। साउथ इंडियन सिनेमा अपनी बेहतरीन फिल्म्स के साथ तेजी से पॉपुलैरिटी और एक ब्रॉडर फैन बेस गेन करता जा रहा है और इस सक्सेस के पीछे फैक्टर्स है इनकी यूनिक एंड एंटरटेनिंग स्टोरीज और फिल्म मेकिंग के हर एक एलिमेंट्स को बड़ी बारीकी से फॉलो करना, फिर चाहे वो सिनेमेटोग्राफी हो, एक्टिंग एंड डायरेक्शन एंड फॉर दैट मैटर बजट हो। इस एफर्ट का रिजल्टेंट है कमाल का सिनेमा जिसके काफी चाहने वाले हैं। तो हम सेफली ये कह सकते हैं कि कंटेंट के मामले में अब बस बॉलीवुड ही नहीं बल्कि साथ में ही कई रीजनल सिनेमा भी रेस में आ चुके हैं और कई केसेस में तो बॉलीवुड से बढ़िया कंटेंट परोस रहे हैं। हर तबके से जुड़े लोग अब साउथ सिनेमा की तरफ देखने लगे हैं और इसकी बदौलत साउथ स्टार्स की फैन फॉलोइंग अलग लेवल्स पर पहुंच चुके हैं। पर इधर उधर ज्यादा ना भटक के सीधे आते हैं मुद्दे पर। स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन की और कनाडा क्रश रश्मिका मंदाना की मच अवॉइटेड फिल्म पुष्पा रिलीज होने जा रही है अगस्त में और एज एक्सपेक्टेड इस तेलुगु फिल्म की एंटिसिपेशन आसमान छू रहा है। फिल्म का प्लॉट ब्रीफली बताए तो ये होगी रेड सैंडलवुड की तस्करी पर बेस्ड, जिसमें अल्लू अर्जुन इसी धंधे में काम कर रहे हैं एक लॉरी ड्राइवर होंगे। अफसोस प्लॉट के बारे में हमें इससे ज्यादा नहीं पता और मेकर्स ने भी इस मामले में चुपी सद रखी है। पर जिस देश में इतनी क्रिएटिव ऑडियंस हो वहाँ क्रेजी थियोरीज की क्या कमी हो सकती है, इसलिए जनता अपनी तरफ से फिल्म के प्लॉट को प्रेडिक्ट करने में जुट गई है और कुछ कमाल की स्टोरीज निकाल के सामने आ रही है। तो देर किस बात की, आइए डाइव लगाते हैं कुछ ऐसी ही फिक्शनल टेल्स में जो फैंस की देन है।
पहली एक स्टोरी जो काफी दिनों से इंटरनेट के चक्कर लगा रही है वो है कि फिल्म की फीमेल लीड यानी रश्मिका मंदाना का कैरेक्टर है पुष्पा और प्लॉट इसी के अराउंड रिवॉल्व करता है। पुष्पा एक फॉरेस्ट ऑफिसर है और लीड हीरो अल्लू अर्जुन का लव इंटरेस्ट है। पुष्पा का हो जाएगा कत्ल और मारने वाले गुंडों का कोई अता पता नहीं होगा। अब अपना हीरो बदला लेने के लिए रेड सैंडलवुड की तस्करी करने वाला लोरी ड्राइवर बन जाएगा। फिर इसके बाद तो स्टोरी पूरी प्रतिशोध की ज्वाला टाइप बन जाएगी जहां वो मौत का बदला लेने में लग जाएगा। इस फिल्म के फर्स्ट पोस्टर सामने आने के बाद लगा तो ऐसा था कि बनी यानी अर्जुन इस फिल्म में एक ग्रे शेड में दिखेंगे, पर इनकी पिछली फिल्मोग्राफी को देखकर इसके चांसेस कम लग रहे हैं। बढ़ते हैं अपनी दूसरी फैन थ्योरी की तरफ। इसमें अल्लू अर्जुन और रश्मिका के कैरेक्टर की तो पहले से शादी हो चुकी है, पर इसमें कॉन्फ्लिक्ट होगा अर्जुन की बहन के साथ जिसका हो जाएगा मर्डर। अब अल्लू मर्डर का पता लगाते हुए फॉरेंसिक रिपोर्ट की मदद से इस कॉन्क्लूशन पे पहुंचेगा कि बंदा कोई ऐसा है जो रहता है रेड सैंडलवुड के फॉरेस्ट में, इसलिए अल्लू अर्जुन खुद भी रेड सैंडलवुड का स्मगलर बन जाएगा और लोरी चलाएगा। इसी लुक में वो विलेन के करीब पहुंच जाएगा जो सैंडलवुड स्मगलर माफिया हेड होगा और जिसने उसकी बहन को इसलिए मारा होता है कि इस धंधली का पता चल जाता है अपने फॉरेस्ट प्रोजेक्ट पे काम करते हुए। तो एंड में होता है घमासान युद्ध और विलेन की हार के साथ स्टोरी समाप्त। बस यही नहीं बल्कि स्टोरी को लेकर जितने मुंह उतनी बातें हैं, पर असली स्टोरी जा रही है अल्लू अर्जुन की अपकमिंग फिल्म पुष्पा। उनका नया पोस्टर इस फिल्म के लिए आपकी एक्साइटमेंट कैसे बढ़ा देगा? क्या होने वाली है पुष्पा की खास बातें? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉडीग्राफ स्टूडियोज, मैं सोनिका जयाल। अपने जन्मदिन के मौके पर अल्लू अर्जुन ने सबको सरप्राइज दिया था, पुष्पा की घोषणा की थी और बताया था कि ये पैन इंडिया फिल्म होने वाली है, यानी कि पहली बार अल्लू अर्जुन हमें हिंदी में भी दिखेंगे और हिंदी दर्शक जो है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए अपने सुपरस्टार को बड़े पर्दे पर देखने के लिए, क्योंकि साउथ समेत नॉर्थ में भी अल्लू अर्जुन की तगड़ी फैन फॉलोइंग है। मेकर्स द्वारा अल्लू के जन्मदिन के मौके पर अलग अलग भाषाओं में फिल्म का पहला लुक भी शेयर किया गया था, जिसमें कि अल्लू अर्जुन बहुत ज्यादा अमेजिंग लग रहे थे। सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा पसंद भी उन्हें किया गया था और लुक के पीछे मेकअप आर्टिस्ट और लुक डिजाइनर प्रतिशील सिंह का हाथ था, जो कि बहुत सारी फिल्मों के लिए ऑलरेडी अवार्ड जीत चुके हैं। और प्रतिशील ने हैदर, मॉम, 102 नॉट आउट, ठाकरे, शिवाय, हवाई ज़्यादा, हाउसफुल 3, बहुत सारी फिल्मों में मेकअप आर्टिस्ट वो रहे हैं, जादू चलाया अपने मेकअप का। और इस फिल्म में भी उनको लुक देने के लिए प्रतिशील बहुत ज़्यादा मेहनत करी है उन्होंने और ये लुक सामने भी दिखता है। अब तक बहुत सारे लुक शेयर किए गए है, लेकिन जो अब बात निकल के आ रही है वो सीधे रिलीज डेट के लिए है दोस्तों, क्योंकि अल्लू अर्जुन ने हाल ही में आज ही अनाउंस कर दिया है। उन्होंने एक पोस्टर शेयर किया है जिसमें कि उनके हाथ में कुल्हाड़ी नजर आ रही है, पूरे जंगल का सीन, अंधेरा सीन नजर आ रहा है, उनके साथ बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, वो एक पेड़ पर बैठे हुए हैं। और साथ ही अल्लू अर्जुन ने अनाउंस कर दिया है कि उनकी फिल्म पुष्पा कब रिलीज होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने ये जो पोस्टर है वो शेयर किया है और पीछे से आप देख सकते हैं और लोगों के हाथ में भी कुल्हाड़ी है। अल्लू अर्जुन बहुत ही अग्रेसिव मूड में नजर आ रहे हैं और सब उनकी तरफ देख रहे हैं। काफी अमेजिंग है ये पोस्टर और साथ ही अल्लू अर्जुन ने इसे कैप्शन दिया है #पुष्पा लोडिंग इन थिएटर्स फ्रॉम 13th of August 2021, एक्साइटेड टू मीट यू ऑल इन सिनेमाज दिस ईयर। और सिर्फ अल्लू अर्जुन ही नहीं, हम सब भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, वो फिर से वही मैजिक क्रिएट करेंगे। वहीं दोस्तों आपको बता दें, पुष्पा एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इसे डायरेक्ट कर रहे हैं सुकुमार, जो कि अल्लू अर्जुन के साथ आर्या और आर्या 2 में भी उन्हें डायरेक्ट कर चुके हैं। फिल्म में अल्लू अर्जुन के अलावा आपको विजय सेतुपति, प्रकाश राज, जगपति बाबू जैसे कलाकार नजर आएंगे। और एक्ट्रेस की बात करें तो रश्मिका मंदाना एक बार फिर से जादू बिखेरने के लिए तैयार है, इन दोनों की केमिस्ट्री को काफी पसंद किया जाता है। वहीं हरमन उथुमन और वेनेला किशोर भी इस फिल्म में अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। ये फिल्म लाल चंदन यानी कि सैंडलवुड जो लकड़ी होती है उसकी तस्करी पर आधारित है। फिल्म की पृष्ठभूमि सेशाचलम
के जंगल के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी। ये दक्षिणी आंध्र प्रदेश में पूर्वी घाट के पहाड़ी क्षेत्र का हिस्सा है, यानी कि बहुत अच्छी लोकेशन आपको फिल्म में दिखेगी। और इसमें विजय सेतुपति और अल्लू अर्जुन एक दूसरे के आमने सामने होने वाले हैं, यानी कि खतरनाक एक्शन, दमदार फाइट होने वाली है। तो दोस्तों, आपको कितना इंतजार है पुष्पा का, नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल पता ही चल गया है 13 अगस्त को ये फिल्म रिलीज होने वाली है, तो आप कितने एक्साइटेड है इस फिल्म के लिए जल्दी से लिख डालिए नीचे कॉमेंट सेक्शन में। और इसी तरह के दूसरे बॉलीवुड टॉलीवुड हॉलीवुड अपडेट्स के लिए हेलो एंड वेलकम टू पॉलीग्राड स्टूडियोज की कौन नई चटपटी वीडियो में। हूं श्रिया अरोरा, आपकी आज की होस्ट, और आज हम बात करने वाले हैं फिल्म पुष्पा के बारे में। पुष्पा एक अपकमिंग इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे डायरेक्टर और लिखा सुकुमार ने है। सुकुमार एक इंडियन फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड स्क्रीन राइटर है, जो की प्रीडोमिनेटली तेलुगु सिनेमा में ही काम करते हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एज अ राइटर की थी, और उन्होंने मोहन और वीवी विनायक को भी असिस्ट किया है। सुकुमार ने अपना डायरेक्शनल डेब्यू 2004 में फिल्म आर्या के द्वारा किया था, और ये फिल्म काफी सुपर हिट हुई थी, जो कि उनके सक्सेस का बहुत बड़ा कारण भी बनी थी। फिल्म में बतौर लीड एक्टर्स अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना को लिया गया था। जगापति, बाबू, प्रकाश राज, धनंजय, सुनील, गिरीश उठमन और वेनिला किशोर फिल्म में सपोर्टिंग रोल में थे। आपको बता दें कि फिल्म पुष्पा को प्रोड्यूस मैत्री मूवी मेकर्स इन एसोसिएशन विद मुत्तम शेट्टी मीडिया के तहत प्रोड्यूस किया गया था। फिल्म पुष्पा का म्यूजिक देवी प्रसाद स्कोरिंग के तहत रिलीज किया गया था। फिल्म पुष्पा को 13 अगस्त 2021 को रिलीज करने का स्केड्यूल किया है। फिल्म को तेलुगु, तमिल, मलयालम, हिंदी और कन्नड़ वर्जन में डब्ड किया जाने वाला है। जनवरी 2020 में पहले डायरेक्टर सुकुमार का प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया था महेश बाबू के साथ, लेकिन महेश बाबू और डायरेक्टर सुकुमार के क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से महेश बाबू ने फिल्म का आइडिया ड्रॉप कर दिया, और उनका नेक्स्ट प्रोजेक्ट सरीलेरू नेकेवारू फिल्म को साइन किया था, जिसे डायरेक्ट अनिल रवि पुरिस ने किया था। बाद में अल्लू अर्जुन ने प्रोजेक्ट साइन किया सुकुमार के साथ उनके फिल्म में एज अ लीड एक्टर काम करके। सुकुमार और अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा थर्ड कोलैबोरेशन है। साथ में सुकुमार ने फिल्म का स्टोरी लाइन द रेड सैंडर्स ऐसे डिस्क्राइब किया था। आपको बता दें कि फिल्म पुष्पा को फॉर्मली लॉन्च किया गया था अक्टूबर 2019 में। दिसंबर 2019 में डायरेक्टर सुकुमार ने टेस्ट शूट परफॉर्म किया था केरला के एथीरैपिडली फॉल्स पर। फिल्म पुष्पा का फर्स्ट शेड्यूल केरला में ही शूट किया गया था। फिल्म को कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से हॉल्ट कर दिया गया था। फिल्म की शूटिंग दोबारा स्टार्ट करी गई थी 10 नवंबर 2020 में। विजय सेतुपति बहुत चर्चा में थे द एंटागोनिस्ट प्ले करने के लिए, और जनवरी 2020 में फिल्म का पार्ट बन गए। रश्मिका मंदाना को अप्रैल 2019 में एज अ लीड एक्टर कास्ट किया गया था, और जगापति बेबी और प्रकाश राज को की रोल्स के करने के लिए फिल्म में कास्ट किया गया था। आपको बता दें कि जुलाई 2020 में ऐसी खबर सामने आई कि विजय सेतुपति को फिल्म से ड्रॉप कर दिया गया है उनकी साइटिंग डेट इश्यूज की वजह से। कन्नड़ा के फेमस एक्टर धनंजय को पाइवटल रोल के लिए कास्ट किया गया था। नवंबर 2020 में जब फिल्म पुष्पा की शूटिंग फिर से शुरू हुई थी, तब सुनील को सपोर्टिंग रोल के लिए कास्ट किया गया था। बस फिलहाल आज इस फिल्म के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज को सब्सक्राइब भी जरूर करें। हम जल्द ही लौटेंगे एक नई फिल्म और नई अपडेट के साथ। आज की स्क्रिप्ट राइटर है रुशाल। इतनी सी बात के लिए इतना वायलेंस? मेरी यही प्रॉब्लम है सर, मारता ज्यादा हूं गिनता कम। गिनकर मारने के लिए ये कोई डाइटिंग थोड़ी है, फाइटिंग है। ऐ सर, मैं ऐसा ही हूं, भूख लगती है तो पेट भर खाता, नींद आती है तो जी भर सोता, और गुस्सा आता है तो
पुष्पा से करने वाली है रश्मिका मंदाना बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत। क्या साउथ की अगली कंट्रीब्यूशन बॉलीवुड को रश्मिका मंदाना है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रिया अरोरा, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, आपने ये तो अभी अभी जरूर देखा होगा कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के कई फिल्में पैन इंडिया रिलीज यानी कि अपने ओरिजिनल भाषा के साथ साथ कई और भाषाओं में भी रिलीज होने वाली है। ये ट्रेंड शुरू हुआ था जब 2015 में SS राजा मौली की फिल्म बाहुबली द बिगनिंग रिलीज हुई थी। बहुत बड़ी बजट पर बनाई गई इस फिल्म के हिंदी वर्जन की प्रोडक्शन करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस ने किया था। उसके बाद बाहुबली स्टार प्रभास की पॉपुलैरिटी की वजह से उनकी फिल्म साहू को भी एक पैन इंडिया रिलीज मिला। फिर उनकी आने वाली फिल्में राधे श्याम और आदि पुरुष और साथ में नाग अश्विन की फिल्म और सिद्धार्थ आनंद की फिल्में भी पैन इंडिया रिलीज होने वाली है। उसके बाद फिल्म KGF चैप्टर 2 को भी एक बहुत धमाकेदार पैन इंडिया रिलीज मिला। इसी का दूसरा पार्ट 30 जुलाई को रिलीज होने वाला है। साउथ इंडियन एक्ट्रेसेस ने कई बार बॉलीवुड में अपना रंग जमाने की कोशिश की है, जैसे कि श्रीदेवी, जया प्राडा, ऐश्वर्या राय, असिन, दीपिका पादुकोण, तापसी पन्नू जैसी कुछ अभिनेत्रियां अमाप सफलता पा चुकी हैं बॉलीवुड में। वही सिल्क स्मिथा, सौंदर्य, काजल अग्रवाल, त्रिशा कृष्णन जैसी अभिनेत्रियां ज्यादा कामयाबी नहीं हासिल कर पाई, हालांकि वो सब साउथ में बहुत ही बड़े सितारे हैं। अभी अभी साउथ में विजय की फिल्में बहुत प्रसिद्ध हो रही हैं और साथ ही साथ विजय के साथ नाम आता है रश्मिका मंदाना का भी। रश्मिका मंदाना को पिछले साल नेशनल क्रश का टाइटल मिला था। ये क्रश पहले दिशा पाटनी को भी मिला था। रश्मिका मंदाना एक के बाद एक बड़े बड़े हीरोज के साथ काम करके अपने करियर में खूब तेजी से आगे बढ़ रही हैं। तेलुगू, तमिल और कन्नड़ में अपने फिल्मी करियर को मजबूत बनाने के बाद अब वो हिंदी फिल्मों में भी रंग जमाना चाहती हैं। कुछ दिनों पहले उन्हें RSVP मूवीज की एक प्रोजेक्ट मिशन मजनू ऑफर हुई थी। RSVP के सारे फिल्में और सीरीज अच्छी होती है और रश्मिका ने तुरंत ही हाँ कह दिया था। इसमें उनके ऑपोजिट होंगे सिद्धार्थ मल्होत्रा, मगर हाल ही में सिद्धार्थ मल्होत्रा का करियर इतना स्मूथ नहीं जा रहा। हालांकि वो अलग तरह की फिल्मों में एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उनके प्रयास ज्यादा कामयाब नहीं हो पा रहे। तो इसलिए रश्मिका अपने बॉलीवुड डेब्यू को और भी मजबूत बनाने के लिए एक बड़े हीरो के ऑपोजिट फिल्म ढूंढ रही थी। और इसी वक्त उनके कानों में अल्लू अर्जुन की एक फिल्म आई। अल्लू अर्जुन के साथ जब उन्होंने काम करने का मन बना लिया तो उनकी ख्वाहिश पूरी भी हो गई और तभी उन्होंने इस फिल्म को पैन इंडिया रिलीज करवाने का सुझाव भी दे दिया। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि अल्लू अर्जुन को इस बार सोनी मैक्स पर नहीं बल्कि थिएटर में भी हिंदी में हम सब देख सकते हैं, केवल रश्मिका की उस ख्वाहिश की वजह से। चलिए दोस्तों, साउथ फिल्म के एक्टर अल्लू अर्जुन इस वक्त फिल्म इंडस्ट्री की सबसे चर्चित एक्टर हैं। उनके पिछले फिल्म अल्ला वैकुंठपुरम की धुआंधार सक्सेस ने उन्हें पूरी दुनिया में यानी कि पूरे देश में चर्चित कर दिया है। भले ही ये साउथ स्टार की फिल्म पैन इंडिया रिलीज नहीं थी, बावजूद इसके इस फिल्म की सक्सेस ने उन्हें पूरे देश में चर्चित कर दिया है। अब अल्लू अर्जुन अपनी अगली फिल्म पुष्पा को लेकर बिजी हैं, जो पैन इंडिया रिलीज होने वाली है। इस फिल्म को मेकर हिंदी, तमिल, तेलुगू, कन्नड़ और मलयालम लैंग्वेज में रिलीज कर रहे हैं। ऐसे में एक्टर को लेकर खबरों का बाजार लगातार गर्म है। अब अल्लू अर्जुन से जुड़ी एक और दिलचस्प खबर सामने आ रही है, जिसे सुनकर उनके फैंस का क्रेज सातवें आसमान पर पहुंच जाने वाला है। दरअसल अल्लू अर्जुन ने हाल ही में KGF डायरेक्टर प्रशांत नील से मुलाकात की है। वो हैदराबाद में आज प्रशांत नील के दफ्तर के बाहर स्पॉट किए गए। यहाँ उन्हें देखने के लिए लंबी लाइन लगी थी। अल्लू अर्जुन ने वहाँ से निकलने के बाद हजारों फैंस को हाथ हिलाकर अभिवादन किया। अल्लू अर्जुन ने फैंस को इस तरह से उन पर प्यार बरसाने के लिए धन्यवाद भी कहा, जिसके बाद वो ऑफिस के अंदर चले गए। इसके बाद से खबरों का बाजार गर्म है कि अल्लू अर्जुन और प्रशांत नील की ये मुलाकात किसी आने वाले प्रोजेक्ट पर बात करने को लेकर है। इस खबर से अल्लू अर्जुन के फैंस में भारी क्रेज है। वेल, आपको बता दें कि प्रशांत नील की KGF 2 बनकर तैयार है और जल्दी थिएटर में पहुंचने वाली है। इसके बाद वो प्रभास की आने वाली फिल्म सलार को पूरा करने की कोशिश में जुटे होंगे। फिल्म इन दिनों शूटिंग स्टेज पर है। क्या इसके बाद प्रशांत नील अल्लू अर्जुन संग अगली फिल्म की तैयारी करेंगे? इस सवाल का जवाब उम्मीद है कि जल्द मिलेगा। वेल दोस्तों, आपका क्या कहना है इस मीटिंग के बारे में, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय। क्या बॉलीवुड में भी एक सुपरस्टार बनना चाहते हैं अल्लू अर्जुन, और क्या बॉलीवुड में अपने कदम जमाने का इरादा है इनका? तो आइए जानते हैं।
हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं जैनी शाहनवाज आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करती हूं, जहां आज हम बात करने वाले हैं फिल्म पुष्पा की। तो दोस्तों, मेरा आप सभी से एक सवाल है, क्या आप सभी ने कभी साउथ इंडियन फिल्में देखी? वैसे अगर ये सवाल मुझसे पूछा जाए तो मेरा जवाब होता है हाँ। और मुझे पता है आप सभी जो इस वीडियो को देख रहे हैं आधे साउथ इंडियन होंगे और आधे होंगे नॉर्थ इंडियन। तो आप लोगों ने, मैं नॉर्थ इंडियन वालों से सवाल कर रही हूँ, आप लोगों ने भी साउथ इंडियन फिल्में तो जरूर देखी होंगी ना। आप सभी को वो भाषा समझ आती है ना, आप सभी को समझ आता है कि वो लोग क्या बोल रहे हैं, पर आप इन फिल्मों को देखना बड़ा इंजॉय करते हैं। और वैसे हम कई सारे टीवी चैनल्स पर ये भी देखते हैं कि साउथ फिल्मों को हिंदी डब कर दिखाया जाता है। तो दोस्तों, अल्लू अर्जुन, सुधीर बाबू, महेश बाबू, रजनीकांत, ऐसे नाम तो हम सभी ने सुने ही हैं। और इनमें से कई एक्टर्स को तो हमने बॉलीवुड में काम करते हुए भी देखा है, जहां हमने रजनीकांत को अमिताभ बच्चन के साथ देखा है, वहीं एक तरफ शाहरुख खान के साथ भी देखा है, और साथ साथ ऐश्वर्या राय के साथ उनकी फिल्म रोबोट में तो देखा ही देखा है। उस फिल्म को भला किसने मिस किया होगा। लेकिन जिस तरीके से इन एक्टर्स को साउथ में पूजा जाता है, जिस तरीके से इन एक्टर्स को साउथ में प्यार किया जाता है, उन्हें वो रिकॉग्निशन, उस लेवल का रिकॉग्निशन बॉलीवुड में नहीं मिल पाता है। दोस्तों, आप सभी को एक मजे की बात अगर मैं बताऊं तो वो ये है कि रजनीकांत को पूरे साउथ में इस तरीके से पूजा जाता है कि जब भी उनकी फिल्म रिलीज होती है तो वहां पर पूरी नेशन वाइड हॉलीडे डिक्लेयर कर दी जाती है। जी हाँ, और साउथ इंडियन फिल्मों का बिजनेस जरा बड़ा है, यहाँ पर बॉलीवुड में भी इन फिल्मों को बहुत ज्यादा देखा जाता है। तो जब साउथ के मेकर्स ने ये देखा कि लोग फिल्मों को इतना प्यार कर रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इन फिल्मों का हिंदी डब कर रिलीज कर दिया जाए, क्यों ना इन फिल्मों को सिनेमा घरों में एज हिंदी डब रिलीज कर दिया जाए। ऐसे में हम साउथ की इन फिल्मों का मजा अपनी चुनी हुई भाषा में अपने पास के नजदीकी सिनेमा घरों में भी देख सकते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखकर बाहुबली फ्रेंचाइज और केजीएफ फ्रेंचाइज ने फिल्मों को डब कर सिनेमा में रिलीज किया है, और यहां तक कि साहू जैसी फिल्मों में हिंदी एक्टर्स को भी लिया गया है। साउथ के मशहूर एक्टर अल्लू अर्जुन अभी तक इस सब को नोटिस करते आ रहे थे। वैसे तो उनकी ऑडियंस तमिल ऑडियंस, कन्नड़ ऑडियंस, यही सब, लेकिन अब वो अपने इस टारगेट को बदलना चाहते हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में अल्लू अर्जुन ने बॉलीवुड की तारीफ की। उन्होंने कहा कि उन्हें बॉलीवुड एस्पिरेशनल लगता है, और यहां तक कि उरी जैसी फिल्म की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि अगर उनको कभी उरी जैसी फिल्म ऑफर की जाए तो वो उस फिल्म को जरूर करना चाहेंगे। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि तमिल फिल्म अर्जुन रेड्डी, ऐसी फिल्मों में वो काम नहीं करना चाहते, इसलिए वो अब पुष्पा को पैन इंडिया रिलीज दिलाने वाले हैं, जिसकी वजह से वो फिल्म बॉलीवुड में रिलीज कर दी जाएगी। तो अब ये देखना बाकी होगा कि कितनी तेजी से अल्लू एंट्री मारते हैं बॉलीवुड के मार्केट में, और आप लोगों को क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मैं जैनी शाहनवाज लेती हूँ आप सभी से विदा। पुष्पा में होने वाली है उर्वशी रौतेला, क्या होने वाली है पुष्पा की खास बातें, कब तक ये फिल्म रिलीज होगी? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जैन। पुष्पा की लगातार अपडेट हम आपको देते ही रहते हैं। एक और अपडेट सामने आई है पुष्पा की, और इस फिल्म में एंट्री हो चुकी है उर्वशी रौतेला की। जी हाँ, उर्वशी रौतेला जो कि हॉट एंड स्टनिंग है, बॉलीवुड डीवा है, और अब उनका एक आइटम सॉन्ग होने वाला है पुष्पा में। बेहतरीन डांस तो उर्वशी करती ही है, साथ ही उनके जो लुक्स है वो वाकई कातिलाना है। और आपको बता दें, पुष्पा जो फिल्म है उसका हाल ही में शूट शुरू किया था अल्लू अर्जुन से, सेट से भी बहुत सारी तस्वीरें लीक हुई थी, और जब लीक हुई थी तो सुकुमार जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, वो नहीं चाहते कि कोई भी तस्वीर सामने आई, इसीलिए उन्होंने टाइट सिक्योरिटी कर ली है कि सेट से कोई भी तस्वीर बाहर ना जाए। वो एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं इस फिल्म के जरिए। आपको बता दें, इस फिल्म में अल्लू अर्जुन का जो लुक है वो काफ़ी कमाल का है। अल्लू अर्जुन के इसमें कर्ली हेयर नजर आ रहे हैं और चेक शॉर्ट नजर आ रही है, 90s का दौर दिख रहा है। इस फिल्म में वो जंगल का पूरा शूट है, और साथ ही आपको बता दें इसमें सैंडलवुड जो लकड़ी होती है उसकी स्मगलिंग करते हुए दिखाई देंगे अल्लू अर्जुन। और इसमें विजय सेतुपति भी अहम भूमिका में नजर आने वाले हैं, वो पुलिस का किरदार करने वाले हैं, और शायद अल्लू अर्जुन कैसे बचते हैं उनसे, ये सारी कहानी होगी। रश्मिका मंदाना अल्लू अर्जुन के अपोजिट इस फिल्म में नजर आएंगी।
वहीं आपको बता दें अल्लू अर्जुन की पुष्पा एक पैन इंडिया फिल्म होने वाली है, यानी कि पहली बार बड़े पर्दे पर हमें अपने स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन नजर आएंगे। जब हम इन्हें छोटी स्क्रीन पर ही देखते हैं, टीवी पर देखते हैं, तो मजा आ जाता है, लेकिन सोचिए बड़े पर्दे का अनुभव किस तरह से होगा जब ग्रैंड एंट्री होगी। और इसमें खाली एक जब एंट्री होनी है अल्लू अर्जुन की, उस पर 6 करोड़ का बड़ा खर्चा किया गया है। बहुत ही धमाकेदार इसको बनाया जाएगा। इसमें एक्शन सीन्स भी कमाल के होने वाले हैं दोस्तों, यानी कि फुल्ली एंटरटेनमेंट फिल्म ये होने वाली है, क्योंकि एक्शन तो है ही, साथ ही आपको उर्वशी रौतेला का धमाकेदार डांस भी इस फिल्म में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों कितना इंतजार है आपको अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा का, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल इसकी शूटिंग चल रही है और अगले साल तक इसे रिलीज किए जाने का प्लान है, तो लिखिए नीचे कमेंट सेक्शन में कितना इंतजार है पुष्पा का, अल्लू अर्जुन आपको कैसे लगते हैं। और इसी तरह के दूसरे बॉलीवुड टॉलीवुड हॉलीवुड रिव्यूज के लिए, अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल। कौन है फिल्म पुष्पा के विलन और क्यों हुए हैं वो इतने मशहूर, वहीं कैसी है पुष्पा की हीरोइन रश्मिका मंदाना की आने वाली फिल्में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पलक गुप्ता है और मैं आपका स्वागत करती हूं बॉलीग्राफ स्टूडियोज में। आज हम बात करने वाले हैं फिल्म पुष्पा से जुड़े कुछ नए अपडेट, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर हम आपसे पूछें कि आपकी पसंदीदा हीरोइन कौन है या फिर कौन सी एक्ट्रेस है जो आपकी करंट क्रश है, तो किस एक्ट्रेस का नाम लेंगे आप? कहीं ये नाम साउथ की ब्यूटीफुल और क्यूट एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना का तो नहीं? कन्नड़ सिनेमा की खूबसूरत और लोकप्रिय एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना के फैंस को उस वक्त सबसे बड़ा सरप्राइज मिला जब सर्च इंजन गूगल ने एक्ट्रेस को नेशनल क्रश ऑफ इंडिया 2020 फीमेल घोषित किया। गूगल ने नेशनल क्रश सर्च करने पर रश्मिका का नाम परिणामों में मिलता है और इसके बाद ट्विटर पर भी रश्मिका नेशनल क्रश हैशटैग के साथ ट्रेंड करने लगी है। और उसके बाद ही रश्मिका ने इसका स्क्रीनशॉट अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर भी किया। उन्होंने इसके साथ लिखा, मेरे फैंस वाकई लेजेंडरी हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे लोगों से इतना प्यार मिलेगा। मेरा दिल मेरे फैंस के पास है। 24 साल की रश्मिका दक्षिण भारत के अलावा उत्तर भारत में भी काफी लोकप्रिय है। रश्मिका ने कन्नड़, तमिल और तेलुगु फिल्मों में काम किया है और रश्मिका ने 2016 में किरिक पार्टी फिल्म से कन्नड़ सिनेमा में डेब्यू किया था। इस फिल्म में रश्मिका की अदाकारी खूब तारीफ की गई थी और फिल्म उस साल की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई थी, जिसमें से एक साल बाद ही 2017 में एक्ट्रेस ने फिल्म के हीरो रक्षित शेट्टी के साथ सगाई रचा ली थी, लेकिन कुछ ही महीनों में दोनों के ब्रेकअप की खबरें सामने आने लगी। यही ब्रेकअप उनका ग्लो अप साबित हुआ, क्योंकि महज 24 साल की ये अभिनेत्री साउथ की टॉप एक्ट्रेसेस में गिनी जाने लगी है और बड़े बड़े नामचीन एक्टर्स के साथ रश्मिका की जोड़ी बनाई गई, जिसमें एक नाम फिल्म पुष्पा का सामने आया और पुष्पा में रश्मिका साउथ के मशहूर अभिनेता अल्लू अर्जुन के साथ दिखाई देंगे। फिल्म की स्टोरी लाइन बेहद इंटरेस्टिंग है और आंध्र प्रदेश की पहाड़ियों में बुनी जा रही है। इस एज गैप को बनाए हुए रश्मिका जल्द ही ज्योतिका के पति यानी सुपरस्टार सिंघम सूर्य के साथ काम करने जा रही हैं। टॉलीवुड अभिनेता सूर्य, जो अपनी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म सोरावाई पोट्रो की सफलता के बाद अपनी अगली फिल्म पर फोकस कर रहे हैं और उनकी 40वीं फिल्म होगी। ट्विटर पर पहले ही ये घोषणा की जा चुकी है कि अभिनेता निर्देशक पंडी राज के साथ एक फिल्म कर रहे हैं और फिल्म में सूर्या के अपोजिट रश्मिका मंदाना होंगी। वहीं सूर्य, महेश बाबू और अल्लू अर्जुन तीनों ही शादीशुदा एक्टर्स हैं। अल्लू अर्जुन इस लिस्ट के सबसे जवान शादीशुदा हीरो हैं और एक पिता भी हैं, जिन्होंने हाल ही में अपनी बेटी अल्लू अरहा का जन्मदिन पुष्पा के सेट पर मनाया। बता दें इस वक्त पुष्प की शूटिंग आंध्र प्रदेश में हो रही है और वहीं अपनी पॉपुलैरिटी के चलते रश्मिका अपने से 13 साल बड़े एक्टर के साथ स्क्रीन शेयर करने जा रही है, लेकिन सारी लेरू निक्की वारू ने में अपने से 20 साल बड़े एक्टर महेश बाबू के साथ काम करने के बाद अल्लू अर्जुन के साथ इस बड़ी फिल्म के ऑफर को कैसे मना कर सकती थी अभिनेत्री। वही याद आती है फिल्म ए दिल है मुश्किल, जब रणवीर कपूर ने 9 साल बड़ी एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय पर अपने से छोटी उम्र के हीरो के साथ काम करने पर सवाल उठाए गए थे। देखिए कैसे समय बदल गया। वहीं क्या समय सही में बदल गया या केवल समय मेल एक्टर्स के लिए समय बदला है? साथ ही क्या वजह है कि फिल्म पुष्पा में विलेन विजय सेतुपति इतने मशहूर हैं? अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुके विजय सेतुपति साउथ के राजकुमार राव या आयुष्मान खुराना कहे जाते हैं, जिसके फलस्वरूप वो आमिर खान की अगली फिल्म में भी काम करने जा रहे हैं। एक एक्टर के साथ विजय प्रोड्यूसर, लिरिसिस्ट और डायलॉग राइटर भी हैं और विजय तमिल फिल्मों में मुख्य रूप में काम करते हैं। इसके अलावा कुछ तेलुगु, मलयालम और हिंदी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। अभिनेता को उनके प्रशंसकों और मीडिया द्वारा मक्कल सेल्वन
के रूप में जाना जाता है। तेजा, सुपर डीलक्स और पेटा जैसी विजय सेतुपति की फिल्मों ने अभिनेता की वर्सिटैलिटी को दिखाया। विजय ने कई अवार्ड्स को अपने नाम किया है और अपने आगे की फिल्मों के साथ वो अवार्ड्स का सिलसिला बरकरार रखेंगे और जल्द ही वो रितु हसन के साथ फिल्म लाबम में भी दिखाई देने वाले हैं। तो क्या एक मुख्य खलनायक का अवार्ड जीतने के बाद पुष्पा में विलन का किरदार निभाना आसान होगा? विजय सेतुपति के लिए क्या होगा? वहीं क्या विजय की पॉपुलैरिटी टक्कर देगी अल्लू अर्जुन और रश्मिका की पॉपुलैरिटी को? हमें अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वहीं अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को। इस वीडियो की स्क्रिप्ट सिमरन रावत ने लिखी है। यहाँ ऐसा कुछ हुआ है जो ना कभी देखा गया, कभी सोचा भी। ब्रिटिश हुकूमत को उसकी जड़ों से ही हिला दिया। तुम जरा सा खून देखकर इतना डर गए, इससे पहले कि मैं खून की नदियां बहा दूं, दफा हो जाओ यहां से। यहां प्यार अपनापन दिखाना बेकार है, इसकी कोई कीमत नहीं है। यहां जिसका दिल पत्थर का, उसको फर्क नहीं पड़ता। हिंदुस्तान में बहादुर बेटों की कमी नहीं है। इस मुल्क की मिट्टी उनके खून से लहलहाई हुई है। एक राक्षस को तो दबोच लिया, लेकिन उसके साथ उससे भी बड़े राक्षस को बचा लिया। ऐसा कुछ हुआ है जो ना कभी देखा गया, ना कभी सोचा गया। ब्रिटिश हुकूमत को उसकी जड़ों से ही हिला दिया। तुम जरा सा खून देखकर इतना डर गए, इससे पहले कि मैं खून की नदियां बहा दूं, दफा हो जाओ यहां से। यहां प्यार अपनापन दिखाना बेकार है, इसकी कोई कीमत नहीं है। यहां जिसका दिल पत्थर का, उसको फर्क नहीं पड़ता। हिंदुस्तान में बहादुर बेटों की कमी नहीं है। इस मुल्क की मिट्टी उनके खून से लहलहाई हुई है। तुमने एक राक्षस को तो दबोच लिया, लेकिन उसके साथ उससे भी बड़े राक्षस को बचा लिया। ऐसा कुछ हुआ है जो ना कभी देखा गया, ना कभी सोचा गया। ब्रिटिश हुकूमत को उसकी जड़ों से ही हिला दिया। तुम जरा सा खून देखकर इतना डर गए, इससे पहले कि मैं खून की नदियां बहा दूं, दफा हो जाओ यहां से। यहां प्यार अपनापन दिखाना बेकार है, इसकी कोई कीमत नहीं है। यहां जिसका दिल पत्थर का, उसको फर्क नहीं पड़ता।
हिंदुस्तान में बहादुर बेटों की कमी नहीं है। उस मुल्क की मिट्टी उनके खून से लहराई हुई है। हमने एक राक्षस को तो दबोच लिया, लेकिन उसके साथ उससे भी बड़े राक्षस को बचा लिया।